बिकॉज मैं एक बैलेंस रखने वाला हूं रिविजन में चीजें प्रॉपरली भी करवाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ एट द सेम टाइम रिविजन का भी एक फ्लेयर आ जाएगा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस रियल ऑप्शन आ गया है उसमें ग्रोथ टाइमिंग ऑप्शन अबेंडनमेंट ऑप्शन ब्लैक एंड स्कोल्स मैथड यस ब्लैक एंड स्कोल्स मैथड के ऊपर मैं सम्स करवाने वाला हूं ग्रोथ ऑप्शन का आईसीआई मॉड्यूल में सम है करवाने वाला हूँ टाइमिंग ऑप्शन का सम है अबेंडनमेंट का ऑप्शन का सम है वो सारी चीजें आप लोग के साथ होने वाली है यस इन दिस सेशन गाइस माइंड यू सो तो ये देखो अगर आप लोग पे देखोगे तो ये ब्लैक एंड स्कोल्स मेथड के ऊपर सम्स है, ये देखो ये आप लोग को खाली मैं इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बता रहा हूं तो ये सम होने वाला है सी दिस सम इज ऑन ग्रोथ ऑप्शन सी दिस सम इज ऑन ग्रोथ ऑप्शन सर क्या ये वाला सम करवाओगे इस आज के सेशन में येस देन उसके बाद सर उसके बाद अबेंडनमेंट सम अबेंडनमेंट ऑप्शन का सम आया अलग से क्या ये सम करवाओगे यस yes. फिर बाद में टाइमिंग ऑप्शन के ऊपर सम आया है सब नया आइए क्या करवाओगे यस ब्लैक एंड स्कोल्स मेथड के ऊपर एक क्लासिक क्वेश्चन है यस yes, एक क्लासिक क्वेश्चन है सर क्या वो क्लासिक क्वेश्चन भी करवाओगे द अगेन द आंसर इज यस दिस इज दैट क्लासिक क्वेश्चन ऑन ब्लैक एंड स्कोल्स मेथड गाइस वो भी यस yes, आज ही इसी के सेशन में होने वाला है ऑल आई वांट फ्रॉम फुल डेडिकेशन ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना सारी चीजें हो जाएगी और मैं एक आप लोग को प्रॉमिस करता हूं बाय द एंड ऑफ दिस से इसीलिए टाइम ज्यादा मांग रहा हूं आपसे पर चीज भी वैसी दूंगा क्वालिटी भी वैसी ही दूंगा And ये आपको खुद को फील होगा जब आप मुझे अभी कमेंट करके बोलेंगे दैट यस सर इवन माय फेवरेट टॉपिक इज डेरिवेटिव्स सो ऑप्शंस ऑप्शंस वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस बाइनोमियल मेथड्स फ्यूचर्स हेजिंग विद फ्यूचर्स आर्बिट्राज सारी चीजें आज कवर होने वाली है इन दिस सेशन टूडे सो बीट योर बाइनोमियल ऑप्शन ग्रीक्स रियल ऑप्शन फ्यूचर्स ब्लैक स्कोल्स वैल्युएशन एवरीथिंग यस yes. तो so, आपका कमेंट में वेट कर रहा हूं मैं सर माय फेवरेट चैप्टर इज आल्सो ऑल्सो फॉर एक्सर आज डेरिवेटिव्स तो फेवरेट बना के ही छोड़ूंगा बस फोकस रहना टाइम स्टैम्प्स है आपके पास टाइम स्टैम्प्स में जो जो चीज है आपको चाहिए देखते जाओ इसको चाहिए तो स्प्लिट कर दो सेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है उस हिसाब से भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट गेट इट डन तरली एग्जाम के पहले एटलीस्ट दो तीन बार होना चाहिए मैजिक बुक अगर नहीं है तो प्लीज ऑर्डर कर दो रिफर कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम का भी लिंक दे रहा हूं प्लीज ज्वाइन इट सो दैट यू हैव द मैक्सिमम ऑफ दैट आई हैव टू ऑफर फॉर ए एफ एम ऑल एड गाइस शुभकामना देरी के इस बात की लेट द गेम बिगिन स्टार्ट कर रहा हूं मैं इस सेशन को और मैं बता दू यस वी आर गोइंग टू रॉकेट इन दिस मतलब एकदम इत्मीनान से पढ़ाने वाला हूं मैं मजा आ जाएगा एंड कहीं ना कहीं मेरा जो जेपी मॉर्गन का एक्सपीरियंस है वो आपको यहां पे दिखते जाएगा मैं आपको आप बताऊंगा भी दैट आई हैव इन दिस इंडस्ट्री यार फॉर सो मेनी इयर्स चलो आओ उसका उपयोग भी करते हैं सो so, सारी चीजें एक तरफ का रिविजन एक तरफ चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को फुल फ्रेश हो जाओ नोटबुक लेके बैठो क्योंकि मैं काफी सारी चीजें लिखवाने वाला आप लोगों को, in terms of sums, in terms of examples, everything. तो, you know, अच्छा रहेगा. सारे पे, ठीक है? एंड सेशन होते ही कैसा लगा आप लोगों को डू लेट मी नो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल let's दे ऑन दैट नोट

सो so, मणिपुर में बेस्ड ये जो मैरी कॉम है उसने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं इन बॉक्सिंग इस मैरीकॉम जो मेन बॉक्सर है जिसने मेडल जीते है इसके ऊपर बेस्ड एक मूवी बनाई जिसमें प्रियंका चोपड़ा वॉज मैरी कॉम सो यहां पे प्रियंका चोपड़ा इज अ डेरिवेटिव ऑफ द रियल बॉक्सर मैरीकॉम समझ में आया सो so, वैसे तो मेन कौन है मेन एसेट

अगर कोई अंडरलाइंग एसेट के ऊपर डिराइव होके कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ रहा है देन इन इज कॉल्ड एस डेरिवेटिव। अनदर एग्जांपल, आप लोगों ने खाली नाम सुना होगा रिलायंस फ्यूचर्स रिलायंस ऑप्शन सो ये जो रिलायंस फ्यूचर्स है रिलायंस ऑप्शन है दीज आर ऑल डेरेवेटिव बट दे आर बेस्ड ऑन द मेन अंडरलाइंग एसेट विच इज रिलायंस का शेयर So, जैसे जैसे रिलायंस के मेन शेयर्स का मूवमेंट होगा वैसे वैसे मूवमेंट होगा इनके फ्यूचर्स में और इनके ऑप्शन में तो जो फ्यूचर्स है ऑप्शन है ये सब डेरिवेटिव है बट उसका अंडरलाइंग एसेट कौन है रिलायंस का मेन शेयर लेट्स टेक अनदर होमली एग्जाम्पल लाइक दैट ऑफ कर्ड एंड मिल्क अंडरलाइंग एसिड एंड उसी का एक डेरेवेटिव हो गया कर राइट right? सो so, कोई भी चीज के ऊपर डिपेंड होके कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर जनरेट होता है देन इट इज कॉल्ड एज डेरेवेटिव इन जनरल डेरेवेटिव का मतलब होता है दैट एनीथिंग विच इज डिपेंडेड ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट और अ पर्टिक्युलर थिंग अगर मैं आपको बोलता हूं कि से फॉर एग्जाम्पल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आने वाला है और अगर इंडिया एक भी मैच जीतती है देन इन दैट केस आई विल गिव ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट ऑन ऑल माय कोर्सेज सो यहां पे मेरा जो कोर्सेज है उसका प्राइस किसके ऊपर डिपेंडेंट है इंडिया के जीतने के ऊपर या हारने के ऊपर सो so, इंडिया इज द मेन इंडिया का क्रिकेट टीम इज द मेन एसेट एंड उसका डेरिवेटिव है मेरा एएफएम का लेक्चर सो दैट्स व्हाट डेरिवेटिव्स इज़ आई होप ये सारे एग्जांपल्स से आपको समझ में आ गया होगा दैट डेरिवेटिव इज़ एन इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वन और मोर अंडरलाइंग एसेट्स जैसा कि अपन लोग ने देखा मेरे एग्जांपल्स में मैरीकॉम रिलायंस का मेन इक्विटी शेयर्स मिल्क या फिर और जैसे कि इंडिया का क्रिकेट टीम ये सब अंडरलाइंग एसेट्स है एंड बाकी सब क्या है उनके विच कैन बी कमोडिटीज प्रेशियस मेटल्स करेंसी बॉन्ड स्टॉक स्टॉक इंडाइसिस एटसेट्रा द मेन अंडरलाइंग कुड बी एनीथिंग डिराइव होके कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया जा सकता है एंड अपने अपने uh, And, and विल will be done through एक्स जो एक अलग चैप्टर है, है Example of derivatives, प्रियंका चोपड़ा Earn crores by playing the actor in the movie Maricom So Maricom underlying asset Jiske basis pe movie bani Derivative Priyanka Chopra In absence of variable underlying asset The derivative instrument will have no value at all Right So agar Maricom nahi hoti Then in that case Priyanka Chopra ne crores of money by acting She wouldn't have earned at all सीधी सी बात है भाई अगर कर्ड बनता किससे है मिल्क से तो अगर मिल्क का प्राइस ऊपर गया बट ऑब्वियस है जिससे कॉर्ड कॉर्ड जिससे बनने वाला है तो का भी प्राइस ऊपर जाएगा अब मैं आपको बताता हूं इसकी हिस्ट्री डेरिवेटिव स्टार्ट किया गया था एज हेजिंग टूल कौन सी कम्पनीज? ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रही है जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया एक रिलायंस का डानी हो गया इंफोसिस टीसीएस बिग बिग कंपनीज़ यूज डेरिवेटिव एज हेजिंग टूल इन देर डेली बिजनेसिस फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई बहुत बड़ा इंपोर्ट ऑर्डर लिया है या मैंने कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया है तो मुझे डर है कि करेंसी का जो रेट्स है वो इतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएगा जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाए तो उस पोजीशन को सिक्योर करने के लिए उस पोजीशन को हेज करने के लिए एंटर अ डेरिवेटिव ऑफ अ करेंसी तो मैं अगर करेंसी के डेरिवेटिव में एंटर करता हूं तो वो फ्लक्चुएशन से अपने आप को हेज कर लूंगा अपने आप को बचा लूंगा ये कैसे होगा ये आगे आप लोगों को बताया जाएगा डोंट वेरी सो बेसिकली हेज़र्स यूज डेरिवेटिव फॉर बिजनेस पर्पजेज जैसा मैंने बोला कि अगर मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है और मुझे करंसी के फ्लक्चुएशन से डर है देन आई विल टेक डेरिवेटिव बेट ऑन अ करेंसी डेरिवेटिव समझ रहे हैं वैसे ही आज की तारीख में तो इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव आ गया है वेदर डेरिवेटिव आ गया है सो ऑल ऑफ दीज आर यूज अ लॉट ऑफ कंपनी से फॉर एग्जाम्पल मेरा फार्म है बहुत फार्मर्स है इंडिया में तो भाई एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है अपना तो, तो अभी अगर मेरा एक फार्म है जिसमें चावल और व्हीट और ये सब उगता है अब मुझे लग रहा है कि यार ये बार का जो वेदर है इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड एंड आई मे नॉट बी एबल टू अर्न अ गुड प्राइस तो मैं क्या यूज कर सकता हूं एक वेदर डेरिवेटिव को यूज कर सकता हूं इन ऑर्डर टू हेज माई पोजिशन राइट सो डेवेटिव यूज हेजर्स कौन है ये यूजुअली बिजनेस वाले होते हैं जो अपने बिजनेस के रिस्क को सिक्योर करना चाहते हैं फिर बाद में आते हैं स्पेक्यूलेटर्स जो आपकी और मेरी तरह पैसा कमाना चाहते हैं इस डेरिवेटिव्स के मार्केट से सो तो अगर मुझे लग रहा है कि यार रिलायंस का तो है ना मुझे मस्त वाला न्यूज आया है बहुत ऊपर जाने वाला है देन इन दैट केस मैं ऐसे डेरिवेटिव में एंटर करूंगा जिससे कि अगर रिलायंस का मार्केट ऊपर जाता है तो आई विल अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड जैसा मैंने सोचा ऐसा नहीं हुआ देन इन दैट केस आई विल बी रेडी टू लूज अ मनी एट एज वेल वैसे ही से मेरा कोई स्टूडेंट है वो है ना हाइड रिसर्च में काम करता है और उसने मुझे कॉल करके बताया कि सर हमारी तरफ से ना एक नेगेटिव न्यूज आया है एज रिगार्ड अडानी इज कंसर्न तो अडानी के ऊपर नेगेटिव न्यूज है सर आप अडानी के शेयर्स को शॉर्ट कर दो उसके ऊपर पुट ऑप्शन ले लो उसके ऊपर एक शॉर्ट फ्यूचर्स कर लो क्या है इसका एकदम डिटेल आगे बताऊंगा बट बेसिकली वो मेरे को बता रहा है कि सर स्पेक्युलेशन करो मतलब अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई नीचे जाने वाला है हाइड के वजह से अडानी का शेयर तो मैं उसके डेरिवेटिव एक पोजीशन ले लूंगा जिससे उसके नीचे जाने से मुझे बहुत सारा फायदा होगा सो so एसेट नीचे जाएगा उसका इंपैक्ट आएगा उसके डेरिवेटिव्स के ऊपर एंड आई विल बी एबल टू अर्न लॉट ऑफ मनी बट इसका ऑपोजिट हुआ तो सपोज ने बोल दिया नहीं नहीं ये आइडनबाग वाइडनबाग कुछ नहीं है कुछ भी बोलते हैं खाली नाम खराब करने के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है डेरिवेटिव का एंड तीसरे तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं विच इज वैसे बता दू ये क्वेश्चन थियोरी के लिए इंस्टीट्यूट पूछता है सो so, तीसरे होते आर्बिट्रेजर विच गिव अर प्रॉफिट मार्केट इम का फायदा उठा के, में डेरिवेटिव करते हैं so कई बार उनको कुछ इम्परफेक्शन दिखता है जहां से उनको लग रहा है कि यार एक जगह पे जो से प्राइस है फ्यूचर्स का और दूसरे मार्केट में जो प्राइस है फ्यूचर्स का उसमें डिफरेंस है बट दे शुड बी सेम तो ये डिफरेंस का फायदा उठाकर दे यूज बेनिफिट

फॉरवर्ड भी है बट इट विल इज कॉल्ड एज ऑप्शन तो डेरिवेटिव तो का पहला मार्केट है ऑप्शन एंड ऑप्शन में दो तरह की चीजें होती है दो तरह के ऑप्शन होते हैं एक होता है राइट टू बाय एंड अदर इज राइट टू सेल राइट टू बाय क्या बोलता है कि बस आपके पास एक राइट right है देखो ये वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना यू हैव अ राइट राइट टू डू वॉट राइट टू बाय तो इसमें आप एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर अपना बेट लगाते हो तो आप बोलते हो कि बॉस मुझे लग रहा है कि ये प्राइस पे मैं मेरा रिलायंस ही लेता रिलायंस का ऑप्शंस को मैं फ्रीज कर देता हूं ठीक है अब ये मेरा राइट right फ्रीज हो गया है। इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस या इसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस वैसे आगे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा बट जस्ट फॉर नाउ आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि बॉस मुझे लग रहा है कि ये प्राइस एकदम राइट right प्राइस है आ, इस पर्टिकुलर ऑप्शन का विच इज रिलायंस का ऑप्शन और मुझे लग रहा है कि ये राइट right प्राइस है विच इज कॉल्ड एज राइट टू बाय मेरे को यहां पे ये प्राइस पे बाय करना है अब मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए मैंने क्या प्राइस को फ्रीज किया है मैंने राइट टू बाय के प्राइस को फ्रीज किया है अब से फॉर एग्जांपल मार्केट यहां से ऊपर गया ठीक है और मुझे लग भी रहा है कि यहां से ऊपर ही जाना चाहिए तो अगर मैंने प्राइस फ्रीज कर दिया है राइट टू बाय और अगर यहां से मार्केट ऊपर गया देन आई विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट सर कैसे बिकॉज मेरे पास है बाय तो मैं बाय राइट टू बाय तो मैं ये प्राइस पे बाय कर सकता हूं क्योंकि मैंने इसका राइट right फ्रीज कर दिया है एंड यहां पे अगर मार्केट गया मैं इसकी ये प्राइस पे सेल कर दूंगा द डिफरेंस विल बी माय प्रॉफिट जी हा बट सर ये राइट right, अगर फ्रीज करना है आपको आप बोलते हो सर प्राइस हंड्रेड एंड टेन रुपीज क्योंकि मुझे लग रहा है है से ये रिलायंस का जो इक्विटी शेयर वो ऊपर जाएगा तो रिलायंस का इक्विटी शेयर ऊपर जाएगा तो उसका जो ऑप्शन का प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा तो मुझे लग रहा है कि यार हंड्रेड एंड टेन पे मेरे को फ्रीज करना चाहिए मैं इसको फ्रीज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली इसके लिए मुझे कुछ पे तो करना पड़ेगा ना ये जो पेमेंट करते हैं इसको बोलते हैं प्रीमियम और बिकॉज़ मैं मेरा राइट टू बाय फ्रीज कर रहा हूं इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन वैसे ही इसका ऑपोजिट भी होता है मुझे लग रहा है कि यार नहीं मार्केट तो नीचे जाने वाला है तो मैं राइट टू सेल फ्रीज कर दूंगा जिसको बोलते हैं पुट ऑप्शन अब जैसे ही मैंने ये राइट टू सेल फ्रीज किया है तो उसे 110 पे मैंने राइट टू सेल फ्रीज किया है और मार्केट चले गया 90 पे तो मेरे पास तो राइट टू सेल है तो मैं ये प्राइस पे राइट टू सेल कर दूंगा नीचे बाय करके 90 पे बाय करके ट्वेंटी रुपीज का प्रॉफिट कमा लूंगा बट ये राइट टू बाय और राइट टू सेल का जो स्ट्राइक प्राइस है वो फ्रीज करने के लिए मुझे पे करना पड़ता है मार्केट को समथिंग कॉल्ड एज अ प्रीमियम उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन प्रीमियम तो अब वापस से अपने एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं विच इज राइट टू बाय राइट टू बाय क्या है कॉल ऑप्शन जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट तेजी करेगा यहां पे देखो मार्केट क्या करेगा बेटा देखो लिखा है मैंने वर्ड मार्केट करेगा तेजी अब अगर रियल में मार्केट ने तेजी किया विच इज मार्केट गोज अप तो मेरे पास तो राइट टू बाय यहां पे फ्रीज है मार्केट ऊपर चले गया है तो मैं क्या कर दूंगा इस राइट टू बाय पे बाय कर लूंगा सर बट अगर उल्टा हो गया तो भाई देखो जैसा मैंने सोचा तेजी मतलब ऊपर जाएगा तो मेरा राइट टू बाय फ्रीज है यहाँ पे मैं इस पे बाय कर लूंगा और ऊपर गया 110 125 तो पंद्रह रुपीज का मेरा प्रॉफिट हो गया बट सर ऑपोजिट हुआ तो 110 आपने सोचा और आपको लगा कि राइट टू बाय आपका है ऊपर जाएगा तो आप बेच दोगे और यहां से आप खरीद सकते हो बट समझो नीचे गया तो तो सर इस केस में मेरे पास हंड्रेड पे राइट टू बाय और समझो मार्केट चले गया 85 पे मेरे पास राइट right है अगर मेरे पास राइट है तो मैं नीचे गया मार्केट तो उस राइट को एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा तो सर ऐसे तो आपको कभी लॉस ही नहीं होगा होगा the premium amount that I have paid, वो मेरा उतना फोरगो हो जाएगा उतना पैसा मेरा गया आओ इसको थोड़ा समझते हैं इन दिस व्हाट आई का बादशाह हुआ करता था द बिग बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट कहते थे इनको हर्षद मेहता

अगर आपने जो सोचा मतलब आपने सोचा है कि ऊपर जाएगा मार्केट वैसा हुआ आपको प्रॉफिट मिलेगा आपने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ तो जितना आपने प्रीमियम पे किया है उतना आपका लॉस हो जाएगा बिकॉज मार्केट हैज नॉट रिएक्टेड द वे यू वांटेड इट टू बी बट लॉस होगा कितना प्रीमियम जितना आपके पास राइट है और आपके पास राइट होता है तो आप वो राइट एक्सरसाइज करो ना करो आपके हाथ में तो आप राइट नहीं भी एक्सरसाइज करोगे तो भी प्रीमियम तो आपने पहले पे कर ही दिया है ये स्ट्राइक प्राइस को फ्रीज एक्सरसाइज प्राइस को फ्रीज करने के लिए बस वो आपका लैप्स हो जाएगा बट अगर ऊपर गया देन इन दैट दैट केस यस डिफरेंस विल बिकम योर प्रॉफिट बट सर उसमें से जो प्रीमियम गया वो तो गया तो से फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड एंड टेन का स्ट्राइक प्राइस फ्रीज करने के लिए आपने टेन रुपीज का प्रीमियम पे किया है मार्केट गया वन थर्टी फाइव तो 19135 110 25 का फायदा उसमें से आपने रुपए का प्रीमियम पे किया है तो ₹15 इज गोइंग टू बी योर नेट प्रॉफिट सेम ऑपोजिट वे में होगा पुट ऑप्शन तो मनु माने बेंद्रा मुंद्रा हु इज आल्सो कॉल्ड एज़ द बेयर मतलब ये ऑलवेज वांटेड द मार्केट टू गो डाउन तो ये लेते थे राइट टू सेल जिसको भी चाहिए मार्केट नीचे जाए हाँ, जिसको भी चाहिए मार्केट नीचे जाए वो लेता था, था राइट टू सेल तो मेरे पास राइट टू सेल है अब अगर मार्केट नीचे गया तो मेरे पास तो हाई लेवल पे राइट टू सेल है मैं इसको बेच दूंगा इस प्राइस पे कम लेवल पे बाय कर लूंगा जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट हो गया यूज वेन यू एक्सपेक्ट द मार्केट टू फॉल बाय ऑप्शन एंड फ्रीज द स्ट्राइक प्राइस कैसे बाय पेइंग प्रीमियम इफ मार्केट गोस बिलो द स्ट्राइक प्राइस एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड मेक प्रॉफिट

कॉल ऑप्शन राइट टू सेल पुट ऑप्शन समझ में आ गया सर इसमें दो पार्टिसिपेंट्स है बेसिकली एक होता है ऑप्शन बायर और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर तो मैं जब राइट टू बाय परचेस कर रहा हूं या मैं जब राइट टू सेल भी परचेस कर रहा हूं आई एम द ऑप्शन बायर बट ये जो मुझे बेच रहा है दैट अदर पार्टी इज कॉल्ड एज द ऑप्शन सेलर मेरे पास राइट टू बाय एंड राइट टू सेल है उसके पास ऑब्लिगेशन टू सेल एंड ऑब्लिगेशन टू बाय है तो मैंने बोला ना कॉल ऑप्शन मेरे पास राइट टू बाय है और मार्केट ऊपर गया तो मैं राइट टू बाय को एक्सरसाइज करूंगा तो मैं राइट टू बाय को एक्सरसाइज कर रहा हूं सामने वाला इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सेल यस तो जो कॉल सेलर होता, होता है ऑप्शन सेलर होता है ही हैज एन ऑब्लिगेशन जो ऑप्शन बायर होता है जो प्रीमियम पे कर रहा है ही इज अंडर अ राइट समझ में आया ये जो मेरा प्रीमियम जा रहा है ना ये प्रीमियम ऑप्शन सेलर को ही जा रहा है सो so, मैं हूं ऑप्शन बायर सामने वाला है ऑप्शन सेलर तो आपको सुन के लगेगा सर ऑप्शन सेलर को तो बेचारे को कितना लॉस होता होगा सर क्योंकि आपके पास तो राइट है आपको तो जब एक्सरसाइज करना है करो बिल्कुल सही वैसे सेबी के हिसाब से जो भी ऑप्शन में यार फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करता है एटलीस्ट एट आउट ऑफ टेन ऑप्शन बायर्स और फ्यूचर बायर्स आर मेकिंग लॉसेस तो जो लगता है ना इतना अच्छा वो इतना आसान नहीं है एनी वेज जाओ बट यू ही वाला है तब तो आप कॉल ऑप्शन ले सकते हो और आपको प्रॉफिटेबिलिटी होगा मैंने YouTube पे एक वीडियो बनाया जहां पे रियल ट्रेडिंग कैसे होता है वो भी मैंने कैन वॉच दैट आउट एनीवेज जाओ ऑप्शन बायर हैज राइट यहां पे प्रॉफिट स्कोप अनलिमिटेड है क्योंकि मेरे पास राइट right है ठीक है ना so, अब कितना भी मार्केट ऊपर जाएगा मैं एक्सरसाइज करूंगा और जितना वो ऊपर गया उतना सारा मेरा प्रॉफिट बट लॉस इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड बस अब ये कितना भी मार्केट नीचे जाए मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा एक रुपया भी नीचे गया मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा अगर एक्सरसाइज नहीं किया बराबर है तो मेरा तो लॉस कितना हुआ प्रीमियम का हुआ ना सो प्रॉफिट डिफरेंस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस मार्केट प्राइस एंड प्रीमियम पेड बट लॉस इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड समझ में आ गया गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू प्रॉफिट जो भी आएगा 110 में राइट टू बाय फ्रीज़ है 125 में से फॉर एग्जांपल मार्केट गया तो यहां पे ₹15 का प्रॉफिट में से जो प्रीमियम पे किया है पांच रुपया वो माइनस हो जाएगा बचेगा मेरा नेट प्रॉफिट एंड ऑप्शन सेलर के लिए एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट जितना ऑप्शन बायर का प्रॉफिट उतना ऑप्शन सेलर का लॉस जितना ऑप्शन बायर का लॉस उतना ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट ठीक है सो यहां पर ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट इज द प्रीमियम रिसीव फ्रॉम ऑप्शन बायर

चीजें अपनी क्विक लेवल पे जा सकती है फॉर प्रोवाइडिंग द ऑप्शन टू राइट टू बाय और सेल इतना बड़ा राइट right, कोई फ्री में तो नहीं देगा उसके लिए आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा जिसको कहते हैं प्रीमियम आ जाते हैं अपन लोग टर्मिनोलॉजी के ऊपर सबसे पहला है मेरा कॉल ऑप्शन कॉल का मतलब होता है द राइट टू कॉल ऑप्शन द राइट टू बाय द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय स्पेसिफिक नंबर ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट अ प्री डिफाइंड प्राइस अंटिल द एक्सपायरी डेट अब आप तो बोलोगे कि भाई मैंने ये फ्रीज कर दिया जिंदगी भर के लिए ये प्राइस मेरा हो गया अरे 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 अरे, अरे ऐसे कैसे जिंदगी भर के लिए तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो ना उसकी एक लिमिटेड एक्सपायरी डेट है कि भाई ये महीने 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 के के लिए दो के लिए, दो के लिए दो का ज्यादा प्रीमियम होगा बट बात है एक महीने के लिए कम प्रीमियम होगा लाइफ टाइम का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तीन महीने तक के लिए होता है मेजरली सो दैट्स हाउ द सिस्टम वर्क्स तो वो एक्सपायरी के अंदर आपको अगर आपके राइट को एक्सरसाइज करना है बहुत अच्छी बात है यू कैन गो ये तो मस्त चीज लग रही है कर लो ट्राई एग्जाम के बाद ट्राई कर लेना अच्छी चीज है तो यू कैन यूटिलाइज इट पीपल हैव हैव मेड आउट ऑफ ऑफ इट पीपल फ्रॉम रिचेस टू रैग्स बिकॉज दिस तो तो वो आपके आ, इसके ऊपर है कि कितना आप अच्छी तरह से उसको यूज करते फिर बाद में आ जाता है मेरा पुट ऑप्शन द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिक्योरिटी एट अगेन अ डिफाइंड प्राइस जो पहले से ही फ्रीज प्राइस है द एक्सपायरी डेट कॉल होल्डर कौन है जो बाय कर रहा है उस पुट ऑप्शन को या कॉल ऑप्शन को हु बाइज द राइट टू बाय और सेल इज कॉल्ड एज होल्डर ऑफ द ऑप्शन एंड जो जो मुझे बेच रहा है जो under obligation है ही इज कॉल्ड एज द राइटर ऑफ राइटर ऑफ ऑप्शन ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल जो प्राइस पे फ्रीज हुआ है उसको बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस प्राइस एट विच अंडरलाइंग एसेट्स कैन बी बॉट और सोल्ड यही प्राइस है जिसपे बाइंग सेलिंग प्राइस इज फ्रीज्ड

ऑप्शन है उसको जो, जो बायर है उसको बोलते हैं राइट टू बाय उसको मिलता है राइट टू बाय राइट टू सेल सेलर है उसका होता है ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन टू टू सेल बाय रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जो जो कॉल कॉल होल्डर है है या बायर उसको कब फायदा होगा जब प्राइस इंक्रीज होगा क्योंकि उसने कॉल खरीदा है राइट टू बाय का अब अगर उसने कॉल खरीदा है राइट टू बाय का तो वो प्राइस उसका फ्रीज है यहाँ पे अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उसको फायदा होते जाएगा सो इंक्रीज इन प्राइस इज हिज पॉजिटिव डिक्रीज इन प्राइस इज हिज नेगेटिव एंड वर्सा और पुट होल्डर के लिए ऑपोजिट पुट होल्डर चाहता है कि मार्केट नीचे गिरे क्योंकि जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना उसको फायदा होगा क्योंकि उसने राइट टू सेल फ्रीज किया है तो इधर सेल करेगा वो नीचे से बाय करेगा स्क्वायर ऑफ करने के लिए एंड जो डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट अब उसने राइट टू सेल लिया और मार्केट ऊपर गया तो कैसे चलेगा दीदी क्योंकि ये, ये प्राइस पे इसे तो सेल करना है इधर अगर वो बाय करेगा तो उसको तो लॉस हो जाएगा सो so, अगर इंक्रीज इन प्राइस हुआ देन इन दैट केस पुट होल्डर के लिए वो एक नेगेटिव हो जाता है डिक्रीज इन प्राइस उसके लिए पॉजिटिव हो जाता है आई होप समझ में आ रहा है आपको फिर होता है ऑप्शन के पोजिशन जैसे होता है लॉन्ग लॉन्ग एंड शॉर्ट अब लॉन्ग का मतलब होता है लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट मतलब बाय करना राइट टू बाय बाय करना राइट टू सेल बाय करना एंड शॉर्ट सेल का मतलब होता है शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट मतलब जो कॉल राइटर है या देखो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे कॉल राइटर या ऑप्शन सेलर इसको जो बोलते हैं ये देखो इधर राइटर ऑफ ऑप्शन राइट ये जो सेलर है ये जो कर रहा है इसको बोलते हैं तो जब ये मेरे को कॉल ऑप्शन बेच रहा है वो क्या कर रहा है शॉर्ट कॉल कर रहा है मैं क्या कर रहा हूं लॉन्ग कॉल कर रहा हूं वो राइटर जब मेरे को पुट ऑप्शन बेच रहा है तो वो शॉर्ट पुट कर रहा है मैं क्या कर रहा हूं लॉन्ग पुट कर रहा हूं वैसा टर्म्स होता है तो ये जब सम्स में आएगा तो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस वैसे ऑपोजिट शॉर्ट उसने सेल किया है Obligator, तो short call, short put. Clear everybody. Done. अमेरिकन ऑप्शन सबसे अच्छा होता है समझो आपका एक्सपायरी है तीन महीने का तो तीन महीने के अंदर आप कभी भी अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं तो राइट को क्या बोलते हैं एक्सरसाइज कर सकते हैं एनी टाइम ड्यूरिंग द एक्सपायरी टिल द एक्सपायरी इज कॉल्ड एज अमेरिकन ऑप्शन ऑप्शन अलाउज द द टू एक्सरसाइज ऑप्शन एट एनी टाइम टिल द डे ऑफ एक्सपायरेशन एंड यूरोपियन कॉल क्या बोलता है ओनली ऑन द डे ऑफ एक्सपायरेशन बस जब हुआ उसी दिन पे तो आज की तारीख में ऑब्वियसली फेमस इज अमेरिकन ऑप्शन हार्डली एनीबडी यूज इज यूरोपियन ऑप्शन अब सीधी सी बात है कि आपको इतना मस्त अपॉर्चुनिटी मिला है अमेरिकन ऑप्शन में कि जब आपको चाहिए तब आप एक्सरसाइज कर सकते हो तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा प्राइस ऑफ अमेरिकन राइट टू एक्सरसाइज ऑन एनी डेट एंड नॉट जस्ट एक्सपायरी डेट समझ में आगे हो गए आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज़ चलते हैं अब अपन लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑफ द ऑप्शन सो ये कॉन्सेप्ट है मनीस ऑफ द ऑप्शन कैन बी आस्ड इन एमसीक्यू तो ध्यान से करना है अपने को ठीक है सो पहले के टाइम पे जब एमसीक्यू नहीं था तब ये चीजें इग्नोर हो जाती थी बट अब एमसीक्यू में वो कहां पे भी आपको ट्विस्ट एंड टर्न दे सकता है सो so, मनीनेस में तीन तरह के मनीनेस होता है एक होता है इन द मनी एक होता है एट द मनी एंड द थर्ड इज आउट ऑफ द मनी आपने अगर कॉल ऑप्शन लिया है तो और मार्केट ऊपर जा रहा है देन इन दैट केस आप बोल सकते हो दैट आई एम इन द मनी आपने अगर कॉल ऑप्शन लिया है एंड आपका जो एक्सरसाइज प्राइस है उतना ही मार्केट है आप बोलोगे आप एट द मनी हो एंड समझो आपने लिया है कॉल ऑप्शन एंड मार्केट नीचे जा रहा है मनी so, so, जब भी मैंने कॉल ऑप्शन लिया है इन द मनी करेक्ट वेन द मार्केट गोज ना जिसका भी मैंने कॉल ऑप्शन लिया है वो पर्टिकुलर एसेट अंडरलाइंग एसेट ग्रो करना चाहिए ऊपर जाना चाहिए हाई लेवल पे

उट ऑफ द मनी ऑप्शन चलो सो so ना तीन ऑप्शन है मेरे पास दो ऑप्शन है मार्केट प्राइस ऊपर जा रहा है देन इट विल बी इन द मनी एंड आई हो बाकी सब आप कनेक्ट कर लेंगे ध्यान रखना प्रीमियम हैज बीन इग्नोर्ड इन दनी ने प्रीमियम का जो भी इंपैक्ट आएगा वो आपको ले लेना है मार्केट इधर गया तो ये जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट है बट इसमें प्रीमियम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग so uh, ध्यान रखना आपको उसके लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि भाई देखो मेरा एक्सरसाइज प्राइस है सेवन सेवनटी फाइव मार्केट चले गया सेवन नाइनटी पे और मैंने प्रीमियम दिया हुआ है दस रुपया अब एक्सरसाइज प्राइस 775 मैंने लिया है कॉल ऑप्शन सो आई वांट द मार्केट टू गो और मार्केट पहुंच गया तो कैसे बोलते हैं ये कितना हो रहा है पांच रुपया सो पंद्रह रुपए का मेरा प्रॉफिट और उसमें से दस रुपया प्रीमियम गया सो आई विल बी लेफ्ट विद रुपीज एंड दैट बेसिकली इज माई इन द मनी एक्सरसाइज प्राइस लेस देन मार्केट प्राइस होता है तो इट इज़ इन द मनी फॉर अ कॉल ऑप्शन एंड ऑपोजिट ऑफ मनी तो अब अगर मुझे चाहिए मार्केट नीचे जाए फिर भी मार्केट ऊपर गया तो मैं लैप्स कर दूंगा मतलब मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करूंगा क्योंकि मनी है पांच रुपया जो है वो मेरा यहां पे आ,

समझो ये मार्केट प्राइस चले गया थ्री सेवेंटी फाइव पे तो आपने जिस प्राइस पे फ्रीज किया था उससे ट्वेंटी बढ़ गया तो आपका यहाँ पे जो आ, प्रीमियम है वो फोर्टी फाइव हो जाएगा ट्वेंटी फाइव रुपीज एक्स्ट्रा हैड पच्चीस तो अब ये क्या करोगे आप जब बेचोगे किसी को तो आप प्रीमियम पे बेच रहे हो एट फोर्टी फाइव आपने खरीदा था 20 पे आप बेच रहे हो 45 पे 25 जो मार्केट बढ़ा है वो आपका प्रीमियम के फॉर्म में प्रॉफिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट करेगा समझे समझो ये 360 हो गया तो आपको यहाँ पे आपका प्रीमियम 15 समझो ये 375 के बाद समझो ये 360 हो गया तो उतना आपका 15 माइनस हो जाएगा समझ रहे आप लोग द गेम इज एक्सक्लूसिवली इन द फॉर्म ऑफ

इंट्रेंसिक एंड टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन से अपने को पता चलता है प्रीमियम का अमाउंट so, में दो पार्ट होते हैं एक होता है टाइम वैल्यू पार्ट ऑफ ऑप्शन मनी ऑप्शन इज इन द मनी रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट ऑप्शन ओनर वुड रिसीव इफ ऑप्शन वक्रसाइज मैं आप लोग को यहां पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं अभी पे आप लोग देख रहे हो कि यार एक्सरसाइज प्राइस है टू थ्री फोर जीरो मार्केट प्राइस चल रहा है टू थ्री फोर फाइव सो so, देखो कोई भी इतना तो दिमाग है कि भाई अगर इसका एक्सरसाइज प्राइस चल रहा है टू, थ्री, फोर, जीरो, और है टू थ्री फोर फाइव तो अब सीधी सी बात है आपको वो प्रीमियम मिनिमम पांच रुपया तो लेगा ही लेगा अदरवाइज अगर उतना प्रीमियम भी नहीं लिया तो आप क्या करोगे समझो तीन रुपया प्रीमियम लिया तो तीन रुपया प्रीमियम दे दोगे आपके पास है राइट टू बाय आप ये प्राइस पे बाय करके फ्रीज कर दोगे और पांच रुपए पे प्रॉफिट पे सेल कर दोगे तो पांच रुपए का प्रॉफिट तीन रुपए का प्रीमियम दो रुपए तो बहुत, बहुत अगर मिले दीज आर थिंग्स व्हिच गिव राइट्स टू आर्बिट्राज बट प्रैक्टिकली क्या होगा वो बता दो so, पे मेरा एक्सरसाइज प्राइस है टू थ्री फोर फाइव पे मेरा मार्केट प्राइस है तो मिनिमम मिनिमम पांच रुपया तो मेरा प्रीमियम होना ही चाहिए तो ये जो प्रीमियम है ना इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रीमियम बट एक्चुअली प्रीमियम इससे ज्यादा होगा क्योंकि भाई ऑब्वियसली थोड़ा भी बड़ा तो आप तो सीधा प्रॉफिट कमाना चालू कर दोगे तो प्रीमियम होगा से आठ रुपया तो ये जो तीन रुपया एक्स्ट्रा लिया है उसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी या टाइम वैल्यू ऑफ प्रीमियम गॉट इट गाइस सो जितना इन द मनी है वो दिख रहा है एविडेंटली इतना इन द मनी है उतना अमाउंट को बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू उससे बियॉन्ड अगर प्रीमियम लिया इट इज कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू आओ देखते हैं समझो टू थ्री फोर जीरो वैल्यू एंड जो रिमाइंडर है दैट इज कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू अगर वो आपसे आठ रुपए का प्रीमियम ले रहा है तो समझो छह रुपए का प्रीमियम ले रहा है तो पांच रुपए का इंट्रेंसिक वैल्यू समझो पांच रुपए का ही आप लोग से ले रहा है तो आपसे वो खाली इंट्रेंसिक वैल्यू ले रहा है एक्सरसाइज प्राइस है टू थ्री थ्री जीरो तो अपने को तो चाहिए नीचे जाए और नीचे है भी बॉस ये जो दस रुपए का डिफरेंस है ना इतना तो प्रीमियम होने वाला है इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू और इससे ज्यादा भी अगर प्रीमियम लिया इट विल बी कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू ऑप्शन प्रीमियम टाइम वैल्यू प्लस इंट्रेंसिक वैल्यू मिला के बनता है सो so पे ये जो दस रुपया है ये इंट्रेंसिक वैल्यू इससे जो भी ज्यादा लिया दैट विल बी कॉल्ड एज द टाइम वैल्यू आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू एंड फाइनली पे ऑफ ऑप्शन बॉस मैं ये सब कर रहा हूं पैसा कमाने के लिए मैं पैसा कब कमाऊंगा अगर कॉल ऑप्शन में मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ऊपर गया तो इट इज गुड फॉर मी बट आई हैव टू ऑ ऑल्सो इंश्योर के प्रीमियम भी मेरा साथ में रिकवर हो रहा है सो फॉर कॉल ऑप्शन इट इज मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइज माइनस प्रीमियम जो बच गया फाइनली वो मेरा नेट प्रॉफिट एंड इनपुट ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस माइनस मार्केट प्राइस तो वो मेरा डिफरेंस प्रॉफिट uh, है बट प्रीमियम जो पे किया है वो भी तो रिकवर करना है एंड देन फाइनली जो मेरे पास बचता है दैट बिकम्स माई गेन लॉस विल ऑलवेज बी द प्रीमियम अमाउंट इनकेस ऑफ अप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए जो ऑप्शन बायर का प्रॉफिट है वो उसका लॉस हो जाएगा सो आई होप ये पे ऑफ टेबल भी क्लियर है uh, एक छोटा सा एग्जांपल लिया है केस वन so well. so, में एक्सरसाइज प्राइस है फोर्टी टू प्रीमियम है टू रुपीज का अब अगर मार्केट प्राइस फोर्टी थ्री है सो कहना एक्सरसाइज प्राइस के ऊपर है तो कॉल ऑप्शन में एक्सरसाइज करूंगा बट फिर भी बिकॉज मैं प्रीमियम को पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाया इट है स्टिल रिजल्टेड अ लॉस ऑफ फन ऑर्ड गाइज करता ही नहीं ठीक है अभी भी मेरा लॉस आ रहा है बट एक्सरसाइज करता ही नहीं तो प्रीमियम का दो रुपए का लॉस हो जाता कोई मतलब ही नहीं है एंड इन द सेकेंड केस समझो यहां पे मेरा थर्टी सिक्स रुपीज हो गया है एंड पुट ऑप्शन है सो आई वॉन्ट द मार्केट टू गो डाउन मार्केट नीचे गया है इंडीड सो फोर्टी माइनस थर्टी सिक्स फोर रुपीज का फायदा हुआ एक रुपया मैंने दे दिया फॉर माई प्रीमियम सो नेट आई एम लेफ्ट विद थ्री रुपीज एंड दैट थ्री रुपीज विल बी माई प्रॉफिट इन केस ऑफ पुट ऑप्शन बट कॉल ऑप्शन में आई ऑलवेज वॉन्ट द मार्केट टू गो बट यहां पे तो नीचे चले गया तो मैं सीधा बोल दूंगा आई विल नॉट एक्सरसाइज एक्सरसाइज ही नहीं किया तो मेरा लॉस हो जाएगा प्रीमियम का विच इज टू rupees. सो so, अब मेरा फर्स्ट फेज है विच इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑप्शन वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द सेकेंड फेज विच इज कॉल्ड एज द वैल्युएशन ऑफ ऑप्शन वैल्युएशन ऑफ ऑप्शन का मतलब होता है कि बॉस मेरा जो यहां पे ऑप्शन है उसके लिए कितना प्रीमियम राइट है मैं समझो फॉर एग्जांपल रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं ठीक है उसके लिए एक प्रीमियम दिया होगा तो मैं कॉल ऑप्शन खरीद रहा हूं विद अ मंथ एक्सपायरी एंड हंड्रेड एंड टेन तो आइडियली उसके लिए प्रीमियम मेरे को यहां पे दिखा रहा है ट्वेंटी फाइव पर क्या यह सही प्रीमियम है तो सर यह कैसे डिसाइड होगा यही तो कैलकुलेट करना हम आपको सिखाएंगे बेटा सो so, यहां पे वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन बताता है अपने राइट प्रीमियम फॉर दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इट कुड बी कॉल ऑप्शन कोई भी ऑप्शन हो उसके लिए क्या सही प्रीमियम है इज वॉट वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शन इज सबसे पहला वैल्युंग ऑप्शन मीन्स नोइंगीमियम इज करेक्ट और एप प्रीमियम दैट इज द ऑप्शन बींग सोल्ड इन द मार्केट इज एट करेक्ट प्राइस और करेक्ट प्रीमियम मैंने आपको बताया भी था अभी यहां पर जब आप कोई भी कॉल ऑप्शन या ऑप्शन खरीदते हो तो यू आर बेसिकली पेइंग अ प्रीमियम और वो प्रीमियम ही ऊपर नीचे होता है जिसका आपका प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमाइन होता है सो प्रीमियम प्ले अ वेरी इंपोर्टेंट रोल तो उसका करेक्ट वैल्यूएशन होना जरूरी है अब मैंने मेरा वैल्यूएशन किया प्रीमियम का मेरा जो बार मार्केट में अभी मेरे को कोई ऑप्शन खरीदना है 110 का रिलायंस का कॉल ऑप्शन जिसका एक्सपायरी 1 एक महीने बाद उसका फिलहाल मार्केट प्रीमियम दिख रहा है 25 अरे भाई मार्केट so प्रीमियम है मेरा ट्वेंटी फाइव एंड यहां पर आप लोग देखोगे कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन से फॉर आया है मेरा ट्वेंटी uh, टू oh, oh, तो इसको थोड़ा सा अपन रिवर्स रिवर्स कर कर देते हैं, कर देते हैं हैं इसको ठीक है अब ध्यान से सुनना मेरे हिसाब से इस ऑप्शन का करेक्ट वैल्यू है प्रीमियम ठीक है ना अगेन ध्यान रखना गेम पूरा प्रीमियम का है जैसा मैंने तुम लोग को यहां पे बताया था दैट अपन जो भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं वो प्रीमियम पे कर रहे हैं अगर कल उठ के कॉल ऑप्शन लिया और market price बढ़ गया तो उतना जितना बड़ा है वो add हो जाएगा मेरे so, so, प्रीमियम का जो कैलकुलेशन है दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट तो मैंने मेरे प्रीमियम का कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से आ रहा है ट्वेंटी टू बट मार्केट में प्रीमियम चल रहा है ट्वेंटी फाइव तो मैं क्या बोलूंगा इट इज लाइक दिस कि भाई इस कैलकुलेटर का रियल वैल्यू होना चाहिए ट्वेंटी टू बट अगर ये सेम चीज मार्केट में ट्वेंटी फाइव में बिक रहा है तो आप खरीदोगे क्या द आंसर इज नो समझो ये बाईस रुपए का है और अभी आपके पास ये है और मार्केट में पच्चीस रुपए का बिक रहा है तो आप क्या कर दोगे इसको बेच दोगे क्योंकि आपको लग रहा है यार ये तो मार्केट में ओवर वैल्यूड पर बिक रहा है ओवर वैल्यूड प्राइस पे बिक रहा है सो so इवेंचुअली तो हमेशा जो मार्केट प्रीमियम है वो सही प्राइस पे आई जाएगा तो पच्चीस का बाईस हो जाएगा पच्चीस तो का बाईस आज है तो मार्केट में बेच दो ना तीन रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा एंड समझो वही से वर्षा होता है एंड समझो ये इधर साइंस चेंज कर देना प्लीज हाँ एंड समझो वही से वर्षा होता है तो अभी अगर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है मेरा इधर से ट्वेंटी और मार्केट में प्रीमियम है एटीन तो मैं क्या बोलूंगा यार ये बाईस रुपए का कैलकुलेटर आइडियल इसका प्राइस बाईस रुपए होना चाहिए बट मार्केट में है ना अठारह रुपए में बिक रहा है खरीद लो खरीद लो खरीद लो यार कोई चीज जिसका रियल वैल्यू बाइस होना चाहिए बट अगर वो मार्केट में अठारह में बिक रहा है तो कहना नहीं से वो अंडर वैल्यूड है तो उसके लिए अपन लोग क्या कर लेंगे बाय कर लेंगे राइट right? सो so, अगर आपका कॉल या पुट अंडर वैल्यूड हुआ तो आप उसको बाय करेंगे ओवर वैल्यूड हुआ तो आप उसको सेल करेंगे अब समझ में आ गया सर वैल्यू क्यों कर रहे हैं अपन लोग ताकि अपने को पता चले कि भाई ये ऑप्शन राइट प्राइस है कि नहीं है अगर राइट right प्राइस है तो वी मे परचेज अदरवाइज वी विल सेल बट इसको वैल्यू करना कैसे सर तो उसके लिए यहाँ पे तीन मेथड बताए हैं सबसे पहला है बेसिक मेथड दूसरा है बाइनोमियल मेथड एंड तीसरा है वर्ल्ड फेमस ब्लैक एंड शोल्स मेथड अपन आ जाते हैं सबसे पहले वाले के ऊपर एंड दैट बेसिकली इज माई बेसिक मेथड तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं इट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू

ज्यादा है इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन जितना भी अपना इन केस ऑफ अ कॉल ऑप्शन जितना भी अपना एक्सपेक्टेड प्राइस इज मोर देन द एक्सरसाइज प्राइस मतलब जब भी ये पॉजिटिव है वी विल से वी विल से मल्टीप्लाई द मल्टीप्लाई बाय द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड अगर नेगेटिव हुआ तो जीरो सर एक एग्जाम्पल दीजिए ना आ जाओ दे देता हूं यहाँ पे एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखो एक कॉल ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा जिसका प्रेजेंटली प्राइस है कोटेड है, अब इसके एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एंड प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है पुट ऑप्शन है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे पुट ऑप्शन है तो पुट ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे लॉजिक तो वही का वही रहेगा सो पुट ऑप्शन में क्या होगा वी वॉन्ट द मार्केट टू गो डाउन तो जब भी जब मार्केट नीचे गया तो अपने लिए ये अच्छी बात है तो अपन जब भी अभी नीचे मार्केट जा रहा है तो उसके उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे जब मार्केट ऊपर जा रहा है वी विल इग्नोर इट क्योंकि वो अपन लोग वैसे भी एक्सरसाइज नहीं करने वाले तो यहां पर थ्री हंड्रेड मार्केट हो गया वन एटी तो कहना इसे वन ट्वेंटी का यहाँ पे डिफरेंस है आप एक्सरसाइज करोगे 120 का फायदा हो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.1 परसेंट सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन यहां पे आ जाता है 12 सेम वे मार्केट प्राइस इज लेस ऑप्शन में वी विल वॉन्टेड तो फोर्टी रुपीज मिला एक्सरसाइज किया पॉइंट टू का प्रॉबेबिलिटी है यहाँ पे ले लिया एट टू एटी हुआ सेम चीज अपन लोग करते गए टेन अगर 300 से ऊपर गया तो 320, 400 वी विल नॉट एक्सरसाइज अगर एक्सरसाइज ही नहीं किया तो और ही नहीं बस ये करते -करते। यहां पे मुझे मिल गया option, रुपीज 30. बस इसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर लूंगा कि भाई अभी मार्केट में देखो मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ ऑप्शन मेरा आया है थर्टी रुपीज अब अगर मार्केट प्रीमियम 30 के जगह 22 में मिल रहा है तो मैं बोलूंगा बाय कर लो आठ रुपए सस्ते में मिल रहा है अंडर वैल्यूड है बाई कर लो भाई तीस रुपए की चीज ट्वेंटी टू में मिल रही है एंड वैसे वर्षा समझ में आया वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अगर यहाँ पे अपने को करना होता तो अपन क्या करते हैं बताए तो इन दोनों के केस में अपन एक्सरसाइज करते और ये वाले तीनों केसेस में अपन एक्सरसाइज नहीं करते बस दैट्स द होल सिस्टम आई होप ये फर्स्ट मेथड समझ में आ गया होगा जहां पे आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दिया होगा आपको देखना है अगर कॉल ऑप्शन है ठीक है

अब चलेंगे अपन लोग अपने दूसरे मेथड के ऊपर जिसको बोलते हैं बाइनोमियल मेथड सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बाइनोमियल एग्जाम में आने का फुल चांसेस है इसका मतलब पहले समझो बाय का मतलब होता है टू मतलब दो तरह से एक अपसाइड एक डाउनसाइड दोनों को कंसिडर करके जब उनके ऊपर एक प्रोबेबिलिटी का मिश्रण किया जाता है आपको मिलता है बाइनोमियल मेथड ऑफ वैल्यूइंग एन ऑप्शन जी हां सो तो देखो एक ऑप्शन है मैंने लिया 110 के स्ट्राइक प्राइस का एक कॉल ऑप्शन अब मार्केट है कुछ भी हो सकता है ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ऊपर जाने का एक प्रोबेबिलिटी होगा नीचे जाने का एक प्रोबेबिलिटी होगा जब ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी प्लस नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दोनों को अपन लोग कंबाइन करते हैं तो लॉजिकली बनता है आपका बाइनोमियल ऑप्शन अब इसको फॉर्मूला के टर्म्स में कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा बट आई होप क्लियर हो गया होगा तो जब एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आपको बाइनोमियल सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले बोलोगे बाय बाय मतलब टू टू वे से जब प्रोबेबिलिटी एड होता है तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैसे करोगे बाइनोमियल सो बाय ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी दोनों को ऐड कर दो मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज पर बाइनोमियल मेथड एज आई सेड उसका फॉर्मूला है उसके पहले कुछ उसके बेसिक पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं आओ सबसे पहले एस विच इज द स्पॉट प्राइस जो अभी मार्केट में चल रहा है फिर आता है मेरा एक्सरसाइज प्राइस जिसपे मैंने प्राइस को फ्रीज किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस राइट right. सो so, मुझे लग रहा है कि प्राइस अप जाएगा बट इसका जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है आराम से ऊपर हाँ, जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है बाय पी नीचे भी जा सकता है उसके नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है दैट इज डिनोटेड बाय वन माइनस पी जो प्राइस ऊपर पे होगा दैट इज कॉल्ड एज यूएस अपर प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल ऊपर hmm. जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज यूएस अपर प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल एंड इसके नीचे जाने का जो प्राइस है दैट इज कॉल्ड एज डीएस कि भाई नीचे कितना जा सकता है तो सर ये यूएस डीएस क्यू खाली यू या खाली डी क्यू नहीं सब बताएंगे आपको यूएस क्या है कि भाई कितना ऊपर जा सकता है तो मैंने 110 पे फ्रीज किया था मुझे लग रहा है 150 तक जाएगा तो 150 क्या हुआ यूएस हो सकता है कि सर 80 पे भी चले जाए 80 क्या हुआ डी एस अपर स्ट्राइक ऑफ स्टॉक पॉसिबल अपर प्राइस एंड डाउन प्राइस ऑफ स्टॉक पॉसिबल फिर बाद में आ जाता है डी मतलब कितना वेरिएशन है अगर मैंने सोचा था हंड्रेड एंड टेन ठीक है क्या मेरा स्ट्राइक प्राइस है एंड वन फिफ्टी तक जा सकता है तो अप्रोक्सीमेटली क्या इससे थर्टी परसेंट इंक्रीज हुआ अप्रोक्सीमेटली ऐसे एंड अगर नीचे 80 तक जा रहा है तो अप्रोक्सिमेटली 25 परसेंट तक नीचे गया सो so ये जो परसेंटेज है ना कितना ऊपर गया कितना नीचे गया दैट इज बेसिकली योर डी एंड योर यू गॉट इट गाइस कितना परसेंटेज से ऊपर गया जाने का चांसेस है कितना परसेंटेज से नीचे जाने का चांसेस है इट सो so अगर ये से फॉर एग्जाम्पल थर्टी ऊपर गया सो so 100 का स्ट्राइक प्राइस है 30 परसेंट ऊपर जाने का चांसेस है तो डी हो गया थर्टी परसेंट एंड ऊपर जाने का चांसेस है तो डी हो गया थर्टी परसेंट एंड नीचे जाने का चांसेस है फोर्टी परसेंट तो यू हो जाएगा थर्टी परसेंट एंड नीचे जाने का चांसेस है फोर्टी परसेंट तो डी हो जाएगा फोर्टी परसेंट अभी अंडरस्टैंडिंग समझना पी और डी पी और यू वन माइनस पी और डी अलग अलग है यू क्या होता है कि कितने टाइम्स ऊपर जा सकता है वो कितने टाइम्स ऊपर जा सकता है उसके जाने का प्रोबेबिलिटी इज पी थ्री टाइम्स ऊपर जा सकता है वो जाने का प्रोबेबिलिटी थर्टी परसेंट समझे थर्टी परसेंट ऊपर जा सकता है वो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी फिफ्टी परसेंट समझ में आया डन और फिर बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज सी यू वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल अगर ये हंड्रेड एंड टेन पे फ्रीज था और मेरा प्राइस हो गया सो कैन आई से का मेरे को फायदा हो गया वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल एंड अगर नीचे चले गया देन इन दैट केस जितना भी नीचे गया वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन लेवल आर इज रिस्क फ्री रेट पर एन प्रसेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम इसको यूज करते हैं गाइस प्रेसेंट वैल्यू को मैंने मस्त में मेरे एडवांस कैपिटल बजटिंग के रिविजन uh, लेक्चर में कराया वो जरूर देखना

अब ऊपर जा सकता है कितना ऊपर जा सकता है मुझे नहीं पता आपको भी नहीं पता बट लेट्स तो क्या मेरे को समझ में आ गया देखो स्पॉट प्राइस हो गया एक्सरसाइज प्राइस हो गया कितना जा सकता है ऊपर सेवेंटी फाइव तक जा सकता है तो सेवेंटी फाइव क्या हुआ करेक्ट सेवेंटी फाइव हुआ मेरा यूएस नीचे कितना जा सकता है सर फोर्टी जा सकता है फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना फिफ्टी का मेरा इधर स्ट्राइक प्राइस है फोर्टी जा सकता है तो ये हुआ मेरा एस राइट right? अब D क्या होगा देखो 50 से 75 गया है तो कैन आई से 50 इंक्रीज है यहां पे आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज 1.5 टाइम्स अब इसको मेरे को अगर फॉर्मूला के टर्म्स में लिखना है तो मैं लिख दूंगा 75 के 75 तक पहुंच गया अपॉन 50 तो 75 डिवाइड बाय 50 करता हूं तो मेरे को U मिल जाता है 1.5 एंड डी है मेरा 40 तो 40 बाय 50 करूंगा तो मेरे को डी मिल जाएगा पॉइंट 8 अभी क्लियर एवरीबॉडी सो मेरा डी भी आ गया और मेरा यू भी आ गया आर जो रिस्क फ्री रेट है क्वेश्चन में दिया हुआ होगा तो चलो अज्यूम करते हैं ऐसे क्वेश्चन में 8% दिया हुआ है टाइम पीरियड से ये पूरा का पूरा मैं कर रहा हूं 3 मंथ्स के लिए सो टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे लिख लिया तो so, मेरा आर भी हो गया टी भी हो गया

अब आते हैं सी यू विच इज वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल अपर लेवल पे कितना हो रहा है कितना जा रहा है सर सेवेंटी फाइव तक जा रहा है एंड लोअर लेवल पे सर फोर्टी तक जा रहा है मेरा सो so, अब सी यू क्या होता है वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल ध्यान से समझना क्या ना इससे फिफ्टी का सेवेंटी फाइव अगर हो गया तो मुझे पच्चीस रुपए का फायदा हो जाएगा वो होने का प्रोबेबिलिटी है इन टू पॉइंट सिक्स प्लस अगर ये फिफ्टी से फोर्टी हो गया देन इन दैट केस मुझे लॉस हो जाएगा लॉस होगा उसका होने का प्रोबेबिलिटी है पॉइंट फोर भाई देखो ना पॉइंट सिक्स ये तो वन माइनस पॉइंट सिक्स तो पॉइंट फोर हुआ ना वन माइनस पी अब लॉस हुआ तो मैं उसको एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा तो यह हो गया मेरा जीरो तो बेसिकली ये होता है ट्वेंटी फाइव होता है सी यू एंड मेरा जो लॉस हो रहा है वो यहां पे है सी डी वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन लेवल जीरो विद मेरे छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू नहीं आपको सारे टर्म्स भी बता दिए गाइज एंड एट द सेम टाइम डायनोम डायनोम मॉडर्न एक एग्जाम्पल के थ्रू ड्रॉ भी कर दिया है चलो आओ अब अपने को इसको क्या करना है देखो एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पार्ट आपको बनाना है ड्रॉ करना है एक बाइनोमियल टेबल कैसे ड्रॉ करोगे आपको बेसिकली क्वेश्चन में ढूंढना है ये सारे डिनोशन स्पॉट प्राइस दिया होगा एक्सरसाइज प्राइस दिया होगा फिर बाद में वो लोग आपको डी एस यूएस देंगे जिससे आप डी और यू बी कैलकुलेट कर पाओगे पी और वन माइनस पी दिया है तो ठीक है नहीं दिया है तो वी कैन कैलकुलेट वो मैं अभी आपको बताऊंगा सी डी एन सी यू अगेन यू कैन कैलकुलेट t दिया होगा r दिया होगा एंड दैट्स हाउ यू विल मेक द होल बाइनोमियल मॉडल का एक ट्री आप यहां पे बना देंगे समझ गए यस सर उसके बाद में आ जाते अपन लोग सेकंड स्टेप के ऊपर व्हिच इज कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तो जैसा मैंने आपको बोला कि चांसेस आर के प्रोबेबिलिटी आपको यहां पे कैलकुलेट खुद से करना पड़े तो अगर खुद से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो ये आपका फॉर्मुला यूज करना है क्या

एनीवेज फॉर नाउ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी एन जो बच गया वन माइनस पी विल बिकम माय प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनसाइड ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड गॉट इट गाइस डन साइडीट्यूट जैसा क्वेश्चन में देगा आर कभी कभी वो ई रेस टू आर टी के फॉर्म में देगा कभी कभी वो वन प्लस देगा जो भी अपने को यूज करना है एंड फाइनली जब अपन लोग ने ये प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर लिया है ऊपर अपन लोग ने बाइनोमियल ट्री भी बना लिया जिस जो भी नंबर है उस हिसाब से अब वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉल एट अपर लेवल सी यू वैल्यू ऑफ कॉल एट डाउन लेवल इफ कॉल इज नॉट एक्सरसाइजेबल विच इज सीडी में वही होगा इट इज आउट ऑफ मनी देन टेक सीडी डी एज जीरो अब फॉर्मूला अप्लाई करने का टाइम आ गया है वैल्यू ऑफ कॉल इज इक्वल टू सी यू पी का फायदा हो रहा था देखो मेरे वाले एग्जाम्पल में ये 25 का फायदा होने का प्रॉबिलिटी कितना है 60 परसेंट प्लस सी डी वन माइनस पी अपॉन आर एंडल्यू ऑफ कॉल सीओ समू एवरीबडी आर वी क्लियर यस सर वी आर क्लियर एग्जाम्पल अगर वापस से और लेना है तो अपन लोग यहाँ पे देखो ले सकते हैं एक मस्त साथ में बाइनोमिलिट्री बनाते हैं आप लोग भी अपना बुक ओपन कर लो ओपन ही होगा सो so, फटाफट बना लो मेरे साथ स्पॉट प्राइस दिया है फाइव हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सरसाइज प्राइस दिया है फाइव लिख दिया ड्यूरेशन वन ईयर विच इज नथिंग बट ट्वेल्व मंथ

Uh, नीचे गया फाड एंड टेन से तो एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे सी डी विल बिकम जीरो प्रोबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मुला बताया अपॉन है मेरे पास uh, 1 .1 D लोग ने किया वन पॉइंट टू का यू है जीरो पॉइंट एट का डी है आई विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ अपसाइड एंड दैट इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव प्रॉबिलिटी ऑफ डाउन साइड मेरा आ जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव समझू यस सर वैल्यू ऑफ कॉल At upper level and value of call at down level is now what we have. So 90 camera C U into 0.75 ka probability upon R 1.1 and that is how we will get the value of call. Hey, do, Are we clear everybody? So 90 into 0.75 plus 0 into 0 0.25 upon.

लॉजिकली पुट अप विद ईच एंड एवरी अंडरस्टैंडिंग अब बाइनोमियल मॉडल में अपने को डरने की जरूरत है ही नहीं कोई ऑप्शन में नहीं छोड़ के जाएगा प्रॉपरली अपन लोग इसको करके जाएंगे सो so, ये होता है मेरा बाइनोमियल मॉडल फॉर्मुला बहुत ही सो अभी क्या स्टेप्स है सबसे पहले बाइनोमियल मॉडल का जो ट्री है डिसीजन ट्री जैसा बाइनोमियल मॉडल का ट्री है वो अपने को बनाना है बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी

अब जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल टू पीरियड बाइनोमियल इज सेम एज द बाइनोमियल मेथड बस यहां पे एक के जगह पे आपको दिख रहे होंगे ऐसे दो ट्रीज दैट्स इट उसके अलावा बाकी कोई डिफरेंस नहीं है टू पीरियड बाइनोमियल और वन पीरियड बाइनोमियल में

यहाँ पे भी यू वन पॉइंट टू होगा यहाँ पे डी होगा जीरो पॉइंट एट करेक्ट यहाँ पे डी होगा करके जीरो पॉइंट एट वन पॉइंट टू जीरो पे जीरो पॉइंट एट मेरे को डी मिल गया डी एस मिल गया यू मिल गया Us मिल गया एक्सरसाइज प्राइस है स्पॉट है मेरे पास सो so ऑलमोस्ट everything is इज देयर आर मेरे पास सिक्स परसेंट है सो so उसका टेंशन नहीं है

आर है मेरे पास डी है मेरे पास यू है मेरे पास डी है मेरे पास आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एंड वन माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा पॉइंट सिक्स फाइव एंड वन माइनस पॉइंट सिक्स फाइव इक्वल टू पॉइंट थ्री फाइव आई होप वी आर क्लियर सो फर्स्ट दो स्टेप एज इट इज है Whether it is one period binomial or two period binomial. बस अब अपने को यहाँ पे देखना होता है कि दोनों का कंपेरिजन करना है कि भाई मैं एक पीरियड में मेरे को कितना फायदा हो रहा है कि भाई कितना वैल्यू मिल रहा है और सेकेंड पीरियड में मेरे को कितना फायदा हो रहा है अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पीरियड को देखता हूं तो पचास रुपए का साठ रुपया हो गया तो दस रुपए का मेरे को फायदा हुआ और दूसरा दूसरा यहाँ पे पचास का फोर्टी हो गया तो ये तो मेरे को फायदा हुआ ही नहीं तो अगर फायदा हुआ ही नहीं तो मैं एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं तो फर्स्ट पीरियड में कहना इसे मेरे को ₹10 का फायदा हुआ समझे क्या अब दूसरे के ऊपर आ गए सेकंड ईयर सेकेंड ईयर में देखो मेरे को कितना फायदा हो रहा है कहना इसे 50 से 72 पे पहुंच गया अब अगर 50 से 72 पे पहुंच गया दैट मींस ₹22 रुपीस का मेरा सीयू है करेक्ट सो यहां पे मैंने लिख दिया 22 मेरा प्रोबेबिलिटी कितना है 0.65

कौन सा मेरे लिए बेटर है सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज बेटर इफ आई गो एट विद द पीरियड सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये कैलकुलेशन बस अब एक बार मैंने ये चूज कर लिया कि भाई आई एम गोइंग एट पीरियड टू बिकॉज उसमें मुझे ज्यादा वैल्यूएशन मिल रही है फिर मैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट कर लूंगा सो थर्टीन पॉइंट फोर नाइन अगेन ये ईयर वन का है अब मेरे को इसको ईयर जीरो पे लेकर आना है इंटू पॉइंट सिक्स फाइव प्लस जीरो इंटू पॉइंट थ्री फाइव डिवाइड बाय वापस ये फाइनली मेरा आ जाएगा रियल वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑफ समझ में आ गया एवरीबॉडी तो अब अगर आपको कोई भी पूछे कि भाई तुम्हारे को क्या ये कैलकुलेशन आता है बाइनोमियल का योर आंसर इज यस यू विल से एस आता है उधर से यूएस होता है इधर से डीएस होता है जब मैं U कैलकुलेट करना है तो यूएस अपॉन एस करता हूं जब मुझे D कैलकुलेट करना है तो डीएस अपॉन एस करता हूं यहां पे मेरे को प्रोबेबिलिटी और वन माइनस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो मेरे पास फॉर्मूला है यू माइनस डी अपॉन आर माइनस डी Wow! और क्या चाहिए अगर से फॉर एग्जाम्पल मेरे को और यहां से आगे जाना है टू पीरियड में तो सेम यहां का यूएस निकालूंगा मैं यहां का डीएस आई डन दैट फिर मैं इधर देख लूंगा कंपेयर करूंगा year one के साथ इन दोनों में जो भी हायर है उसको चूज करूंगा अब ऑलरेडी मैं यहां तक अगर आ चुका हूं वापस से उसको प्रोबेबिलिटी uh, से मल्टीप्लाई करके आई इट एट दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑप्शन अगर मेरे को टू पीरियड बाइनोमियल दिया हो तो और अगर सिंगल पीरियड बाइनोमियल है then in that case, तो यहां पे ही मेरा पूरा का पूरा गेम हो जाएगा एंड इट अब कितना इजी लग रहा है है कि नहीं अब इसी में एक लास्ट कॉन्सेप्ट है एंड दैट बेसिकली कॉल्ड एज रिस्क न्यूट्रल मेथड इससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है तो अगर आप लोग आईसीआई का नवंबर 23 का एस का पेपर देखोगे तो उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली बाइनोमियल मेथड और वो सब यूज करो और उन्होंने बोला है रिस्क न्यूट्रल मेथड से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो तो अगर वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि भाई रिस्क न्यूट्रल मेथड से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है वी विल यूज दिस

अपने एग्जाम्पल में कनाई से अगर यहां पे मैंने बोला था कि भाई फिफ्टी है फिफ्टी का सेवेंटी फाइव हो सकता है फिफ्टी का फोर्टी हो सकता है एक्सपेक्टेड अपर लेवल प्राइस एक्सपेक्टेड अपर लेवल शेयर प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी से पॉइंट सिक्स फाइव प्लस एक्सपेक्टेड डाउन लेवल शेयर प्राइस इन वन माइनस पी अपॉन आर आर क्यू प्रसेंट वैल्यू पे लेकर आने के लिए स्पॉट प्राइस so हो गया ये मेरा तो ये आ गया मेरा फोर ट्वेंटी इज इक्वल टू इधन अड थ्री मंथ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस ऑफ इट इज एक्सपेक्टेड एट फाइव हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड रिस्पेक्टिवली अपर प्राइस फाइव हंड्रेड

सोल्यूशन सो फाइव हंड्रेड है मेरा फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में है मेरा फोर हंड्रेड एंड अब इसको सॉल्व करते हैं चलो आ जाओ सो so, देखो स्पॉट प्राइस कितना है सर फोर ट्वेंटी फॉर्मूला के हिसाब से चलते जाओ तो 420 इज इक्वल टू 420 ट्वेंटी इज इक्वल टू राइट राइट सर हाँ क्या एक्सपेक्टेड अपर लेवल शेयर का प्राइस सर 500 हंड्रेड इन टू पी प्लस सर डाउन लेवल का प्राइस सर 400 तो 400 हंड्रेड वन माइनस पी अपन सर ई रेस टू जीरो पॉइंट जीरो टू दिया हुआ है सर वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो टू जीरो टू बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ये फोर ट्वेंटी इंटू वन पॉइंटीप्लाई करनावल टू फाइव हंड्रेड पी प्लस फोर हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड टी आई क्लियर एवरीबॉडी यस सर बस अब ये जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी एट पॉइंट फोर एट फोर इज इक्वल टू हंड्रेड पी मुझे मिल जाएगा पी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट फोर एट फोर डिवाइड बाई हंड्रेड इक्वल टू सो ट्वेंटी एट पॉइंट फोर एट फोर डिवाइड बाई हंड्रेड इज इक्वल टू पॉइंट टू एट फोर द्वेंटी एट पॉइंट फोर परसेंट जरा देखो तो आपका पी कितना आया है सर हमारा भी पी आया है 28.4% जो बाकी का बच गया दैट इज वन माइनस पी बट एनी केस वो एक्सरसाइज होने नहीं वाला है तो वन माइनस पी अपने को चाहिए भी नहीं तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन अब आपका देखो कितना आ जाएगा यर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल बी सी यू सो द वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल बी सी यू तो अपर लेवल पे अपने को कितना फायदा हो रहा है सो कैन आई से फाइव का मेरा यहाँ पे चेंज देख लो हाँ फाइव हंड्रेड का मेरा यहाँ पे अपसाइड है एक्सरसाइज प्राइस है फोर फिफ्टी का तो फिफ्टी का फायदा ये होने का चांसेस है पॉइंट टू एट फोर एट प्लस जो दूसरा ऑप्शन है वो तो मेरा मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा तो वो जीरो हो गया डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो टू जीरो टू विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन एंड मुझे मिल जाएगा मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड दैट इज थर्टीन पॉइंट नाइन सिक्स बट ये मैंने कैलकुलेट किया यूजिंग रिस्क न्यूट्रल अप्रोच We clear? Risk so, ये अगर बोलता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं अदरवाइज भी ये ये यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट विथ दिस वी कंप्लीट जी हाँ द बाइनोमियल मेथड सिंगल पीरियड बायनोमियल टू पीरियड बायनोमियल रिस्क न्यूट्रल प्रोबिलिटी एवरी थिंग डन विथ प्रॉपर एग्जाम्पल आई होप सब चीजें समझ में आ गई होगी बस अभी अगर वापस कभी इसको, आप लोगों को अभी अपन अपने अगले पढ़ाव के ऊपर एंड दैट इज ब्लैक एंड शोल्स मॉडल सो आइडियली ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल सबसे इग्नोर्ड है बाई डिफॉल्ट पब्लिक ऑप्शन में छोड़ता है नहीं करता ठीक है इंस्टीट्यूट पूछता भी नहीं है उसके ऊपर क्वेश्चन तो गलत नहीं है बट नाउ नो मोर अगर आपको पता होगा तो अब में में जब मैं ग्रोथ तो ऑप्शन का सम इंस्टीट्यूट ने अपनी मॉड्यूल में सॉल्व किया है यूजिंग ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल सो भाई अब यू नो यू शुड नॉट लीव इट इन ऑप्शन एंड ढंग से अपने को करना चाहिए बिकॉज अगर एग्जाम में आता है तो सीधा अप्रॉक्सिमेटली सेवन टू नाइन मार्क्स के लिए आ सकता है मेकिंग इट वेरी वेरी क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग गुड मार्क्स ठीक है सो अगेन आई एम टेलिंग यू मेरा अगर आप लास्ट अटेम्प्ट का ब्लैक एंड स्कूल मॉडल का लेक्चर सुनोगे तो मैंने खुद स्टार्ट ही इसी से किया कि आने के चांसेस बहुत कम है बट आफ्टर द न्यू सिलेबस रियल ऑप्शन आ गया है एंड रियल ऑप्शन में जो ग्रोथ ऑप्शन है

बट अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना कि ये फॉर्मूला सर कहां से कैसे याद रहेगा मैं उसके लिए मस्त तरीका लाया हूं वो तरीका फॉलो करो एंड यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट देखो कोई भी कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या होता है आप मेरे को बताओ कोई भी कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या होता है मतलब कॉल ऑप्शन से मुझे पैसा कब मिलेगा जब मार्केट ऊपर जा रहा है तब राइट सो कैन आई से जो मेरा यहां पे स्पॉट प्राइस है एंड जो मेरा एक्सरसाइज प्राइस है उन दोनों का डिफरेंस तो से फॉर एग्जांपल हंड्रेड एंड टेन रुपीज का मेरा एक्सरसाइज प्राइस है एंड स्पॉट प्राइस हो गया 150, ठीक है तो कहना इसे इज वैल्यू वैल्यू विल विल बी बी ऑफ कॉल ऑप्शन क्योंकि उतना मैंने कमाया राइट सो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन से ही ये डिराइव होता है क्या वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज एसओ मतलब स्पॉट माइनस एक्सरसाइज प्राइस बट ये एक्सरसाइज प्राइस को मेरे को करंट current... चलो मैं इसको इधर सिंपल रखता हूं सो so ये स्टार्ट है आपका आपको फॉर्मूला याद रखना है तो क्या है इट इज नथिंग बट द बट द स्पॉट प्राइस माइनस द एक्सरसाइज प्राइस मेरा स्पॉट हो गया 150 मेरा एक्सरसाइज प्राइस 110 40 ₹ कमा लिया 40 ₹ मैंने कमा लिया भाई क्या हो गया इसको यार हम्म 40 रुपीज मैंने कमा लिया अब फॉर्मूला को और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हमारे मिस्टर ब्लैक मिस्टर स्कूल उन्होंने बोला कि यार ये जो स्पॉट प्राइस है और ये एक्सरसाइज प्राइस है वी विल द प्रेजेंट वैल्यू वी विल द प्रेजेंट वैल्यू रेस्ट टू आर टी ई रेस टू आर टी ये ई रेस टू आर टी क्यों है सो so, कैसे डिराइव किया है इसको स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस स्पॉट प्राइस मेरा 150 हो गया ये 110 पे था फोर्टी रुपीज का फायदा होने वाला है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन बट एक्सरसाइज प्राइस को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है तो ईपी अपॉन ई रेस टू आर टी सो ये इससे प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा बेसिकली अपन लोग आर करते थे बराबर है बट यहां पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट लिया है अब मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या होगा उसका मुझे आइडिया नहीं है सो so उसके लिए एक प्रोबेबिलिटी है जिसको बोला है एन डी वन माइनस एक्सरसाइज प्राइस क्या होगा ये भी नहीं पता है उसके लिए यूज किया है करेक्ट एन डी टू एंड गाइज दिस इज माई फॉर्मूला फॉर ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल दिस इज माई फॉर्मूला फॉर ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल आपको अब आई होप याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एसओ माइनस ईपी ईपी को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने आर टी दोनों को एनडी वन एनडी टू दोनों के जो बोलते ना अपन लोग कहते हैं ना सी यू इंटू प्रोबिलिटी सी डी इन वन माइनस प्रोबिलिटी तो यहां पे भी किया है बस एनडी वन एनडी टू रिप्रेजेंट काइंड ऑफ योर प्रोबिलिटीज अब एनडी वन अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मेरे को जेड टेबल के ऊपर जाना पड़ेगा बट ऑब्वियसली वो जेड टेबल पे जाऊं उसके पहले भी एक फॉर्मुला है फॉर कैलकुलेटिंग डी वन तो ये जो एन है ना दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी वन एंड डी टू तो वन माइनस uh, आ जाएगा तो उसका टेंशन नहीं है so, अब अपने को कैलकुलेट करना सीखना है डी वन राइट सो यहां पे फिर मैं सबका फुल फॉर्म आप लोगों को बता दूंगा तो काफी इजी हो जाएगा एंड देन वी विल बी थ्रू डी वन का मेरा फॉर्मूला है नेचुरल लॉग जिसको बोला एल एन इन टू एस ओ अपॉन ई पी यस दिस इज अ पार्ट ऑफ अ डेरिवेशन जो ऑब्वियसली अपन अभी नहीं कर रहे Then, plus, variance upon into t, and ये पूरा का पूरा होल अपॉन स्टैंडर्ड डीशन रूट टी सिमा रूट टी ऐसे आपका डी वन आएगा फिर इस डी वन पे एन डी वन बनाना है तो वो कैसे करोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वे पे तो सर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो सब लेना पड़ेगा करेक्ट हाँ। तो ये कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा विद व्हेन वी डू वन एग्जांपल ऑफ ब्लैक एंड स्कॉल समझ में आ गया आप लोगों को अब यहां पे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये एसओ SO क्या है ये ईपी क्या है तो चलो लेट अस गो थ्रू दैट सो सबसे पहले है मेरा फॉर्मूला में आता है एसओ SO. तो यहां पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो एसओ इज माय स्पॉट प्राइस ई इज माय एक्सरसाइज प्राइस फिर अपन लोग आते हैं एनडी वन के एसओ SO को एन डी वन से मल्टीप्लाई किया है राइट तो एन क्या है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेट टेबल डी वन क्या है मैंने आपको बोला था यू कैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस गोइंग टू इंक्रीज विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डी वन डी टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन rf जो मेरा फॉर्मूला में यहां पे यूज किया है मैंने देखो इधर r दिख रहा है r ये है मेरा rf रिस्क फ्री रेट ln इज नेचुरल लॉग क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं t इज द ड्यूरेशन सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड e रे टू rt इज माय कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग एंड इससे बनता है मेरा ये फॉर्मूला so माइनस ep अपॉन e रे टू rt so को मल्टीप्लाई किया nd1 के साथ d1 है मेरा ln into SO upon EP plus RF plus sigma uh, variance upon 2 into T. I hope we are very very clear as regards this. Okay, so here d one ln natural log. So how do you calculate the natural log? So here is yera uska एक छोटा सा फॉर्मैट सो प्लीज आउट योर कैलकुलेटर्स समझो आपको लॉग कैलकुलेट करना है 1.1275 1.1275 1.1275 का, को, hello, को 12 टाइम्स आप रूट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Minus 1 into 4096 यहां पे आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट वन टू

आपको मिल जाएगा पॉइंट वन टू सेवन फाइव इच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ट्वेल्व सेवन फाइव परसेंट एज वेल सो आई होप ये समझ में आ गया होगा सो ऑल इन ऑल ब्लैक एंड शोल्स स्ट्राइक प्राइस प्राइस माइनस एक्सरसाइज अपॉन ई रेस टू आर टी एसओ इंटू एनडी वन माइनस ई पी अपॉन ई रेस टू आर टी इंटू एनडी टू डी वन कैसे कैलकुलेट होगा नेचुरल लॉग ऑफ स्ट्राइक प्राइस अपॉन एक्सरसाइज प्राइस प्लस ब्रैकेट में आर एफ रिस्क फ्री रेट राइट प्लस जीरो आपको मिल जाएगा डी वन डी टू कैसे मिलेगा इट विल बी डी वन माइनस सिग्मा रूट टी ये सिग्मा रूट टी यहां पे जो आया है बस किसी को इधर डाल देंगे सो वी विल गेट डी टू इट गाइज

These are the basic अगर डिविडेंड इनकम है में, तो फिर आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कैसे करना है। so, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एसओ माइनस डिविडेंड अपॉन ई रेस टू आर टी तो डिविडेंट का हट गया है एंड यहाँ पे अगेन आप लोग ने डिविडेंड का इफेक्ट हटा देना है आपका so, बाकी फॉर्मूला so, एंड आपको value of put find करना होगा and आपको तीन चीजें दी जाएगी एक दिया जाएगा एक्सरसाइज प्राइस अपॉन ई रेस टू आर टी स्ट्राइक प्राइस दिया होगा एंड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन दिया होगा आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है एक्सरसाइज प्राइस अपॉन ई रेस टू आर टी माइनस एसओ क्यू यहां पे Uh, exercise price minus so because here we want the strike price to be lower than the exercise price so exercise price right to sell higher price gir gaya, so lower so exercise price minus so minus value of call option will give us the plus value of call option will give us the value of put option बहुत रेयरली ऐसा कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा देन इन दैट केस वी शुड बी एबल टू आंसर सो आई होप सब चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को रिलेटिंग टू ब्लैक एंड मेथड अब सर आपने तो बोला ब्लैक एंड स्कोल्स मेथड के ऊपर एक सम करवाओगे लास्ट में तो मैं आप लोगों को अभी एक चीज बहुत अच्छी वाली चीज बता दू के जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यू सिलेबस में आ गए हैं रियल ऑप्शंस ग्रोथ वाले अबेंडन वाले टाइमिंग ऑप्शन आ गया है ऑब्वियसली तो इनके ऊपर एक सम करवाना तो बनता है सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अभी मैं फ्लो के साथ जा रहा हूं तो फ्लो में अब आई विल बी कंप्लीटिंग द ऑप्शंस पार्ट सो अभी देखो ब्लैक एंड मेथड मैंने करवा दिया है बाइनोमियल मेथड करवा दिया है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी हो गया है बेसिक अपना जो ऑप्शन का वैल्यूएशन होता है वो अपना पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है अब ये लास्ट बचता है ऑप्शन ग्रीक्स ये ऑप्शन ग्रीक्स मैं अभी आप लोगों को करवा दूंगा जिससे मेरा जो ओल्ड वाला टाइप जितना पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं करवाऊंगा आप लोग को पूरा का पूरा फ्यूचर्स जिससे मेरा पूरा डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो जाएगा एंड लास्ट में फिर मैं करवाऊंगा आपको ब्लैक एंड स्कोल्स मेथड के ऊपर एक क्वेश्चन अपने आईसीआई के मॉड्यूल का उसके बाद में तीन क्वेश्चन एक क्वेश्चन ग्रोथ ऑप्शन का एक ऑप्शन एक क्वेश्चन एंड एक ऑप्शन लास्ट में जो होगा वो टाइमिंग ऑप्शन का सो दट आईसीआई के मॉड्यूल में जो चीज नहीं आई है वो भी आपकी पूरी तरह से हो जाएगी एंड यू विल भी सुपर कॉन्फिडेंट राइट बिकॉज अभी मैं वो सम करवाने जाऊंगा तो टेक अ लॉट ऑफ टाइम तो मेरा वो फ्यूचर्स का फ्लो कहीं ना कहीं अटक जाएगा तो अभी लेट मी कंटिन्यू विद्लो ब्लैक एंड स्कूल अपना ही इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सम कर लेंगे लास्ट में अपन लोग फिर ऑब्वियसली जो नई चीजें रियल ऑप्शन एड हुई है रिलेटिंग टू ग्रोथ रिलेटिंग रिलेटिंग टू टू टाइमिंग रिलेमेंट वो सारे भी उससे रिलेटेड एक एक सम इंट्रोड्यूस किया हमने मॉड्यूल में वो मैं यही रिविजन लेक्चर में करवा दूंगा सो यू विल बी टेंशन फ्री अब इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा ब्लैक एंड स्कोल्स और मैं आ जाता हूं ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर एंड लेट मी टेल यू ऐसा मुझे लगता है कि ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर फुल चांसेस है एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा प्लीज so, इसको बराबर से कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड इसको प्रैक्टिकली भी यूज होता है मेरा एक फ्रेंड है वो प्रैक्टिकली ऑप्शन ग्रीक्स के बेसिस पे डिसीजन लेके ट्रांजेक्शन करता है तो सबसे पहला इसमें आ रहा है मेरा डेल्टा या हेज रेशियो जो बताता है कि बॉस मेरे को अगर शेयर के बदले पे ऑप्शन में ही डायरेक्टली ट्रेडिंग करना है तो मेरा क्या रेशियो बैठता है मतलब एक शेयर के सामने मैं कितना ऑप्शन लू तो मेरा सिमिलर लेवल ऑफ प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं आई गिव यू एन एग्जांपल एक्साम्पल जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 510 एंड प्रीमियम ऑफ द कॉल ऑप्शन इज रुप जब मेरा दस से मेरा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो मेरा प्रीमियम पांच से बढ़ रहा है वापस से आप लोग नोट करेंगे कि जैसा मेरा दस रुपए से यहाँ पे शेयर का प्राइस बढ़ा पांच रुपए से मेरा प्रीमियम बढ़ा एंड लास्ट में अगेन जब मेरा इधर दस रुपए से मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बढ़ा पांच रुपए से मेरा प्रीमियम बढ़ा सो so यहां पे वी कैन वेरी इजिली सी दैट चेंज इन शेयर वैल्यू इज टेन बट चेंज इन प्रीमियम इज फाइव मतलब फॉर एवरी वन शेयर

टू बी बॉट पर ऑप्शन सो एक ऑप्शन के लिए पॉइंट फाइव शेयर खरीदो एक शेयर के सामने दो ऑप्शन खरीदो सो इट विव यू डेल्टा हेजिंग चेंज इन क्या बोला देखो इधर मेजर्स एक्सपेक्टेड मूव ऑप्शन प्राइस कैन बी एक्सपेक्टेड टू मूव फॉर वन रुपी चेंज इन अंडरलाइन सिक्योरिटी और इंडेक्स दस रुपए से मेरा शेयर प्राइस चेंज होता है पांच रुपए से मेरा ऑप्शन का प्रीमियम चेंज होता है इसको अपन लोग फॉर्मूला वाइज भी लिख सकते हैं मतलब तो शेयर का प्राइस से फाइव ट्वेंटी नीचे आया फाइव टेन एंड ऊपर जब फाइव ट्वेंटी है तो इट इज फोर्टी अदरवाइज थर्टी फाइव सो फाइव बाई टेन थियोरी में आता है एक रुपए का चेंज इन माई ऑप्शन प्राइस एंड सॉरी एक रुपए का चेंज इन माई शेयर रिजल्ट इन हाउ मच चेंज इन प्राइस ऑफ माई ऑप्शन प्रीमियम यहां पर एक रुपए का शेयर प्राइस चेंज पॉइंट फाइव मेरा ऑप्शन का प्राइस चेंज होता है सो नंबर ऑफ शेयर्स टू पर ऑप्शन पॉइंट फाइव चेंज इन वैल्यू और प्रीमियम ऑफ ऑप्शन अपॉन चेंज इन शेयर प्राइस डेल्टा डन नेक्स्ट वेगा अब एक मैंने डेल्टा पे टाइम इसीलिए डाला ताकि बाकी सब फटाफट होते जाए वेगा विल रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब रिस्क में जो चेंज है ऑफ माय सिक्योरिटी एंड उसके सामने मेरा ऑप्शन वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है तो सेंसिटिविटी ऑफ ऑप्शन ड्यू टू चेंज इन वोलाटिलिटी विच इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड डिशन ऑफ द रिस्क चेंज इन ऑप्शन प्राइस गिवेन अर्सेंट पॉइंट चेंज इन वोलेटिलिटी ठीक है so, से मेरा अगर स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरे ऑप्शन के वैल्यू पे क्या इंपैक्ट आता है एक रुपए से अगर मेरा शेयर प्राइस चेंज होता है तो उसकी वजह से मेरे ऑप्शन प्राइस पे क्या इंपैक्ट आता है थीटा टाइम

मतलब एक परसेंट से अगर मेरा इंटरेस्ट रेट चेंज होगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन में कितना है? So, से है वैसे ही, और एक मेरा डेल्टा आएगा सो डेल्टा में कितना चेंज है एंड इसकी वजह से मेरा प्राइस ऑफ स्टॉक में क्या चेंज है सो प्राइस ऑफ स्टॉक में जो चेंजेस है उसकी वजह से डेल्टा में जो चेंजेस आता है रिप्रेजेंटेड बाय गैमा So, अगर मेरे को यहां पे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूं पांच चीजें मेरे पास है डेल्टा चेंज इन शेयर प्राइस की वजह से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू रियर क्लियर यस सर फिर बाद में आता है बेगा खुद से लॉजिकली अभी करो चेंज इन स्टैंडर्ड डिविएशन और इसकी वजह से क्या इंपैक्ट आएगा चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फिर बाद में वेगा के बाद थीटा राइट right? सो so, थीटा टाइम चेंज इन टाइम और इसकी वजह से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू फिर बाद में रो आर एच ओ अगर इंटरेस्ट में चेंज आया तो उसकी वजह से चेंज इन ऑप्शन वैल्यू क्या चेंज आ रहा है एंड लास्ट इज देंज इन प्राइस ऑफ शेयर और उसका इम्पैक्ट ऑन डेल्टा डेल्टा कितने से मेरा चेंज हो रहा है अगर ये एमसीक्यू में आया तो जरूर याद रखना एंड मैं तो बोलता हूं कमेंट पे लिख के बताओ क्या लग रहा है आपको राइट right, इसमें से क्या आ सकता है यू हैव टू टेल मी एंड विद दिस मैं आपको बता दू दैट अपना ऑप्शन इज पूरा का पूरा कंप्लीट बट 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 सर रियल ऑप्शन जो है मेरा वो मैं करवाऊंगा विद सम्स बट एट द एंड आफ्टर आई एम डन विद फ्यूचर्स वाई फॉर अ सिंपल रीजन दैट अभी एक फ्लो में ऑप्शन फ्यूचर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा एंड एग्जाम टाइम पे भी आपको जब भी भी देखना हो कि भाई रियल ऑप्शन में क्या चीजें ऐड हुई है तो आप लास्ट में जा सकते हो टाइम पे एंड आपको रियल ऑप्शन के जो तीन है तीनों का इंपैक्ट दिखाने वाला हूं तो आपको एक साथ वो पूरा चीज मिल जाएगा अब अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं Futures. तो कैसा रहा ऑप्शन का सफर जरूर कमेंट करके बताओ सो दैट फ्यूचर्स के लिए मोटिवेशन आएगा आपको भी और मेरे को भी एंड लास्ट में यस द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियल ऑप्शन तो जैसा कि यहां पे नाम बता रहा है फ्यूचर्स इज डिपेंडेंट ऑन योर प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है आपके ऑप्शंस और फ्यूचर्स में वो है राइट right और ऑब्लिगेशन का जी हां ऑप्शंस में आपके पास होता है राइट right. मुझे एक्सरसाइज करना है तो मैं करूंगा नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा बट फ्यूचर्स में ये मनमानी नहीं चलेगी फ्यूचर्स में यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन और इसके लिए कई बार आप सुनोगे कि लोग ऑप्शंस में तो ट्रेडिंग कर लेते हैं पर फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए या तो आप सीधा मतलब मैं एक एग्जांपल देता ही हूं हमेशा कि यार अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करोगे ना तो दो बातें होगी या तो आप सीधा मुंह कैश अंबानी बनोगे या फिर अनिल अंबानी बनोगे तो ऐसा सिनारियो होता है मतलब इस पार या उस पार सेबी की माने तो मेजोरिटी लोग उस पार अनिल वाले पार पे हो जाते हैं तो इसके लिए फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपके पास बहुत पैसा चाहिए क्यों वो भी आपको पता चलेगा एंड इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर प्राइजेस तो इसमें आप प्रिडिक्ट करते हो कि फ्यूचर में प्राइजेस क्या होने वाले इट कुड बी ऑफ शेयर कमोडिटी करेंसी जो भी चीज का आपको फ्यूचर्स खरीदना है आप प्रिडिक्शन करोगे अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो आज की तारीख में आप लॉन्ग फ्यूचर करोगे क्या करोगे आप लॉन्ग फ्यूचर करोगे एंड समझो आपने लॉन्ग फ्यूचर किया यहां पे तो ये हो गया आपका लॉन्ग फ्यूचर का प्राइस फ्रीज यहां पे भी प्राइस फ्रीज हुआ बट समझो आपने जो सोचा वैसा ही हुआ तो आपको इतना फायदा हो जाएगा सर ये तो पूरा ऑप्शन जैसा ही चल रहा है आप सुनो अगर आपने जो सोचा वैसा नहीं हुआ और मार्केट नीचे चला गया तो ऑप्शन में आपके पास होता है राइट right, कि आप बोलोगे कि मैं एक्सरसाइज ही नहीं करूंगा एंड एक्सरसाइज नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगा दैट इज ओके बट यहां पे फ्यूचर्स में ऐसा नहीं चलेगा फ्यूचर्स में अगर मार्केट नीचे जाता है देन इन दैट केस यू आर अंडर एन ऑब्लिगेशन एंड आपको ये लॉस को भी पे ऑफ करना पड़ेगा तो यहां पे बहुत बड़े अमाउंट का प्रॉफिट भी हो सकता है जिससे आप मु बन सकते हैं और लॉस भी हो सकता है जिससे आप अनिल भी बन सकते हैं अभी अंडरस्टैंडिंग एंसर अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो देन इन दैट केस आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हो अगर आपने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया ध्यान से सुनो अगर आपने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया देन इन दैट केस यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल डाउन एंड समझो तो भी आपने शॉर्ट किया है फ्यूचर्स को मतलब आपके पास सेल करने का आपको पावर मिल गया है वो प्राइस पे तो वो प्राइस पे आप सेल कर सकते हो मार्केट नीचे गया तो आप ये प्राइस पे सेल कर सकते हो बट अगर मार्केट नीचे गया तो आपको ये प्राइस पे बाय करना पड़ेगा डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाएगा पर अगर मार्केट ऊपर गया तो अब आप ऑप्शंस की तरह उसको छोड़ नहीं सकते कि यार मेरा राइट है मेरे को एक्सरसाइज नहीं करना है अगर आपने सोचा कि शॉर्ट किया आपने और और आपको लग रहा है नीचे जाएगा और उसके के मार्केट ऊपर गया तो हायर तो मतलब तो अमाउंट पे बाय किया, किया इतना आपको लॉस भी हो सकता है एंड यू आर एन अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द लॉस दिस इज हाउ द फ्यूचर्स मार्केट वर्क्स अब ये कोई भी चीज का हो सकता है मैंने स्पेशली कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड मार्केट में लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है इन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एनी बस यही कहना चाहूंगा कि अनलेस यू आर नॉट श्योर फ्यूचर्स में नहीं करना चाहिए बिकॉज यहां पे ट्रेडिंग होता है लॉट्स का ये आगे आपको बताऊंगा देखते हैं फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट 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 देखो इसका फर्स्ट वर्ड ही देखो ऑब्लिगेट्स पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ डिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस हो गया आपका प्राइस आपने लॉन्ग किया है फिक्स हो गया अब आपको ये प्राइस पे करना ही पड़ेगा अब आप करो दन, में आपको लग रहा था ऊपर जाएगा और ऊपर गया सेल कर दो डिफरेंस प्रॉफिट नीचे गया तो भी सेल करना ही पड़ेगा नीचे के भाव पे डिफरेंस लॉस राइट देखो अगर आपको बहुत डिटेल में देखना है फ्यूचर्स ऑप्शन का ट्रेडिंग एंड एवरी पहले भी मैंने बोला था एक वीडियो बनाया मैं डिस्क्रिप्शन पे ट्राई करूंगा उसका लिंक शेयर करने का यू कैन जस्ट विजिट दैट आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली कैसे चीजें होती है करंट मार्केट प्राइस एट एक्सपाइरेशन डेट अब आपने जो प्राइस पे फ्रीज कर दिया है लॉन्ग किया है तो आपने बाय किया है तो आपको वो प्राइस पे बाय करना ही पड़ेगा और मतलब वो प्राइस पे बाय तो आपका हो गया है अब फ्यूचर में जो भी प्राइस होता है उस पर आपको सेल करना ही पड़ेगा ऊपर गया तो प्रॉफिट नीचे गया तो लॉस फ्यूचर स्टॉक्स गोल्ड कमोडिटीज प्राइस चेंज जी हाँ सर इससे अपना लॉसेस बच सकते हैं ये कैसे आगे आपको बताऊंगा मैं कैसे इसको हेजिंग के टूल की तरह यूज किया जाता है बट दैट अबाउट फ्यूचर्स अब फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में कुछ uh, सिमिलैरिटीज भी है कुछ डिफरेंसेस भी है यहाँ पे मैं तुम लोग के साथ डिफरेंसेस शेयर करता हूँ बट फॉरवर्ड्स क्या होता है ये भी ऐसे ही होता है फॉरवर्ड्स पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी डिफरेंस क्या क्या है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ सबसे पहले फॉरवर्ड इज डन ओवर द काउंटर मतलब आप बैंक में जाके एक फॉरवर्ड खरीद सकते हो और उसके साथ वो ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हो यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे कोई इंटरमीडियरी पर्सनल बैंक ऐसा नहीं होता है यहाँ पे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है आप कस्टमाइज करवा सकते हो कि भाई देखो आज मैंने फॉरवर्ड से बाय किया है मेरे को बाद में सेल करना है कुछ उसको रोल ओवर करना है वो सब मैं करवा सकता हूँ फ्यूचर्स में दे आर स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड यू हैव टू गो एज पर हाउ द स्टॉक मार्केट हैज डिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट सिंपल इसमें कोई मार्जिन नहीं चाहिए आपको फ्यूचर्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट कंपलसरी है टू एक्सिक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट सर मार्जिन क्या होता है आगे अपने को पूरा एक डिटेल में पढ़ना ही है वॉट इज मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एनीवेज फॉरवर्ड्स में होता ही नहीं फ्यूचर्स में होता है बट वो क्या है वो आगे पढ़ेंगे डिफॉल्टस इन फॉरवर्ड देर इज अ काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क तो फॉरवर्ड में अगर बैंक के साथ पर्सनल ट्रांजेक्शन है मैंने डिफॉल्ट किया तो बैंक में नॉट बी एबल टू रियली एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम मी बट यहां पे काउंटर पार्टी डिफॉल्ट रिस्क नहीं है बिकॉज देर इज मार्जिन मनी इन्वॉल्व तो मार्जिन मनी से वो पैसा मिल जाएगा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको सेटलमेंट इज ऑन मेच्योरिटी यहां पे डेली सेटलमेंट आप कर सकते हो जैसा आपको करना है

फ्यूचर्स कहीं लोग स्पेक्यूलेशन एंड आर्बिट्राज के लिए यूज कर सकते हैं दैट्स द मेजर डिफरेंस अब आ जाते हैं समझने की कोशिश करते हैं फ्यूचर्स के प्रोसेस को विच अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो जैसा मैंने बोला कि अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है देन इन दैट केस आई विल डू अ अपसाइड बेटिंग एंड अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है आई विल डू अ डाउन साइड बैटिंग सो अपसाइड बेटिंग मैं कब करूंगा करेक्ट जब मैं लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल लॉन्ग द फ्यूचर्स अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा सो लॉन्ग फ्यूचर्स मैं करूंगा अब जैसे ही मैंने लॉन्ग फ्यूचर्स किया ठीक है कॉन्ट्रैक्ट टू बाय लॉन्ग फ्यूचर लॉन्ग इन फ्यूचर मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू बाय फ्रीज एट प्रीवेलिंग फ्यूचर्स रेट तो ये मेरा जो फ्यूचर्स रेट अभी चल रहा है उसके हिसाब से मैंने फ्रीज कर दिया लॉन्ग फ्यूचर बाय फ्यूचर अब बाय डिफॉल्ट फ्यूचर को स्क्वायर करना ही पड़ता है करना ही पड़ता है सो so, यहां पे लॉन्ग फ्यूचर इज ऑलवेज कैसे लॉन्ग किया है तो आपको स्क्वायर ऑफ सेल करके करना पड़ेगा स्क्वायर ऑफ मतलब ऑपोजिट आपको रिएक्शन देना पड़ेगा तो भी आपने आपने लॉन्ग किया है बाय किया है क्योंकि आपको लग रहा है ऊपर जाएगा अब ऊपर गया तो आप सेल कर दो ऊपर के भाव पे नीचे गया तो सेल कर दो नीचे के भाव पे इन शॉर्ट सेल करके बेसिकली वो स्क्वायर ऑफ होगा तो लॉन्ग फ्यूचर्स सेल करके स्क्वायर ऑफ होगा लॉन्ग फ्यूचर्स इज ऑलवेज फ्यूचर बाय सेलिंग ऑन मैच्योरिटी और बिफोर इफ द मार्केट गोज अप जैसा मैंने चाहा तो फ्यूचर्स बाइंग प्राइस तो मैं दे चुका हूं मार्केट गोज अप तो एक्स प्लस वाई हो गया तो वाई मेरा प्रॉफिट एंड इसका ऑपोजिट भी हो सकता है इफ मार्केट गोज डाउन तो माइनस वाई विल बी माई लॉस ठीक है इसमें कोई राइट नहीं है बोथ पार्टीज आर अंडर एन ऑब्लिगेशन एंड फ्यूचर सेल किया है अगर आपने देन इन दैट केस आप बेसिकली राइट टू सेल को फ्रीज कर दिया है अब आपको चाहिए मार्केट नीचे जाए डाउन साइड बैटिंग कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इज फ्रीज एट रिवेलिंग फ्यूचर डेट सेल कॉन्ट्रैक्ट सेल है, शॉर्ट है तो आप उसको रिवर्स कैसे करोगे बाय करके शॉर्ट फ्यूचर इज ऑलवेज बाय बाइंग ऑन मेरिटी और बिफोर अगर मार्केट ऊपर गया तो फ्यूचर सेलिंग प्राइस मार्केट गोज अप तो उतना आपका लॉस हो जाएगा आपको चाहिए मार्केट नीचे जाएगा तो आपको गेन होगा राइट सो so, एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस दूसरे का लॉस एक का प्रॉफिट एंड क्यू इसमें गेम बड़ा होता है बिकॉज फ्यूचर्स आर ऑलवेज ट्रेडेड इन लॉट्स फ्यूचर्स आर ऑलवेज ट्रेडेड इन लॉट्स तो अगर आपको एक फ्यूचर बाय करना है ना रिलायंस का तो सीधा मिनिमम सौ शेयर आते हैं एंड रिलायंस इज ट्रेडिंग एट टू वन सेवन फाइव तो मिनिमम प्राइस आपको जो देना पड़ेगा दैट विल बी टू लैख सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो सर आर्टिकल के तो बस का है ही नहीं है बिल्कुल है ही नहीं आर्टिकल छोड़ो सीओ का भी अच्छा खासा ब्लड प्रेशर हाई डाउन हो जाता है जब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं एनीवेज आई होप प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा अब जैसे ही मैं फ्यूचर्स के ट्रांजेक्शन में एंटर करता हूं सबसे पहली चीज जो सेबी मेरे से मांगती है एंड दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लेट्स अंडरस्टैंड दैट अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि यार सर मार्जिन क्यों लेते हैं फॉर जो आप सोच रहे एकदम सही है आप डूब गए तो गया ना स्टॉक एक्सचेंज का तो पैसा अगर सपोज आपके साथ ये अनिल वाला सिचुएशन हो गया तो स्टॉक मार्केट कहाँ आएगा आपको ढूंढने के लिए तो उससे अच्छा मार्जिन लेके रखेंगे अगर उनको लगा कि भाई आपका जो फ्यूचर्स का वैल्यू है वो कम होते जा रहा है तो वो मार्जिन में से स्टॉक एक्सचेंज पैसा विड्रॉ करते जाएगा और अगर कुछ ज्यादा ही डाउन हो गया देन इन दैट केस आपको कॉल आएगा और बोलेगा चलो भाई मार्जिन मनी में पैसा थोड़ा और रिफिल कर दो एग्जैक्टली दिस इज द रीजन वाई मार्जिन मनी इज टेकन इन अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज जैसा मैंने बोला हाई मनी गेम होता है एंड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है सो टू अवॉइड एनी कैजुअलिटी द स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने ये सिस्टम रखा है तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपको अगर फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक इनिशियल मार्जिन से स्टार्ट करना पड़ेगा इनिशियल मार्जिन आपको कितना पे करना पड़ेगा तो उसके लिए एक फॉर्म्यूला है म्यू प्लस स्टैंडर्ड सो ये जो म्यू है ये वाई uh, दिख रहा है आपको बट इट्स लाइक म्यू दैट्स ओके ये डेली एब्सोल्यूट है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मैंने इसके लिए एक एग्जाम्पल भी ले लिया है आप लोगों के साथ सो दैट वी कैन सॉल्व इट तो इधर देखो एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज़ ये स्टॉक एक्सचेंज uh, की तरफ से ही कैलकुलेट करना होता है तो कोई अपने को टेंशन नहीं है एंड स्टैंडर्ड डिशन ऑफ दीज चेंजेस इज रूपीज टू थाउजेंड सो इसका थ्री टाइम्स थ्री इंटू टू सिक्स थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड सिक्सटीन थाउजेंड अगर अभिषेक को ये वन सेंसेक्स का फ्यूचर बाय करना है तो उसको सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज का इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ेगा अभी क्लियर सो इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला दिया होगा डेली एप्सल्यूट प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी आपको दिया हुआ होगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डेली चेंज राइट इसके बेसिस पे एक इनिशियल मार्जिन आपने डिपॉजिट कर दिया अब आ जाते हैं मेंटेनेंस मार्जिन के ऊपर अब क्या होता है पता है क्या डेली मार्केट तो ऊपर नीचे होते रहता है ठीक है अब आपने इसे फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग लिया है ठीक है सेंसेक्स फ्यूचर्स के ऊपर आपने एक लॉन्ग बेट लिया है लॉन्ग बेट लिया है और मार्केट ऊपर गया तो अच्छी बात है आपका जो मार्जिन है उसमें स्टॉक मार्केट पैसा डालते जाएगा बट अगर ऑपोजिट हुआ समझो मार्केट गिर गया तो आपके मार्जिन में से पैसा डिडक्ट होते जाएगा अब आपने इनिशियली सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज डिपोजिट किया था मार्केट नीचे गया हो सकता है कि ये नीचे जाते जाएगा से से ट्वेल्व थाउजेंड और, uh, और और नीचे जाते जा रहा है तो मेंटेनेंस मार्जिन इज लाइक अ ट्रिगर मेंटेनेंस मार्जिन बोलता है एक सर्टेन अमाउंट के नीचे गया देन इन दैट केस यू द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल मार्जिन अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल के यहाँ पे मेरा मेंटेनेंस मार्जिन है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज मेरा मेंटेनेंस मार्जिन है ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज वो भी वो बोलेगा कि इनिशियल मार्जिन का सेवेंटी फाइव परसेंट आपको मेंटेनेंस मार्जिन जितना रखना है जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है दैट मेंटेनेंस मार्जिन इज सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ इनिशियल मार्जिन तो सिक्सटीन थाउजेंड का सेवेंटी फाइव परसेंट होता है ट्वेल्व थाउजेंड तो अभी से फॉर आपने लॉन्ग लिया और मार्केट नीचे जाते जा रहे तो सिक्सटीन थाउजेंड से मार्जिन कम होते 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 तक आ गया अगर समझो ये ट्वेल्व थाउजेंड से नीचे गया आया तो आपको कॉल आ जाएगा सेबी का और वो बोलेंगे इमिजिएटली रिफिल करो रिफिल कितना करो मेंटेनेंस मार्जिन के ट्रिगर जितना नहीं इनिशियल मार्जिन जितना मतलब जितना समझ में आया सो इनिशियल मार्जिन पार्टिसिपेंट इन फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट मार्जिन टू ओपन एंड मेंटेन असिशन कितना नहीं जाना चाहिए गया तो इनिशियल मार्जिन को जितना रिफिल कर दो इट इज दिनिम अमाउंट ऑफ फ्यूचर ट्रेडर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन हिज अकाउंट टू होल्ड फ्यूचर्स पोजिशन इफ इधर देखना इफ द बैलेंस इन इनिशियल मार्जिन आफ्टर एडजस्टिंग एम टी एम सर एम टी एम क्या है बता रहा हूं गोज बिलो द लोअर लिमिट एज फिक्स एक्सचेंज मार्जिन अकाउंटोर टू ओरिजिनल इनिशियल मार्जिनलो दीजिएगा इस बात पर फोकस कीजिएगा सो ट्वेल्व थाउजेंड के नीचे क्या समझो इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ गया तो आपको सिक्सटीन थाउजेंड जितना रिफिल करना है विच इज फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड देन फिर बाद में लास्ट में आ जाता है मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट मतलब वही कि डेली बेसिस पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा मार्जिन ऐड होते जाएगा और अगर मार्केट नीचे जाते जा रहा है देन इन दैट केस मेरा मार्जिन में से से डिडक्ट होते जाएगा मतलब जो भी मार्केट के हिसाब चल रहा है वैसा मेरा मार्किंग होते जा रहा है इन माय मार्जिन अकाउंट हो सकता है मैंने शॉर्ट किया हो फ्यूचर्स तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मार, मेरा मार्क टू मार्केट बढ़ते जाएगा मतलब मेरा मार्जिन में पैसा होते जाएगा एड एंड अगर मैंने शॉर्ट किया और मार्केट ऊपर गया तो मार्क टू मार्केट के हिसाब से मेरे मार्जिन में से पैसा कम होते जाएगा सो so, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है वैसा ही हुआ तो मार्क टू मार्जिन बढ़ते जाएगा अदरवाइज इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम माइ मार्जिन अकाउंट फ्यूचर्स आर मार्क्ट टू मार्केट देखो वर्डिंग्स देखो वर्डिंग टू मार्केट सो दैट करंट प्राइस इज कंपेर्ड टू एवरी प्राइस डेली सेटलमेंट इन क्लोजिंग प्राइस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डिपोजिटेड इनिशियल मार्जिन अमाउंट एंड ओल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गेट्स रिप्लेस्ड विद न्यू वन एट न्यू प्राइस एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज रोल्ड ओवर टू द नेक्स्ट डे एट न्यू प्राइस जैसा मैंने सोचा वैसा हुआ तो मार्जिन में एड हो जाएगा रोल्ड ओवर एट द न्यू प्राइस कम हुआ नो प्रॉब्लम रोल्ड ओवर एट द न्यू प्राइस तो ये रोल्ड ओवर एट द न्यू प्राइस के लिए मैंने ये example लिया है, देखते है। Sensex Futures trading. अब देखते हैं इसमें से मेरा सिक्सटीन थाउजेंड का तो इनिशियल मार्जिन आ गया वो आप लोग को समझ में आ गया ट्वेल्व थाउजेंड का मेरा मेंटेनेंस मार्जिन है। अब साथ में यहाँ पे आपको दिया है हाई और लो इसका कोई जरूरत नहीं है अपने को खाली देखना है क्लोजिंग अपने को खाली देखना है क्लोजिंग सो so, क्लोजिंग कितना हुआ है थ्री टू नाइन सिक्स पॉइंट फाइव पे अच्छा मैंने क्या किया है मैंने लॉन्ग किया है सेंसेक्स को बॉट वन सेंसेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सो so, अब मेरे को चाहिए मार्केट ऊपर जाए बट फर्स्ट डे पे ही नीचे चले गया तो कहना इसे मेरा मार्क टू मार्केट नीचे हो जाएगा तो यहाँ पे देखो मेरा मार्क टू मार्केट हंड्रेड एंड फाइव से इतना नीचे हो गया थ्री टू नाइन फोर पॉइंट फोर 105. अब जब मैं करूंगा सो नेक्स्ट डे देखो क्या हुआ नेक्स्ट डे थ्री टू थ्री जीरो थ्री टू नाइन फोर से पॉइंट फोर से और नीचे गया तो वापस मेरा यहां पे देखो माइनस आ गया उसके बाद वापस नीचे गया माइनस आ गया फिर अगेन मेरा बेस है अभी थर्ड के बाद थ्री टू थ्री जीरो पॉइंट पॉइंट फोर फोर अब थ्री थ्री टू जीरो के सामने अगर आप लोग नोट करते हो तो उसके बाद वापस आई थिंक देर इज अ फॉल भाई थ्री टू थ्री जीरो के बाद यहां पे आ जाता है थ्री टू सिक्स सेवन सोके साइड पर यह साइड पर थ्री टू वन टू 0.3 है अब 3212.3 के बाद नेक्स्ट देखोगे तो 3267.5 एंड विच इज हायर देन 3212 तो यहां पे देखो कंपैरिजन 1 टू 1 एक के साथ होते जाता है एवरीडे बेसिस पे तो ये मेरा 2760 बढ़ गया फिर नेक्स्ट डे वापस से मेरा कम हो गया तो वापस माइनस हो गया ऐसे करते करते होते जाएगा अब यहां पे देखो 12695 माइनस 905 करता हूं तो फिर मेरा 12000 के नीचे आ गया तो मेरे को टू वन जीरो का कॉल कॉल आएगा सेबी से मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा तो ही मैं आके ट्रेडिंग कर पाऊंगा पूरा क्लियरली समझ में हो गया आ गया होगा हाउ द मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्क विद्जाम्पल ऑफ आई सी एंड इट इज डन सो टोटल मेरे को लॉस हो गया इस ट्रेडिंग में एंड दैट्स हाउ जितना लॉस हो गया इस ट्रेडिंग में आपका मार्जिन बनी विल इंक्रीज बाय दैट एक्सटेंट डन सो इसी के साथ मेरा मार्जिन बनी हो गया एंड अब अपन लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स सो थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस वैल्यू ऑफ फ्यूचर्स का मतलब होता है ये देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ एंड उस एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आ जाएगी समझो आज आप रिलायंस का अगर कैश मार्केट में प्राइस देखते हो तो इट विल बी से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से रूपीज टू फाइव सेवन फाइव ठीक है ये ही सेम रिलायंस का अगर आप थ्री मंथ्स का फ्यूचर्स का प्राइस देखोगे ना थ्री मंथ्स का फ्यूचर्स का प्राइस

टू टू फाइव सेवन फाइव पे करते अगर आज ही आपको ये फ्रीज करने को तो मिल गया आज बराबर है बट तीन महीने तक वो वैलिड रहेगा सो टू फाइव सेवन फाइव इज वॉट यू शुड आइडियली पेड प्लस एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे से टू फाइव सेवन फाइव तीन महीने तक आपको तो पे नहीं करना है सो टू फाइव सेवन फाइव इन टू एक फिफ्टीन परसेंट का मैं इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेता हूं खरीदा नहीं राइट right? आज आपने खरीदा नहीं तो आपका टू फाइव सेवन फाइव बच गया और उसके ऊपर जो अब आप जो टू फाइव सेवन फाइव बचा है उसको भी तो आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे और पंद्रह टका रिटर्न मिल जाएगा तीन Uh, महीने में तो वो भी तो ऐड हो जाएगा तो टोटल आप टू, सेवन, फाइव के ऊपर फ्रीज कर सकते हो कंसिडरिंग तीन महीने बाद मतलब समझे ना कैश में तो ले रहा हूं तो आज ही मेरे को पूरा पैसा देना है टू फाइव सेवन फाइव और मैं रिलायंस का शेयर खरीद सकता हूं यहां पे तो मैं रिलायंस के शेयर के ऊपर बैटिंग कर रहा हूं तीन महीने बाद का यही प्राइस के ऊपर तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा ना क्योंकि इन्वेस्ट किया तो सौ रुपया मिला तो टोटल टू सिक्स सेवन फाइव इज गोइंग टू बी माई थ्री मंथ फ्यूचर प्राइस इसको और डिटेल में समझना है तो यार आई थिंक मैंने YouTube पर डिटेल लेक्चर डाला है या फिर रेगुलर बैच में आओ तो उसमें समझ पाएगा समझ में आ गया, नहीं समझाओ मुझे कमेंट में में मैं आपको डिटेल समझा तो भाई मेरा स्टॉक मार्केट बोलता सौ रुपया तू ज्यादा देगा क्योंकि हम तेरे को तीन महीने का बेनिफिट भी दे रहे और तेरे से आज की तारीख में हम पैसा भी नहीं ले रहे तो ये अच्छा है ओके डन बट अगर 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 सर मैं स्टॉक ले लेता तो हो सकता है कि मेरे को डिविडेंड मिल सकता था तो अगर भाई मेरे से आप सौ रुपया ज्यादा ले रहे हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो अगर जिसने स्टॉक लिया उसको डिविडेंड मिला तो उसको फायदा भी तो होगा हाँ तो ले उतना माइनस कर देता so, है सो so, इन शॉर्ट अज्यूमिंग पचास है सो टेर को आ, टोटल पे करना पड़ेगा टू फाइव सेवन फाइव प्लस हंड्रेड माइनस फिफ्टी इक्वल टू टू सिक्स टू फाइव कितना रिपब्लिक टू सिक्स टू फाइव तेर को आज भरना पड़ेगा फॉर लॉन्गिंग थ्री मंथ्स फ्यूचर्स टुडे समझ में आया इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस विच इज कैलकुलेटेड एज पर कॉस्ट टू कैरी मॉडल सो अगेन अगर मेरे को यहां पे लिख के आपको बताना है सो इट इज अ सिंपल थिंग क्या सिंपल थिंग है मेरा यहां पे कि मेरे को कैलकुलेट करना है थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस पर ये थियोरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट टू कैरी मॉडल कॉस्ट टू कैरी मॉडल कॉस्ट टू कैरी मॉडल क्या बोलता है करेक्ट कॉस्ट टू कैरी मॉडल बोलता है दैट आपका जो भी स्पॉट प्राइस है वो प्लस आपको जो इंटरेस्ट का बैरिंग बेनिफिट मिल रहा है तो उतना भी करेंगे शुड बी ऑन द स्टॉक मार्केट सो ये आप चेक करने का भाई मैच हो रहा है कि नहीं अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आएगा अर्बिट वो मैं आपको सिखाऊंगा बट फिलहाल फिलहाल अपन लोग को खाली सीखना है कि थोरिटिकल फ्यूचर वैल्यू क्या आपको कैलकुलेट करना आ गया यस यस सो इट इज स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड अब क्वेश्चन आता है कि ये कैरिंग कॉस्ट जो आप लोगों को दिखता है ये कैरिंग कॉस्ट क्या होगा सो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है जो थ्योरी के लिए आईसीआई पूछता है आओ मैंने उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है देख दिखाना चाहूंगा आपको देखो सो so आइडियली मेरा स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस अलग होगा ये अपन लोग ने देख लिया क्यों अलग हुआ क्योंकि मेरा स्पॉट प्राइस तो स्पॉट प्राइस है बट मेरा फ्यूचर प्राइस होगा स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड तो वो जो डिफरेंस है ना उस डिफरेंस को कहते हैं बेसिस जी हाँ यहां पे बेसिस में तीन ऑप्शंस पॉसिबल है अगर अगर मेरा स्पॉट प्राइस इज लेस देन फ्यूचर प्राइस विच इज द केस इन आर इंडियन तो बोलते हैं बेसिस इज नेगेटिव एंड देर इज अ अंटैंगो मार्केट इफ इट इज इक्वल तो बोलते हैं बेसिस इज़ तो एमसीक्यू में आ सकता है एक्सैक्टली exactly, मॉड्यूल का एमसीक्यू में आ सकता है एंड थर्ड है फ्यूचर प्राइस अगर ऐसा है then in that case, basis is positive, उसको बोलेंगे बैकवर्ड एशियन या इनवर्टेड मार्केट जापान जैसे मार्केट में ऐसा होने का स्कोप है विच इज बैकवर्ड एशियन मार्केट बट ऑब्वियसली स्पॉट प्राइस विल बी लेस देन द फ्यूचर प्राइस बिकॉज ऑफ कैरिंग कॉस्ट बेसिस नेगेटिव होगा अपना एंड वी आर ऑलवेज इन टू अ कॉन्टेंगो मार्केट जापान बैकवर्ड एशियन मार्केट में एंड लास्ट है जहां पे एकदम नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट है जैसे कि अमेरिका दे आर इन टू कन्वर्जेंस मार्केट आई होप वी आर क्लियर विदिस कैलकुलेशन बेसिस वर्डिंग एज वेल अगर एमसीक्यू में आता है याद जरूर रखना भाई ठीक है चलो अब जब मैं बोल रहा हूं कि सर थ्योरिटिकल फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट ये जो कैरिंग कॉस्ट है ये क्या है सर पैसा जो अटक गया है उसको उसके ऊपर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो इंटरेस्ट मिल सकता है वो तो ये जो इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट करने के तो कई तरीके हैं सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग तो मुझे कौन सा इंटरेस्ट लेना है भैया वो तो आपने बताया नहीं वेल यस दैट इज वेर यहां पे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सबके हिसाब से मेरे को मेरा कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा तो सारे पॉसिबिलिटीज पता होने चाहिए एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पेज बट उसके पहले उसके पहले जब मैं ये कैलकुलेशन करूंगा स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट तो ये जो कैरिंग कॉस्ट है तीन तरह के कैरिंग कॉस्ट हो सकते हैं या तो बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट बेटा या तो बेस्ड ऑन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट या बेस्ड ऑन कंपाउंड कंटिन्यूस कंपाउंडिंग तीनों मेथड में आपको समझाऊंगा डोंट वरी बट उसमें माइनस डिविडेंड डिविडेंड करते हैं इस के भी दो रूप है इस डिविडेंड के भी दो प्रकार है एक होता है सिंपल या एब्सोल्यूट डिविडेंड एंड दूसरा होता है डिविडेंड यील्ड अगर क्वेश्चन में सिंपल या एब्सोल्यूट डिविडेंड दिया है तो इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू दैट्स इट सिंपल बट अगर वो डिविडेंड यील्ड के बेसिस पे है then dividend yield is calculated on market price per share अगर absolute dividend है तो बस जो absolute dividend का amount आये उतना minus हो जाएगा spot plus carrying cost में से कोई problem नहीं है but अगर dividend yield है then in that case उसमें आपको impact of time भी देना पड़ेगा तो यानी अगर dividend तीन महीने के लिए दिया है तो आपको तीन महीने के dividend के हिसाब से working करना पड़ेगा sir कुछ नहीं समझा don't worry मैं भी आ रहा हूं मेरे नेक्स्ट पेज पे उससे बट कहने का मतलब क्या है, देखो, बता एक होता है future. Future में तीन तरह के होते हैं एक होता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट दूसरा होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तीसरा होता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग जो मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ और प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड डिविडेंड में दो प्रकार होते हैं एक होता है एब्सोल्यूट डिविडेंड एब्सोल्यूट या सिंपल डिविडेंड इज जो भी अमाउंट आएगा आपका फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके हो गया एंड दूसरा होता है डिविडेंड डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर इस पे अगर तीन महीने का डिविडेंड है तो तीन महीने के हिसाब से आपको डिविडेंड ईल्ड से डिविडेंड कैलकुलेट करना पड़ेगा ओके ओके सर आओ अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर टू अंडरस्टैंड द फुल इंपैक्ट तो तीन तरह के यहां पे टाइप्स हो सकते हैं एक हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट दूसरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एंड तीसरा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग तो देखो जहां पे भी आपको ये SI दिखेगा आप समझ जाना एस SI आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट सीआई मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सीसी मतलब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग तो जो बेसिक एग्जाम में पूछने वाले जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उन सब के सम्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं वी कैन रिफर दैट इजीली अपने को समझ जाएगा सबसे पहला समझो आपको स्पॉट दिया है फाइव नाइनटी एट इंटरेस्ट है फिफ्टीन परसेंट सिंपल इंटरेस्ट डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज ट्वेंटी फाइव परसेंट तो डिविडेंड यील्ड नहीं है एक्सपेक्टेड डिविडेंड है सो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन योर फेस वैल्यू सो ये इंटू करेंगे अपन तो आ जाता है टू अपन लोग इंटू टेन करेंगे अपन तो आ जाएगा अपना टू पॉइंट फाइव सो टू पॉइंट डिविडेंड अब फॉर्मूला क्या होता है मेरा स्पॉट स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड क्या मेरे को पता है हाँ सर पता है ना फाइव नाइनटी एट प्लस कैरिंग कॉस्ट इज वॉट फिफ्टीन परसेंट सिंपल इंटरेस्ट सो कैन आई से इट इज फाइव नाइनटी एट इंटू सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना है सर फिफ्टीन परसेंट बट आई से ये तीन महीने के लिए है So, मैं लिख लूंगा पॉइंट वन फाइव इंटू थ्री बाई ट्वेल्व बराबर है यस सर माइनस फाइव का डिविडेंड एप करेक्ट इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मैं क्या करता हूं इस फॉर्मूला को ही थोड़ा आप लोगों के लिए और कन्वर्ट कर देता हूं इजियर वे में सो क्या इससे मैं यहां पे 598 को कॉमन ले सकता हूं यस yes, सर ले सकते हो अब इसको भी सॉल्व करोगे आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा तो ये देखो 598 नाइन एट इंटू पॉइंट इंटू थ्री बाई टाइव नाइनटी एट माइनस टू पॉइंट फाइव ये मेरा आ रहा है आ गया नॉर्मल वे से बट क्यों ना फाइव एट को मैं कॉमन ले लू हाँ तो सर उससे क्या होगा फिर इंटू वन प्लस तो ये देखो ये आ गया अब मेरे को ये लेना है आर टी समझ रहे हो तुम लोग सो फाइव नाइनटी एट मेरा स्पॉट है इन टू ब्रैकेट में वन प्लस आर टी कर दिया मैंने सो so, ये देखो इधर मैंने स्पॉट वन प्लस आर टी कर दिया और ये डिविडेंड मेरा बाजू में है ही वो डिविडेंड को मैंने माइनस कर दिया एंड दैट इज हाउ आई गेट माय फर्स्ट फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट विद डिविडेंड दिया हो तो द कैलकुलेशन फॉर्मूला विल बी स्पॉट इनटू वन प्लस आर टी माइनस डिविडेंड ये देखो यहां पे सिंपल इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम एब्सोल्यूट एस वन प्लस डिविडेंड तो कहना ये वाला मेरा कैलकुलेशन का हो गया हो गया उसी के बाजू में देखो इधर एस इंटू वन प्लस आर टी जिसपे डिविडेंड है ही नहीं लिखा है नो डिविडेंड इनकम तो सीधा सीधा एस इंटू वन प्लस आर टी आ जाएगा कनेक्ट वो भी मेरा यहाँ पे ही हो गया अब आ जाते हैं डिविडेंड ईल्ड के ऊपर उसी के नीचे उसके बाद में देखो तो ये वाला अपना हो चुका है उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट भी डिविडेंड ईल्ड स्पॉट वन फाइव फाइव जीरो इंटरेस्ट टेन परसेंट ड्यूरेशन फोर मंथ्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड से एक्सपेक्टेड डिविडेंड ईल्ड लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड इल्ड इज इक्वल टू फाइव परसेंट अब अगर ये डिविडेंड यील्ड 5% है देन इन दैट केस ये डिविडेंड के ऊपर भी अपने को आ, ये यूज करना पड़ेगा मंथ्स एंड डेज जो टाइम वाला सिस्टम है देखो इधर लिखा ना डिविडेंड यील्ड अगर हुआ बेटा डिविडेंड यील्ड अगर हुआ तो इंपैक्ट ऑफ टाइम विल बी गिवन डिविडेंड विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मंथ्स सो आओ लेट्स

बाई करना पड़ेगा मेरे को अब अगर तुम लोग नोट करोगे ना तो ये इंटरेस्ट मैं किसके ऊपर कैलकुलेट करने वाला हूं तो ये इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट करूंगा वन फाइव फाइव जीरो पे तो यहां पे मैं लिख देता हूं वन फाइव फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय थोड़ा जगह बना लेंगे वन फाइव फाइव जीरो के ऊपर मेरा पैसा अटक रहा है इंटरेस्ट तो ये हो गया माइनस मेरा जो डिविडेंड ईल्ड है बेटा वो डिविडेंड यील्ड किसके ऊपर कैलकुलेट होगा वो भी अब मेरे मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा देखो लिखा है इधर डिविडेंड कैलकुलेटेड ऑन मार्केट प्राइस पर शेयर सो मेरा यहां पे मार्केट प्राइस कितना आ जाता है वन फाइव फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय हेलो मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव फोर बाय ट्वेल्व अब देखो इसमें जरा मैं किसको कॉमन ले सकता हूं तो आई से मैं वन फाइव फाइव जीरो को कॉमन ले सकता हूं थ्रू आउट सर ओके फिर वन प्लस ये देखो इधर आर टी माइनस डी टी बराबर है इनफैक्ट अगर आप लोग नोट करोगे तो मैं तो टी को भी कॉमन में ले सकता हूं सो दैट विल फाइनली गिव मी माय रियल फॉर्मूला जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूं तो ये वन फाइव फाइव जीरो के मैं, बदले पे मैं लिख सकता हूं एस वन प्लस कैन आई से टी को कॉमन में ले लिया तो वन आर माइनस डी इंटू टी हो जाएगा एंड यहां पे ये फॉर्मूला भी मेरा डिराइव हो गया गुरु hey, सो so, ये देखो इधर सिंपल इंटरेस्ट विद डिविडेंड ईल्ड वाला जो कैलकुलेशन है वो भी विद डेरिवेशन आपको बता दिया एंड यहां पे आप लोग टिक मार सकते हो क्योंकि ये वाला भी अपना हो गया खाली फॉर्मूला नहीं विद डेरिवेशन फॉर्मूला हो गया समझ में आया पब्लिक बस ऐसे ही अपने को करते जाना है अगर थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो जो आता है काफी बार एमसीक्यू में पूछ सकता है वो सिंपल सा चीज है सो वी शुड नो इट नाउ सिंपल इंटरेस्ट के बाद आ जाता है कंटिन्यूस इंटरेस्ट आर टी के जगह पे टू हो जाएगा बस और कुछ नहीं समझ रहे हो सो so, यहां पे फॉर्मूला अब देखो क्या है स्पॉट प्राइस दिया है इंटरेस्ट कंपाउंडेड

बाकी अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप कंपाउंडिंग यहाँ पे समझ जाओगे कि क्यों अपन लोग रेस टू कर रहे हैं सो so, यहाँ पे एवरीथिंग इज सेम मल्टीप्लाई बाय टी के जगह पे यहाँ पे अपन लोग ने कर दिया रेस टू टी एंड ये हो गया मेरा माइनस डी सो वी विल टेक यर देखो विदाउट डिविडेंड तो सिंपल ही है वन प्लस आर एस रेस टू टी तो ये हो गया वन प्लस रेस टू टी माइनस एंड यही अगर मेरा Dividend yield होगा, तो से मैं internally उसको minus कर समझ so, इसी के साथ मेरा ये formula complete होता है. अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट विमूला मैंने देखो आप लोग के साथ कर लिया है so, इसमें भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगेन

मैं ये फॉर्मूला को अपने साथ कनेक्ट कर पाऊंगा एस इंटू रेस टू आर टी हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है एस इंटू रेस टू आर टी माइनस डी अगर डिविडेंड नॉर्मल वाला है तो एस इन इंटू रेस टू आर माइनस डी टी बिकॉज ये इधर इंटरनली एडजस्ट हो जाता है डिविडेंड यील्ड के केस में गाइज आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा विद द लॉजिकल इंटरप्रिटेशन राइट right? तो अगर मैं अब आपको बोलू कि चलो नोटबुक खुला है फटाफट मुझे सारे के सारे लिख के बताओ क्या आप लोग कर पाओगे वैसा है दम सो so, देखो सिंपल इंटरेस्ट विदाउट डिविडेंड चलो फटाफट लिख के बताओ एस इंटू वन प्लस आर टी विद एब्सल्यूट डिविडेंड और सिंपल इंटरेस्ट अगर हुआ तो एस इंटू वन प्लस आर टी माइनस डी एन अगर सिंपल इंटरेस्ट हुआ डिविडेंड ई हुआ मेजोरिटी यही आता है वन प्लस आर माइनस डी द होल इंटू टी और सर ओके अगर यही कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हुआ तो एस इंटू वन प्लस आर रेस टू टी एस इंटू वन प्लस आर रेस टू टी माइनस डी एस इंटू वन प्लस आर माइनस डी रेस टू टी एंड यही अगर मेरा कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हुआ तो एस इंटू रेस टू आर टी एस इंटू रेस टू आर टी माइनस डी एस इंटू आर माइनस डी टी समझिएवरी बड़ी चल डन डना डन टन टन ओके हो गया मेरा यहां पे मल्टीपल अभी हाँ, तो ये मेरा जो मैंने टिक मार्क किया वो हो गया अब अगर वो लोग बोल रहे हैं कि भाई डिविडेंड को भी प्रेसेंट वैल्यू पे लेकर आना है तो सो so डी तो ये जो डी है उसको वन बोलते ना कोई भी चीज को प्रेसेंट वैल्यू पे लाना होता है

लेकर आओ प्रेजेंट वैल्यू पे एंड देन इंटू रेस टू आर टी बट एज आई टोल्ड यू एक्सट्रीम केसेज है सो वी कैन स्किप इट बाकी जो नौ एकदम है लॉजिकली आप लोग को बता दिए डेफिनेटली यूज देम सम्स भी पे मैंने सॉल्व भी कर दिया है लॉजिकली आई होप वी आर वेरी वेरी क्लियर विद ऑल ऑफ दिस कुछ नोट है जो देख लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑलवेज अज्यूम सिंपल इंटरेस्ट मेथड डन सर डी अपॉन ई रेस टू आर टी कैन बी रिटर्न एज डी इंटू रेस टू माइनस आर टी डन सर नीसॉट रेट टी टाइम पीरियड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इज नंबर ऑफ कंपाउंडिंग एंड देन है ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी फ्यूचर प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू स्पॉट प्राइस कब ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी अब तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैरिंग कॉस्ट कुछ आएगा ही नहीं डिविडेंट सेम डेट पे तो ऑब्वियसली सेम ही होना है एंड इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइसिंग आई होप सबको समझ में आ गया होगा एंड नाउ वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिंग विद फ्यूचर्स देखो स्टार्टिंग में अपनी बात हुई थी कि फ्यूचर्स को यूज करके लोग हेजिंग करते हैं एंड कैसे होता है वो हेजिंग अब मैं आपको बताऊंगा अब सुनो मैंने क्या किया मैंने एना एच डी एफ सी का शेयर बाय किया और अगर मैंने एच डी एफ सी का शेयर बाय किया है तो मुझे चाहिए कि वो शेयर का प्राइस ऊपर जाए बट अगर वो शेयर का प्राइस नीचे चले गया तो तो मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगा लॉस हो जाएगा तो वो लॉस को इंश्योर करने के लिए हैजिंग मतलब इंश्योरेंस इंश्योर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं फ्यूचर्स मार्केट में एंटर कर सकता हूं और एच का एक देखो मेरे को डर किस बात का है कि वो नीचे चले गया तो तो मैं क्या करूंगा एच डी एफ सी का शॉर्ट पोजिशन ले लूंगा तो शॉर्ट पोजिशन ले लूंगा तो अगर नीचे भी गया तो फ्यूचर्स में प्रॉफिट शेयर मार्केट जो रियल शेयर खरीदा उसमें लॉस एटलीस्ट वो दोनों जीरो जीरो हो जाएगा तो मेरा लॉस हेज हो जाएगा मतलब कोई भी लॉस नहीं होगा फिर प्रॉफिट भी यहां मैंने शॉर्ट किया उससे जो प्रॉफिट आया वो शेयर मार्केट में जो लॉस हुआ है वो दोनों इक्वल होके मामला सेटल एट लीस्ट लॉस नहीं होगा प्रॉफिट नहीं हुआ तो चलेगा एक बार अपन चला लेंगे परवाने क्या बोलते हो पब्लिक राइट सो हेजिंग विद फ्यूचर्स सो मैंने क्या किया शेयर प्राइस है शेयर प्राइस अगर बढ़ रहा है मेरे को मैंने शेयर प्राइस शेयर खरीदा है और उसके लिए मेरे को डर है कि अगर ये नहीं बढ़ा तो तो मेरे को कहना है इससे ऑपोजिट पोजीशन कुछ लेके रखना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ के भाई बढ़ा तो अच्छी बात है तो, तो मेरे को फायदा ही है बट अगर कम भी हुआ तो मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए तो क्या कर सकता हूं मैं कि शेयर प्राइस कम भी हो तो भी मेरे को नुकसान ना हो प्रॉफिट हो शॉर्ट कर सकता हूं मैं तो अगर मैंने शॉर्ट फ्यूचर्स ले लिया एच का और नीचे गया तो इनफैक्ट मुझे तो प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि मैंने शॉर्ट किया सेल बाय करके मैं स्कोर uh, करके स्क्वायर ऑफ करके उतना प्रॉफिट शेयर मार्केट में शायद लॉस हो जाए इवेंचुअली इक्वलाइज हो जाएगा बट ये तो सर एच का शेयर आपने खरीदा तो आप एच डी एफ सी के फ्यूचर के साथ उसको हेज कर सकते हो सर अगर आपने जोमैटो का शेयर खरीदा तो क्या तो क्या हुआ जोमैटो का शेयर खरीदा है तो सर आप जोमैटो का शेयर खरीदा तो आपको डर है कि जोमैटो का भी शेयर नीचे जा सकता है हाँ तो जोमैटो का शेयर अगर नीचे चले गया तो आपके पास जोमैटो का फ्यूचर्स तो है ही नहीं अरे ऐसा क्यों क्योंकि सर फ्यूचर्स स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स पे ही होता है स्पेशली ए लिस्टेड स्क्रिप्ट्स जैसे कि इन्फोसिस हो गया टाटा मोटर्स हो गया बड़ी बड़ी कंपनीज रिलायंस हो गए अडानी हो गया ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज पे ही फ्यूचर्स अलाउ करता है स्टॉक मार्केट तो जोमैटो खरीदा पर जोमैटो का फ्यूचर्स तो है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा सिचुएशन में आपको यूज करना पड़ता है इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर मतलब आप निफ्टी मार्केट का फ्यूचर खरीद सकते हैं तो उससे क्या होगा सर तो समझा जोमैटो का शेयर खरीदा ऊपर गया तो ठीक है नीचे गया तो मुझे डर लग रहा है तो मैं क्या करूंगा निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर खरीदूंगा तो सर उससे और अगर समझो मार्केट नीचे गया तो मेरे को यहां पे फायदा हो जाएगा और यहां पे जो लॉस हुआ है ये मेरा ऑफसेट हो जाएगा बराबर है बट सर एग्जेक्ट नहीं होगा ना वो तो करेक्ट एग्जैक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा इस निफ्टी फ्यूचर को बीटा से जोमैटो के बीटा से एडजस्ट कर लूंगा ताकि अब बीटा क्या होता है सेंसिटिविटी ऑफ द स्टॉक मार्केट तो मैं बीटा से ऐसा एडजस्टमेंट कर लूंगा कि ये जितना नीचे जाएगा उतना मुझे इतना ही फायदा होगा जितना अदरवाइज मुझे जोमैटो पे लॉस होने वाला है एंड इज वॉट आई विल डू इन विद्यूचर्स देखना फियर ऑफ इट्स प्राइस गोइंग डाउन सो अब मैं क्या इंश्योर करूंगा टू टेक अपोजिट एक्शन इन एच डी एफ सी फ्यूचर्स

चलो आओ देखते हैं अब वेरियस सिचुएशन जिससे अपन हेजिंग करेंगे कब? सो टेक ऑपोजिट एक्शन इन स्टॉक फ्यूचर्स सीधी सी बात है अगर मैंने शेयर्स बाय किया है तो मैं स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट करूंगा तो ही मेरे को फायदा होगा तो शेयर्स बाय किया लॉन्ग किया है शॉर्ट इन फ्यूचर्स हो सकता है मैं शेयर्स को शॉर्ट करूं तो लॉन्ग इन

ट दिस इज ट्राइंग टू से दस कॉन्ट्रैक्ट आपको लेने पड़ेंगे एक कितने का होगा? वो भी पे बता दिया है आप लोगों को Number of shares per lot, जैसे कि से वन थाउजेंड इंटू वन हंड्रेड होता है वन लाख रुपीज तो ये एक लाख रुपए का एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरा टोटल पोर्टफोलियो है एच डी एफ सी शेयर का दस लाख का तो से मेरे को दस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने पड़ेंगे एच डी एफ सी के सो दैट मेरा परफेक्ट हेज एकदम बेड चाय समझ में आया दिस इज इन द सिंपलेस्ट वे स्टॉकिंग अजिंग विद फ्यूचर्स मार्केट चलो आओ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी ओके विच पोजिशन गिवस यू अर स्पेक्टैक्यूलर स्पेक्यूलेटर अ कंप्लीट हेज अगेंस्ट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आपने अगर शॉर्ट सेल किया है शेयर टेन लैख तो आप क्या करोगे लॉन्ग फ्यूचर करोगे एल एन टी का फ्यूचर का ठीक है एक लाख का उसका फ्यूचर का वैल्यू है तो टेन लैख डिट्रैक्ट यू विल लॉन्ग ऑफ एल एन टी बॉट शेयर मोटर्स वर्थ रूपीज एट लैख तो आप रिवर्स क्या करोगे आप शॉर्ट करोगे नंबर ऑफ टाटा को आप सॉरी यहां पे आपने बॉट किया है तो यस नंबर ऑफ टाटा शेयर को आप लोग क्या कर दोगे शॉर्ट पोजिशन लेट लैस इज सिक्सो वाला example. कि अगर जोमैटो जैसा शेयर हुआ देन इन दैट केस आप क्या करोगे सो वैल्यू ऑफ शेयर या पोर्टफोलियो जैसे से मेरे पोर्टफोलियो में खाली जोमैटो है तो से 10 लाख का मेरा जोमैटो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसका

तो इन दैट केस मैं क्या करूंगा आई विल टेक अ पोजिशन ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर इसका स्टॉक फ्यूचर अवेलेबल नहीं है तो एच डी एफ सी शेयर के सामने एच डी एफ सी का फ्यूचर लिया उसको बोलते हैं स्टॉक फ्यूचर जोमैटो के सामने निफ्टी का फ्यूचर लिया उसको बोलते हैं इंडेक्स फ्यूचर कैश एंड बैंक बैलेंस इज टेन देखो कैश एंड बैंक बैलेंस को तो कोई जिंदगी में हेज नहीं कर सकता वो तो कैश एंड बैंक बैलेंस है बीटा ऑफ द इक्विटी शेयर पोर्टफोलियो इज वन पॉइंट वन तो यहां पर देखो ये जोमैटो है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया और इस पूरे पोर्टफोलियो का बीटा है 1 .1. 1300. 10%. ओ, तो अगर ऐसा सीनारियो है case, मेरे को एक शॉर्ट पोजिशन लेके रखना चाहिए ताकि अगर गिरा तो अपने को फायदा हो जाए डन और अगर ये गिरता भी है मार्केट तो भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हो सकता है मेरा इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड इक्विटी शेयर गिरे बट सामने इंडेक्स फ्यूचर में मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा तो वो कवर अप हो जाएगा आओ लेट्स प्रूव इट अब देखो मेरा टोटल यहां पे डाइवर्सिफिकेशन है 90 करोड़ का एंड मेरे को बोला है कि अगर मेरे को फ्यूचर लेना इंडेक्स फ्यूचर तो 4300 का एक फ्यूचर है एक लॉट में मिनिमम 50 आना ही आना है कहना फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड इंटू फिफ्टी करेंगे तो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड इंटू फिफ्टी करते हैं तो आता है टू डिवाइड बाय टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड करता हूं तो नाइन वन करोर सो वन करोर इंटू नाइंटी डिवाइड बाय टू लैख फिफ्टीन थाउजेंड करता हूं तो so, आता है फोर वन एट सिक्स कॉन्ट्रैक्ट बट 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 मेरा यहाँ पे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है 1.1 का सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय बीटा ऑफ पोर्टफोलियो सो इसको इनटू 1.1 करता हूं तो ये आ जाता है मेरा 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स 4605 कॉन्ट्रैक्ट्स इज व्हाट आई विल टेक अब से 10% से एक्चुअली मार्केट गिर गया अगर मार्केट 10% से गिर गया तो मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 11% से गिरेगा 10 1.1 क्योंकि मेरा बीटा 1.1 है समझते हो ना बीटा मार्क भाई मार्केट दस से गिरा और मेरा 1 .1 का बीटा है तो मैं वन पॉइंट वन टाइम्स एक्स्ट्रा मतलब इलेवन परसेंट से गिरूंगा so, 10 1 .1 किया लॉस तो 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 हो गया बट सामने बिकॉज मैंने इंडेक्स फ्यूचर में पोजिशन लेके रखा है आई विल बी सिक्योर मैंने उधर शॉर्ट पोजिशन लिया है फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड पे तो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड पे मेरे पास सेल का राइट है अब मार्केट नीचे गिर गया टेन परसेंट सो फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड माइनस टेन परसेंट होता है थ्री एट सेवन जीरो मैंने फोर सिक्स जीरो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पचास यूनिट है सो so टोटल अगर आप लोग करते हो तो फोर थर्टी इंटू फोर सिक्स जीरो फाइव इंटू फिफ्टी एंड इट वर्क्स अप्रोक्सीमेटली टू नाइन पॉइंट नाइन करोर का गेन यहाँ पे लॉस बैठ गया मेरा एकदम परफेक्ट हैज क्यों क्योंकि मैंने उसको बीटा ऑफ दैट पोर्टफोलियो से मल्टीप्लाई कर दिया था है कि नहीं इजी एंड इंटरेस्टिंग और इसी के साथ देखते ही देखते आईसी का सम भी हो गया वाह वाह और क्या चाहिए ये देखो फिर क्या लिखा टारगेट बीटा इज ऑलवेज टेकन एज परफेक्ट रिस्क फ्री हेज इज रिक्वायर्ड और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट सो टारगेट बीटा को देखो मैंने भी यहां पे कट करवा दिया कि भाई क्वेश्चन साइलेंट है कुछ लेने का नहीं तो सर कब आएगा टारगेट बीटा बताता हूँ वो भी बताता हूँ फिर कैश बैंक बैलेंस विल नॉट बी हेज इफ कॉन्ट्रैक्ट साइज इन डेसिमल्स इट विल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट नंबर सो इसके साथ हो गया मेरा ये पूरा कंप्लीट अब आता है पार्शियल पार्शियल हेज हेज का मतलब है कि भाई अगर मेरे को पूरा अभी देखो ये कैसे 9.9 करोड़ के सामने लॉस के सामने 9.9 पूरा गेन पूरा एडजस्ट हो गया फुल हेज 100 परसेंट हेज उसके जगह पे मेरे को 30 परसेंट हेजिंग ही चाहिए तो आप यहां पे नॉर्मल जैसे करते हैं ना उसी से कर रहे हैं बस एग्जिस्टिंग बीटा के बाद परसेंटेज आपको कितना हेज करना है वो आप ले लो सिंपल एंड दैट विल गिव यू दैट मच परसेंटेज ऑफ हेजिंग तो इससे कई बार आप ओवर हेज भी हो सकते हो कई बार आप अंडर हेज भी हो सकते हो जैसा आपने हेजिंग पोजीशन लिया है सो वैल्यू ऑफ पोजीशन इंडेक्स इन फ्यूचर तो वैल्यू ऑफ एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो इनटू टू ऑफ एक्जिस्टिंग बीटा इनटू परसेंटेज टू बी हेड करो करोगे जितना परसेंटेज किया है फिर मार्केट जैसा मूव होता है उस हिसाब से आपको उतना हेजिंग मिल जाएगा। सो आई होप वी आर वेरी क्लियर विद वी कैन अप्लाई इट थरली इन एनी ऑफ द क्वेश्चन ओके ठीक है तो बेसिकली यही है वैल्यू ऑफ शेयर पोर्टफोलियो इनटू बीटा इनटू आपको कितना परसेंटेज हेज करना है वो आप कर सकते हो डिवाइड बाय प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड आपका पार्शियल हेजिंग भी कंप्लीट हो जाता है अब आते अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर प्राइस जैसा मैंने बोला शुड बी इक्वल टू स्पॉट प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड पर ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हो तो अभी अपन लोग ने जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से, से फिफ्टीन परसेंट का मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा है ड्यूरेशन थ्री मंथ ट्वेंटी फाइव परसेंट का एक्सपेक्टेड डिविडेंड तो आइडियली थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस होना चाहिए सिक्स वन सेवन पॉइंट नाइन टू फाइव करता हूँ सिक्स वन एट आइडियली मेरा यहां पर थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस होना चाहिए सिक्स वन एट रुपीज अब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ये नहीं है ऐसा सोचो कि एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है सिक्स थर्टी या एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है सिक्स हंड्रेड तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा देखना अगर समझो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस जैसा मैंने बोला आया सिक्स वन एट बट एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आया आपका देन इन दैट केस आप तो बोलोगे कि यार ये तो ज्यादा में बिक रहा है ओवर वैल्यूड है बराबर ना जो चीज छह सौ अठारह की होनी चाहिए वो मार्केट में सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी दिखा रहा है सो इट इज कॉल्ड एज ओवर वैल्यूड ंग राइस टू आर्बिट्राज पॉसिबिलिटीज या फिर अगर ये सिक्स वन एट है बट आपका एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है खाली सिक्स हंड्रेड so यार ये तो छ सौ अठारह का होना चाहिए छ सौ में प्राइजिंग दिख रहा है इधर देन वी विल से इट इज अंडर वैल्यूड इफ ए एफ पी इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड इट गिव राइज टू आर्बिटराज दैट इज वेन ए एफ पी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस जो मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है इज नॉट इक्वल टू टी एफ पी विच इज थल फ्यूचर प्राइस आर वी अंडरस्टैंडिंग यस सर अब ऐसा सिचुएशन में आर्बिट्राज होगा पर कैसे होगा ये आर्बिट्राज का तांडव आओ मैं आपको सिखाता हूं आर्बिट्राज का तांडव सिचुएशन वन इफ एफ पी विच इज इफ actual future price is less than theoretical future price agar aisa scenario hua, then in that case we know that it is undervalued actual future price say 6 sorry undervalued ha. so if actual future price 600 is less than theoretical future price then it is undervalued तो अगर ये अब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अंडर वैल्यूड है तो कोई भी चीज अंडर वैल्यूड होगी तो आप उसको क्या करोगे समझो ये मैं आपको बोलता हूं इस कैलकुलेटर का प्राइस होना चाहिए था छह सौ अठारह सिक्स हंड्रेड एंड एटीन बट अभी ये फिलहाल सिक्स हंड्रेड में मिल रहा है तो ऐसे चीज को आप क्या करोगे यस yes, आप उसको लॉन्ग करोगे देखो वापस से समझो रे भाई अगर मेरा ये कैलकुलेटर 618 के जगह पे छो रुपये में अगर बिक रहा है थियोरिटिकल प्राइस ग्रेटर एक्चुअल ओनली 600 सो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस लेस देन फ्यूचर प्राइस सो छो की चीज छुपये में बिक रही है तो आप क्या कर लोगे उसको बाय करोगे लॉन्ग फ्यूचर्स कर लो आज का आज ही लॉन्ग फ्यूचर्स कर लो आज लॉन्ग फ्यूचर्स करना मतलब कनाई से माइनस बाय कर रहे हो आप कोई भी चीज तो माइनस अब आप सामने क्या करोगे पता है क्या शेयर्स को सेल कर दोगे शॉर्ट कर दोगे शेयर्स को सो so, जैसे फ्यूचर्स में जो आपने पोजीशन किया है ना शेयर्स मार्केट में आप उसका ऑपोजिट पोजीशन लोगे तो शेयर्स मार्केट में देखो आपका ऑपोजिट पोजीशन क्या आ जाएगा वेल इट विल बी शॉर्ट क्योंकि आपने यहां पर लॉन्ग किया है आप शॉर्ट सेल कर दोगे शॉर्ट सेल समझते हो ना शेयर्स ना होते हुए भी, भी बेच देना तो आपने शॉर्ट सेल कर दिया जैसे ही शॉर्ट सेल किया आपके पास पैसा आ गया उसको आपने क्या किया इन्वेस्ट कर दोगे एट करेंट शेयर प्राइस सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा सो so, ये मेरा फर्स्ट स्टेप में क्या कर दिया मैंने लॉन्ग फ्यूचर्स शॉर्ट सेल जैसे ही शॉर्ट सेल किया पैसा आ गया शॉर्ट सेल मतलब बेच देना शेयर तो है नहीं पैसा आ गया वो जो पैसा है उसका क्या करूं इन्वेस्ट कर दो तो उसको मैंने इमीजिएटली इन्वेस्ट कर दिया करंट शेयर प्राइस मतलब जो भी मेरे को करंट शेयर प्राइस से पैसा आया उस पर इन्वेस्ट कर दिया अब मेच्योरिटी पे क्या होगा लॉन्ग फ्यूचर्स को तो शॉर्ट करना पड़ेगा सीधी सी बात है एंड जो शेयर शॉर्ट सेल किया है उसको बाय करना पड़ेगा अब ध्यान समझना। share, सब समझना रिलायंस का मेच्योरिटी पे शॉर्ट फ्यूचर्स हो लॉन्ग फ्यूचर्स हो बाय हो शेयर सेल शेयर्स हो सबका प्राइस एक ही होगा तो ये मैं शॉर्ट करूंगा तो बेसिकली सेल ये मैं बाय करूंगा तो बाय ये माइनस प्लस कैंसल हो जाएगा जो बच गया वो हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट तो सुनो ये पोजीशन स्क्वेड ऑफ ये पोजीशन स्क्वेड ऑफ समझे तुम लोग अब जो इंटरेस्ट है वो मेरा मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा समझे दैट इज वेर आई विल मेक आर्बिट्राज प्रॉफिट सर पर यह कैसे हुआ समझ में नहीं आया मतलब इससे कैसे प्रॉफिट मिलेगा और एक चीज यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मिस नहीं करना है आर्बिट्राज विल स्क्र ऑफ द फ्यूचर ओनली ऑन डेट ऑफ एक्सपायरी क्योंकि एक्सपायरी पे मैंने आपको बतायाक्वल टू टी एफ पी आई डिफॉल्ट सेम ही होता है सो एट मच्योरिटी आपने शॉर्ट फ्यूचर्स किया बाय शेयर्स किया विल बिकम सेम प्राइस एंड विल गेट ऑफसेट विद ईच अदर एंड विल गेट ऑफसेट विद ईच अदर तो ये दोनों एक दूसरे के साथ हो गए ऑफसेट बराबर ये जैसे एक दूसरे के साथ ऑफसेट हो गए तो मेरे जेब से तो कुछ एक्स्ट्रा गया ही नहीं तो ऑटो सेट ऑफ हो गए राइट मेरे पास जो इंटरेस्ट आ गया वो मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा चलो आओ एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं सो so, ये देखो स्पॉट प्राइस है फोर हंड्रेड सिक्स मंथ फ्यूचर प्राइस है फोर हंड्रेड एंड सेवन सेवन देख लेना लिख लेना डिविडेंड पर शेयर भी दिया है तो उसका इंपैक्ट कैसे देना है ट्वेंटी परसेंट सबसे पहला काम है आप थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करोगे कैसे करोगे थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट सो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से वन प्लस डी करके फोर थर्टी थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस आता है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस मतलब यही फ्यूचर प्राइस होना चाहिए बट एक्चुअली मार्केट में तो चार सौ सात में बिक रहा है मतलब बैठा बैठा अट्ठाईस रुपए का फायदा होने वाला है बट कैसे अट्ठाईस रुपए का फायदा होगा तो इसके लिए मुझे ये गेम खेलना पड़ेगा Because, मेरा थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज हायर एंड एक्चुअल खरीद लूंगा तो खरीदूंगा शॉर्ट सेल कर दूंगा फोर हंड्रेड पे तो फोर हंड्रेड रुपीज मेरे पास आ जाएगा इसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा छह महीने के हिसाब से बीस परसेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए अब एट द एंड ऑफ मेच्योरिटी मतलब छह महीने के बाद छह महीने के बाद कहना है ये प्राइस और ये प्राइस तो सेम ही हो जाएगा तो ये तो ऑफसेट हो जाएगा माइनस फोर हंड्रेड एंड सेवन क्योंकि लॉन्ग किया था बट अब मेरा शॉर्ट ये पे हो जाएगा पर मेरे को शेयर सामने बाय करना पड़ेगा शॉर्ट सेल को करने के लिए. सो ये तो वैसे भी कट गया प्लस चार सौ रुपया अब मेरे को जो इन्वेस्टमेंट किया उसका चार सौ रुपया मिल जाएगा प्लस उसके ऊपर जो जो इंटरेस्ट है वो भी मिलेगा एंड जो डिविडेंड मेरा गया वो अपॉर्चुनिटी so कॉस्ट तो है वो इस तरह से होने वाला है अभी क्लियर गाइज अब उल्टा हुआ तो इफ ए एफ पी एक्चुअल फ्यूचर प्राइस महंगा है तो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस महंगा है तो उसको बेच दो अब मैं क्यों खरीदू भाई महंगी चीज क्यों करी तू महंगी चीज तो बेचनी है ना तो मैं क्या करूंगा शॉर्ट फ्यूचर्स ऑपोजिट पोजिशन इन शेयर बाय स्पॉट शेयर पर बाय करने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं बोरो कर लो चलेगा बोरो कर लो बोरो बाय कर, कर लो अब बोरो तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा यस yes, सर अब एट मेच्योरिटी शॉर्ट फ्यूचर्स के सामने लॉन्ग फ्यूचर्स कर देंगे बाय स्पॉट शेयर्स के सामने सेल शेयर्स कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल सो शॉर्ट फ्यूचर्स एड लेस लेस बाय इंटरेस्ट करना पड़ेगा बट बिकॉज मैंने ये शेयर खरीद लिया है किया था. में, जिसके पास, में, वो शेयर है ना उसको वो डिविडेंड मिलता है बट यहाँ पे तो मैंने रियल में बाय कर लिया है उतना डिविडेंड मेरे पास आ जाएगा एंड मेरा आर्बिट्राज कंप्लीट समझ एवरीबॉडी जी हाँ इसी के साथ मेरा आर्बिट्राज विद फ्यूचर्स ट एवरी थ क्या बोलता है पब्लिक प्रॉपरली एक, -एक चीज समझ में आई बस यही तो एंड uh, इंटेंट था एंड यही तो मेरे को चाहिए था आप लोगों के पास से वाह सो डन विद दिस डू लेट मी नो हाउ हाउ डिड इट ऑल गो स्मूथ एंड सेफ और अब मैं आपको ले चल रहा हूं आ चल के तुझे मैं ले के चलू गगन के तले। रियल ऑप्शन होगा जी हां समथिंग दैट इज न्यू यस रियल ऑप्शन इज बेसिकली कैपिटल बजटिंग विद डेरिवेटिव्स जी हाँ कैपिटल बजेटिंग प्रोजेक्ट में अगर मुझे डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल ऑप्शन के लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा शेयर करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली यू कैन डाउनलोड इट एंड लेट्स अंडरस्टैंड प्लस मैं करवाने वाला हूं कुछ सम्स जी हाँ अभी के अभी सो so, ये चार सम्स मैं सोल्व करवाऊंगा उसमें से तीन सम्स है न्यू आई सी ए आई मोड्यूल

ड्यूरेशन मैक्स वन ईयर का एक्सपायरी का आपको मिलेगा यूज थ्री मंथ रियल ऑप्शन में प्रोजेक्ट है project तो एक साल में होगा नहीं सो इट इज ऑब्वियसली मोर देन वन ईयर यर लॉन्ग फ्यूचर्स शॉर्ट फ्यूचर इज प्राइजर इन रियल ऑप्शन बिकॉज एक प्रोजेक्ट है इट इज वैल्यूड सो ये एक बेसिक यू कैन से डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन फाइनेंशियल ऑप्शन एंड रियल ऑप्शन कैपिटल बजेटिंग का रियल ऑप्शन कैपिटल का डेरिवेटिव है तो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी यूज किए हैं विच आई विल वॉन्ट यू टू गो थ्रू जो मैंने यहां पे लिखे हैं देखिए क्या है सबसे पहला है लॉन्ग कॉल लॉन्ग कॉल वहां पे क्या होता है राइट टू बाय यहां पे राइट टू इन्वेस्ट एट अ फ्यूचर डेट सो मुझे अगर लग रहा है कि भाई फ्यूचर में मुझे इन्वेस्ट करना है सो आई शुड गेट अ राइट टू कॉल लॉन्ग कॉल लॉन्ग पुट करेक्ट राइट टू सेल और अबेंडन एट अ फ्यूचर डेट फिर आता है शॉर्ट कॉल ऑब्लिगेशन टू सेल अ प्रोजेक्ट तो अगर मेरे पास लॉन्ग कॉल है तो मेरे पास है राइट टू इन्वेस्ट सो ऑब्वियसली किसी और के पास शॉर्ट पुट होगा ही होगा बट ऑब्वियस बात है बिकॉज उसके पास शॉर्ट पुट है तभी तो वो ऑब्लिगेशन टू मतलब मैं कॉल करूंगा इन्वेस्ट करूंगा तो ही विल सेल सो उसके पास ऑब्लिगेशन टू सेल होगा प्रोजेक्ट इफ काउंटर पार्टी वॉन्ट टू बाय एंड अगर मैं लॉन्ग पुट लेना चाहता हूं तो ही शुड बी विलिंग टू शॉर्ट पुट ऑब्लिगेशन टू बाय इफ काउंटर पार्टी वॉन्ट्स टू सेल सो दैट्स हाउ द टर्मिनोलॉजी गोस So, यहां पे लॉन्ग कॉल है वही राइट टू बाय बस प्रोजेक्ट में लॉन्ग पुट राइट टू सेल बट प्रोजेक्ट में शॉर्ट कॉल ऑब्लिगेशन सामने वाले का समझ रहे हो एंड शॉर्ट पुट ऑब्लिगेशन सामने वाले का तो यहां पे ऑब्लिगेशन टू सेल एंड वहां पे ऑब्लिगेशन टू बाय होना चाहिए बिकॉज अगर मेरे को राइट टू सेल है तो सामने वाला शुड बी ऑब्लिगेटेड टू बाय मेरे पास राइट टू बाय है तो सामने वाला शुड बी ऑब्लिगेटेड टू सेल बस टर्मिनोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है नाउ थ्री थिंग्स दैट आर देर इन दिस कॉन्सेप्ट एक है आपका ग्रोथ ऑप्शन दूसरा है अबेंडनमेंट ऑप्शन एंड तीसरा है टाइमिंग ऑप्शन तीनों के तीनों के ऊपर एक सम है जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये वाला जो सम है आईसीआई मॉड्यूल का है बेस्ड ऑन लॉन्ग कॉल ये वाला जो सम है आईसीआई मॉड्यूल का बेस्ड ऑन लॉन्ग शॉर्ट and then there is a timing option sum as well but in sabke pehle main karwana chahunga ek ICA module ka black and scholes ka basic sum jisse apne ko black and scholes ke upar ek uh, acha grip aa jaye and then we can easily solve these sums as well वैसे black and scholes को अपन लोग एक एट लीस्ट आईडिया ले चुके हैं जब अपन ने अभी रिवीजन सेशन किया था तो अब यहाँ पे अपने पास ये फार्मूलास एंड एवरीथिंग वाज रेडी विद अस सो नाउ टाइम टू यूज इट और मैं कनेक्शन लूंगा आईसीए के मॉड्यूल का सो दैट इट इज कंफर्टेबल टू यू सो आ जाओ आईसीआई के मॉड्यूल में ब्लैक एंड स्कोल्स का एक बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है लेट्स ट्राई एंड डू दैट क्लासिक क्वेश्चन यस वॉट से राइट ये अगर कभी ब्लैक एंड स्कोल्स आया चांसेज आर के इसी के आसपास से कुछ आएगा सो डेफिनेटली यू कैन ओपन दिस लेट्स स्टार्ट गाइस फुलट्स डू इट लेट्स में प्रॉपर बाकायदा सम अपन लुक सोल्व करेंगे और क्या चाहिए एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज टी आई सी लिमिटेड टी आई सी लिमिटेड क्विक फायर में ही मैं इसको सॉल्व करूंगा

एंड पूरा सब मस्त सॉल्व हो जाएगा ठीक है सो एसओ आ गया एक्सरसाइजएबल रेट तो कैन आई से ये ईपी आ गया एक्सरसाइजएबल प्राइस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 5% आर एफ आ गया, गया ये अपना स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्राइस इज 22% सो so ये 0.22 आ जाएगा इसको अपन पॉइंट आर एफ पॉइंट 05 करके लिख सकते हैं ये मेरा वराइंस आ गया नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया ओके okay. सो so, ये मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया बेस्ड ऑन दसमशन दैट टी आई सी इज नॉट गोइंग टू डिक्लेयर एनी डिविडेंड ओवर द नेक्स्ट थ्री मंथ इज द ऑप्शन बर्थ बाइंग फॉर रूपीज ट्वेंटी फाइव इन शॉर्ट अपने को वैल्यू ऑफ ऑप्शन कैलकुलेट करके दिखाना है आर वी रेडी यस वी आर सो अपने पास फॉर्म्यूला तो वैसे भी अपने सामने बट वी डोंट वॉन्ट इट अपन क्या बोलेंगे कैल्कुलेट so, करना हो तो स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस होता है बट ऑब्वियसली मेरे को ये जो एक्सरसाइज प्राइस है उसको प्रेसेंट वैल्यू पे लाना है तो ई रेस टू आर टी कर देता हूं मैं और इन दोनों का प्रॉबिलिटी के लिए एन डी वन Minus exercise price upon ERT, E raised to RT into ND2 is what I will do. ND2 is what I will do. Are we clear, everybody? So, can I say with this, I am kind of able to manage the value of call option without any struggles. करके सब नंबर डालना है सो दट आई विल फर्स्ट एटलीस्ट मैं एक मेरा बेसिक फ्रेमिंग क्वेश्चन का कर लू राइट सो सबसे पहला चीज आपको ब्लैक एंड स्कोल्स में कैलकुलेट करना होता है डी वन येस दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट सो आज कैलकुलेट करते हैं डी वन उसके लिए फॉर्मूला है नेचुरल लॉग ऑफ एसओ अप जो अपने पास अवेलेबल है प्लस जो रिस्क फ्री रेट आएगा वो सो रिस्क फ्री प्लस वन बाय टू इन टू से अपन लोग स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर लेते हैं एंड मल्टीप्लाई दैट बाय टी राइट चलो लेट्स स्टार्ट सो इक्वल टू एल एन एसओ अपॉन ईपी अपन लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख दिया है कि क्या एसओ SO है क्या ईपी है एसओ SO है अपना फोर वन फाइव है अपना फोर हंड्रेड वेरी मच एविडेंट सो वी विल राइट योर वन फाइव अपॉन फोर हंड्रेड ओके सर प्लस आर एफ रिस्क फ्री रेट सब चीजें अपन लोग ने लिखी हुई है रिस्क मेरा जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड स्टैंडर्ड डिविएशन है पॉइंट टू टू एंड टाइम है मेरा टाइम देखो टाइम देखो क्या दिया है टाइम so है मेरा थ्री बाय ट्वेल्व आर एफ इज पॉइंट जीरो फाइव प्लस हाफ इसको आप पॉइंट फाइव भी लिख सकते हो सो पॉइंट फाइव इन टू पॉइंट टू टू स्क्वेर एज पर द्वेश्चन राइट ट्वेंटी टू परसेंट विल बी रिटर्न है जीरो पॉइंट टू टू एंड देन मल्टीप्लाई इट बाई टी सो ये मेरा डी वन है इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है इन टू टी टी इज थ्री मंथ डिवाइड बाय ट्वेल्व ऑल ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय सिग्मा रूट टी सिग्मा रूट टी सो शिफ्ट कर देते हैं तो so, ये आ गया मेरा फॉर्मूला अब सिग्मा रूट टी क्या है जीरो पॉइंट टू टू इंटू रूट ऑफ थ्री बाय ट्वेल्व कैन बी रिटर्न जीरो सब लोग को इतना समझ में आ रहा है यस सर इजी पीजी स्क्वीजी अब फटाफट अंदर का जो पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे सो फोर वन फाइव डिवाइड बाय फोर हंड्रेड में कर देता हूं फोर वन फाइव डिवाइड बाय फोर हंड्रेड में करता हूं तो आता है वन पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव इसका नेचुरल लॉग निकालेंगे जीरो थ्री सेवन फाइव प्लस ये अंदर का पूरा अभी अपने को सॉल्व करना पड़ेगा गाइस सो लेट्स डू इट वैसे पॉइंट टू फाइव का रूट इंटू पॉइंट टू टू सो ये जीरो पॉइंट वन वन आ गया है सो so ये मैंने लिख दिया जीरो पॉइंट वन वन अब पॉइंट टू टू इन टू इज इक्वल टू इन टू पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट जीरो सॉल्व करोगे ना मजा आएगा टाइम भी नहीं लगेगा एंड एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा बस अब एक लास्ट है एल एन वन पॉइंट जीरो भी सॉल्व कर लेते हैं आ जाओ सो नेचुरल लॉग ऑफ वन पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव कैलकुलेट करना है उसके लिए देखो यहां पे तुम लोग के साथ मैंने एक सिस्टम सेट किया हुआ है तो देखो क्या है नंबर क्या है सो so, आप लोग सब सो वन पॉइंट जीरो थ्री सेवन फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व माइनस वन करेंगे मल्टीप्लाई बाय फोर जीरो नाइन सिक्स करेंगे एंड मुझे मिल जाएगा

थ्री सिक्स एट डिवाइड बाई पॉइंट वन वन एंड ये आता है पॉइंट फाइव जीरो थ्री थ्री ले सकते हैं अपन लोग फाइव जीरो थ्री टू सेवन चलो सो ये हो गया डी वन पॉइंट फाइव जीरो थ्री टू सेवन ये हो गया मेरा डी वन ठीक है पॉइंट पॉइंट फाइव जीरो थ्री टू सेवन एंड डी टू क्या होता है थ्री टू सेवन एंड डी टू क्या होता है कैन आई से इट इज डी वन माइनस सिग्मा रूट टी यस रोवन माइनस सिग्मा रूटी ऑलरेडी अपन लोग ने इधर कैलकुलेट किया है जीरो थ्री टू सेवन माइनस पॉइंट वन वन पॉइंट थ्री नाइन थ्री टू सेवन पॉइंट थ्री नाइन थ्री टू सेवन सो डी वन आ गया डी टू आ गया बोलो और क्या चाहिए लाइफ में नहीं और कुछ चाहिए क्या हाँ सर अब एन डी वन और एन डी टू चाहिए चलो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार देख लो एकदम सिस्टमैटिकली स्लो एंड स्टेडीली हो गया अच्छा नाउ वी विल कैलकुलेट एन डी वन एंड एन डी टू ध्यान से देखना अब अपन लोग कैलकुलेट करने वाले हैं एन डी वन और इसके लिए अपने को चाहिए Z टेबल सर कहां से मिलेगा यूजअली क्वेश्चन देगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बट अगर नहीं दिया है तो अपने पास अपेंडिक्स अगर आप लोग अपना इंस्टीट्यूट का कैसे इसका वर्किंग किया है अपने को चाहिए डी वन विच इज पॉइंट फाइव जीरो थ्री टू सेवन सो डी वन इज पॉइंट फाइव जीरो थ्री टू सेवन अब इतना बड़ा तो होता है नहीं सो so आपको क्या करना है पता है क्या पहले आपको पॉइंट फाइव जीरो का कैलकुलेट करना है फ्रॉम द टेबल जेड टेबल फिर पॉइंट फाइव वन का कैलकुलेट करना है एंड इसमें अपन इंटरपोलेशन यूज करेंगे सो यूजिंग इंटरपोलेशन तो एक एनडी वन का मैं इंटरपोलेशन करके बताऊंगा एनडी टू का आप लोग खुद से कर सकते हो डन चलो तो पॉइंट फाइव जीरो का देखो कितना रहा है पॉइंट सिक्स नाइन वन फाइव सो इधर मैं लिख लेता हूं पॉइंट सिक्स नाइन वन फाइव का देखो कितना पॉइंट सिक्स फाइव जीरो तो इधर मैं लिख लूंगा तो बेसिकली होना इन दोनों के बीच में प्लस और कितना होगा तो अब इंटरपोलेशन से कि भाई अगर यहां पे पॉइंट जीरो वन के लिए पॉइंट सिक्स नाइन फाइव जीरो माइनस पॉइंट सिक्स नाइन वन फाइव पॉइंट सिक्स नाइन फाइव जीरो माइनस पॉइंट सिक्स नाइन वन फाइव मतलब पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव आया है यहां पे पॉइंट डबल जीरो थ्री फाइव आया है देन इन दैट केस अब अपने को कितना चाहिए पॉइंट फाइव जीरो थ्री सेवन टू सेवन सो जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सेवन टू सेवन के लिए कितना होगा अगर पॉइंट जीरो वन में इतना चेंज आ रहा है तो पॉइंट जीरो जीरो थ्री सेवन टू सेवन के लिए कितना चेंज आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री जीरो फोर फोर फाइव वन थ्री फाइव एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन लोग कैलकुलेशन एक बार वापस कैलकुलेटर पे कर लेते हैं टू सेवन डिवाइड बाय पॉइंट जीरो वन ओ पॉइंट वन थ्री ज्यादा आ गया मेरा जीरो पॉइंट वन थ्री जीरो फोर फोर फाइव यहां पे अपन लिखेंगे पॉइंट वन थ्री जीरो फोर फोर फाइव एंड ये हो गया इक्वल टू प्लस पॉइंट सिक्स नाइन वन फाइव ये हो गया दिख रहा है वापस से कैलकुलेशन आ है रहे हैं 727, .5. ओ -ओ। ये देखो तो ये कैलकुलेशन का गेम है कैलकुलेशन में ज्यादा एरर हो जाता है बोलो दो बार क्रॉस चेक करना पड़ रहा है सो ये आ जाएगा प्लस करता हूं, तो आएगा yes. so, मेरा वन आ गया है बहुत बहुत बधाई हो सेम वे में पॉइंट सिक्स नाइन टू एट सेम वे में इंटरपोलेशन करके आपको Nd2 डी टू करना है यार उतना में आपके ऊपर छोड़ सकता हूं उतना मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूँ so, ये देखो ये रहा कैलकुलेशन so, इतना मैं आप भी आया सो so, अपने ही सिस्टम से अब आपको एनडी फाइंड करना है सेम ये कहां से मिलेगा इंस्टीट्यूट के ही ऐसे मॉड्यूल में वो अपेंडिक्स लास्ट में होता है ना उधर से आपको मिलेगा सो पे आ जाता है एनडी पॉइंट सिक्स फाइव टू नाइन यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ कभी डाउट आए तो पूछ सकते हो पॉइंट सिक्स फाइव टू नाइन सिक्स फाइव टू नाइन बस और क्या चाहिए लाइफ में अगर अब एनडी वन एनडी टू आ गया सो आई थिंक कैलकुलेशन ऑफ यस बिकम्स इजी ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन बिकम्स इजी बिकॉज अब uh, मुझे पता है कि एस SO, मेरा जो है फोर वन फाइव है

फोर minus, minus, minus. 400 अपॉन ये ये तो आपको दिया हुआ होगा सी पॉइंट जीरो पॉइंट इन टू पॉइंट टू फाइव कितना पॉइंट ई रेस टू लेट सी दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में हा ये रहा ई रेस टू पॉइंट जीरो वन टू फाइव ये दिया हुआ है नहीं भी दिया होता तो अपने को कैलकुलेट करने को आता है और वो तुम लोग ट्राई कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है सो फोर हंड्रेड अपॉन दिस इज गिवन तो कितना गिवन है वन टू फाइव सेवन एट पॉइंट सिक्स फाइव टू नाइन यस बस अब इसको सॉल्व करना है सो फोर हंड्रेड डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो वन टू फाइव सेवन एट इन टू पॉइंट सिक्स फाइव टू नाइन सो यह आता है टू फिफ्टी सेवन पॉइंट नाइन फाइनली टू एटी सेवन पॉइंट नाइन वन सिक्स इज इक्वल टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाता है ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स जीरो सो वैल्यू ऑफ ऑप्शन होना चाहिए ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स जीरो अपने को कितना बोला है सो देर पर करेक्ट अपन बोल देंगे करेक्ट वैल्यू ऑफ ऑप्शन ट्वेंटी नाइन पॉइंट सिक्स जीरो ओके वैल्यू ऑफ ऑप्शन एज पर मार्केट

डन प्लीज अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तो कमेंट में जरूर लिखना ब्लैक एंड स्कोल्स इजी है चलो टन नाओ अब देखो इसका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यस सी फर्स्ट पार्ट डन सेकेंड पार्ट पे आ जाएंगे

रिविजन में स्टार्टिंग में अभी करवाया था तो मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ पुट कॉल पैरिटी तो बस उसको यूज करने का टाइम आ गया है तो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज ई पी अपॉन ई रेस टू आर टी माइनस एस ओ प्लस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन ये देखिए ये रहा वो फॉर्मूला ये रहा वो फॉर्मूला इपी अपॉन ई रेस टू आर टी माइनस एसओ प्लस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन एंड बस अब उसको यूज करने का टाइम आ गया है आओ एक्सरसाइज प्राइस एंड इट इज फोर हंड्रेड अपॉन ई रेस टू आर टी सो ई रेस टू आर इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव इन टू टी इज जीरो पॉइंट टू फाइव माइनस एस ओ अब उसने बोला है कि भाई करंट प्राइस इज कंसिडर्ड एज थ्री एटी प्लस सी ओ तो जब थ्री एटी है तब वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना है ये तो आप लोग ने अभी कैलकुलेट किया होगा एज अ होमवर्क बट मैं यहां से ले लूंगा इट इज टेन पॉइंट फाइव टू गाइज इट इज टेन पॉइंट फाइव टू तो यहां पे मैं लिख देता हूं टेन पॉइंट फाइव टू बस अब इसको सॉल्व करो वैसे अगर आप लोग ने नोट किया होगा तो आप लोग देखोगे कि ये 400 डिवाइड बाय 0.05 इनटू 0.25 क्या है वेल इट इज ऑलरेडी गिवन हियर देखो इधर मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है ये रहा देखा 1.012578 तो वो लिख लेते हैं 1.012578 सो वी विल राइट हियर फोर हंड्रेड डिवाइड बाई वन पॉइंट जीरो वन टू फाइव सेवन एट माइनस थ्री एटी प्लस टेन पॉइंट फाइव टू चलो फटाफट बताओ कितना आता है फोर हंड्रेड डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो वन टू फाइव सेवन एट माइनस थ्री एटी प्लस टेन पॉइंट फाइव टू एंड मेरा आंसर यहां पे आ जाएगा 25.55 देखो जरा थर्ड पार्ट का आंसर आपका 25.55 आ रहा ट्वेंटी फाइव पॉइंट वेल यस आ रहा है ओ यस well, yes, आ रहा है एंड इट इज द करेक्ट आंसर थैंक यू सो मच मजा आया so, क्या आपने सोचा था जब आप ये कर रहे होगे कि वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन को पुट कॉल पैरिटी से आप कैलकुलेट करने वाले हो वी हैव डन इट ऑल सब सब मतलब ये देखो ये हो गया अपना फिर ये पूरा यूज हो गया एल एन मस्त यूज हो गया ये यूज हो गया बस एक चीज बाकी है सर ये डिविडेंड इनकम वाला भी एडजस्टमेंट करवा दो ना आइए फोर्थ वाला जो पार्ट है दैट रिलेट्स टू द डिविडेंट एडजस्टमेंट एंड यार सो आ जाओ मेरे फोर्थ पार्ट के ऊपर फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज इफ टी आई सी शेयर प्राइस एट प्रेसेंट इजन एज रुपीज फोर जीरो समझे क्या एवरीथिंग विल रिमेन सेम मेरे को अब आप लोग को खाली ये वाला पार्ट बताना है कि ये आप लोग को कैसे करना है so यहां पर जब डिविडेंड आता है तो बेसिकली आपको क्या करना होता है फोर्थ पार्ट में यू हैव टू डू एसओ आपको करना है एसओ माइनस डिविडेंड अपॉन ई रेस टू आर टी तो देखो एसओ SO आपको दिया हुआ है यस yes, दिया हुआ है इट शेयर प्राइस इज फोर हंड्रेड एंड एट सो यहां पे मैंने ले लिया फोर जीरो माइनस डिविडेंड है टेन अपॉन ई रेस टू आर टी आर टी देख लो कितना है Uh, expected to be paid in two months time so 0 0.05 into 2 by 12 so let's see 0 0.05 into 2 divided by 12 and yeah hai 408 minus 10 upon e raised to 0 0.00833 एन गाइज लेट मीट यू ये वाला उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन को अगर आप ओपन करेंगे so आपको दिखेगा यह देखो इधर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट थ्री थ्री दिया है वन पॉइंट जीरो जीरो एट फोर सो वी विल राइट योर हंड्रेड एंड एट माइनस टेन डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो जीरो एट फोर जीरो जीरो एट फोर इज इक्वल टू सो टेन डिवाइड बाय वन एंड यह आता है 398.08 बस अब आपको क्या करना है सुनो अब ये एक बार आपका कैलकुलेशन हो गया बस हो गया अब अपने को सब जगह पे इसी को रिप्लेस करना है एंड दैट इज 398.08 बस अब सी गाइस ये 398.08 आ गया नाइन माइनस डिविडेंड अपॉन ई रेस टू आर टी राइट अब आ जाओ मेरे ये फॉर्मुला पे एसओ माइनस डिविडेंड अपॉन ई रेस टू आर टी थ्री नाइनटी एट पॉइंट जीरो एट आ गया एंड इवन अपन नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं वो तो अपने को आ, आता ही है कैलकुलेट करना D1 के लिए यहां पे बोला है LN एन माइनस एसओ माइनस डी इन टू रेस टू माइनस आर टी अरे यही तो ये है 398 नाइनटी so, इधर इसको कट करके अपन लिख देंगे 398 इसको कट करके अपन लोग लिख देंगे 398 अपॉन एक्सरसाइज प्राइस है अपने पास आर एफ है वराय है टू है टी है सिग्मा रूट टी है और क्या चाहिए एंड ब्लैक एंड शोल्स का डिविडेंड वाला एस्पेक्ट ऑल्सो गाइज डन एंड ट्रस्टेड विद एवरीबॉडी यस सर सो ब्लैक एंड शोल्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगर कभी एग्जाम में आ सकता है गाइस बिलीव इट और नॉट वी आर डन विद दैट ठीक है चलो अब नेक्स्ट पड़ाव पे चलेंगे एंड दैट इज देखो मॉड्यूल सम ऑन ब्लैक एंड शोल सर डन वी आर डन अब नेक्स्ट आ जाते हैं अपन लोग ग्रोथ ऑप्शन के ऊपर एंड उससे रिलेटेड अब अपने को एक सम सॉल्व करना है समझना है क्या है ग्रोथ ऑप्शन एंड फिर सम सॉल्व करना है अगेन फ्रॉम डायरेक्टली योर मॉड्यूल सो दैट यू कैन फील कॉन्फिडेंट for yourself. Check one two three. Check one two three. तो एक्चुअली रियल ऑप्शन के कंसिडरेशन में तीन ऑप्शन है एक तो है मेरा ग्रोथ ऑप्शन जैसा कि आप लोग यहां पे देख ही रहे हो फिर बाद में है अबेंडनमेंट अगर मेरे को बेचना है मेरा प्रोजेक्ट तो और फिर है मेरा टाइमिंग ऑप्शन एक एक करके स्टार्ट करते हैं ठीक है अब पहले आते हैं ग्रोथ ऑप्शन के ऊपर सो so, ग्रोथ ऑप्शन बोलता है कि भाई देखो आपने समझो कोई बिजनेस चालू किया ठीक है और वो बिजनेस का आपको एक काफी टाइम तक कुछ बेनिफिट मिल रहा है जैसा कि अभी अपन लोग एग्जाम्पल देखेंगे सो दैट बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ ऑप्शन अगर आपको कंटिन्यू करना है आपको लग रहा है कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट ओवरऑल अच्छा चल रहा है एंड मुझे डिसीजन लेना है इसे चार साल बाद होता है ना कई बार कि तीन चार साल तक आपको बिजनेस में लॉस हो रहा होता है बट फोर्थ ईयर के बाद एक अच्छा पिकअप आ जाता है सो दैट बेसिकली इज योर कॉल ऑप्शन या ग्रोथ ऑप्शन आई शुड हैव अ राइट टू इन्वेस्ट आफ्टर फोर इयर्स एज वेल राइट सो ये है आपका ग्रोथ ऑप्शन इससे रिलेटेड एक फटाफट क्वेश्चन है जिसको अपन लोग सॉल्व करेंगे आइए फ्रॉम योर मॉड्यूल एवरीबॉडी पे अटेंशन एबीसी लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोसेस प्रोसेसिंग अ पेटेंट ऑफ अ ड्रग कॉल्ड आइड्रेक्स medicine for AIDS patient. Being an approach drug, ABC Limited holds the right of production of drug and its marketing. The period of patent is 15 years, after which any other pharmaceutical produce uh, the drug with the same formula. So, in me, kya hota hai pata hai kya? Jo pharma companies hoti hai na, samjho maine koi drug invent kiya hai. तो मेरे को एक पार्टिकुलर टाइम तक उस पेटेंट का बेनिफिट उठाने को मिलता है फिर मेरे को वो सबके साथ शेयर करना पड़ता है जो मेरा फॉर्मूला है वराय ऑफ ट्वेंटी अब देखो जैसे यह वराय वर्ड आया तो आपका दिमाग चमकना चालू हो जाना चाहिए कि भाई देखो बाइनोमियल में तो होता नहीं है करेक्ट ब्लैक में होता है दूसरा करंटरीर तो डॉफ ये भी बाइनोमियल में तो होता नहीं है किसमें होता, होता है बस तो अपने को जो वैल्यू फाइंड करना है दैट वी आर गोइंग टू यूज द बी एस एम ब्लैक एंड स्कोल्स मेथड तो भाई ब्लैक एंड स्कोल्स मेथड अगर मेरे को सर इधर यूज करना है देन इन दैट केस मेरे पास तो काफी सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए तो चलो आप हाँ क्वेश्चन को री re रीड करते हैं एंड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सो so, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड इट्स अ पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल क्वेश्चन इट्स अ पार्ट ऑफ योर मॉड्यूल क्वेश्चन पॉइंट थ्री नाइन ध्यान से समझना ठीक है अब अपन लोग बैलेंस अपना बैलेंस कोल्ड बोलो

फ्रॉम द सेल ऑफ ड्रग्स मिलियन सो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे अपने पास आ गया सबसे पहले है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज मतलब कहना है दिस इज रिप्रेजेंटिंग एसओ स्पॉट प्राइस प्रेसेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज बोलो कितना है कितना बोला है It is million. Done. तो ये हो गया एक पार्ट. दूसरा यहां पे अगर आप लोग ध्यान से नोट करोगे ना, देन इन दैट केस यू विल फाइंड इट इज एस्टिमेटेड इंकर ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिलियन फॉर डेवलपमेंट एंड मार्केट ऑफ द ड्रग सो ये आपके एक्सरसाइज प्राइस के जैसा है कि भाई अगर आपको अब किसी को भी ये बिजनेस को अक्वायर करना है या किसी को भी ये को को बनाना है मेरे कब मिलेगा अगर मैं कोई कॉम्पिटिटर कंपनी हूं और मेरे को अगर बाय करना है देन इन दैट केस बाय करने के लिए मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए करेक्ट इट इज डॉलर ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिलियन

and then एंड देन फिर सेवन पॉइंट एट परसेंट इज गोइंग टू बी which is the risk free rate इसको भी अपन लोग लिख सकते हैं 0 .078, 0 .078. I hope अपने को सब चीजें यहाँ पे जो लिखी है वो clear हो गई होगी अच्छा yes, sir and then T T भी इन्होंने दिया है uh, फिफ्टीन ईयर्स सो टी इज इक्वल टू फिफ्टीन टी इज इक्वल टू फिफ्टीन सो आई थिंक काफी इंफॉर्मेशन अच्छा है अपने पास ब्लैक एंड स्कोल्स के लिए अब इन्होंने एक हिडन एडजस्टमेंट बीच में घुसा दिया जो मैंने जब फर्स्ट टाइम सम किया पढ़ा तो ये सब चीजें में लिख पाया कोई प्रॉब्लम नहीं था बट यहां पे उन्होंने डाल दिया है समथिंग कॉल्ड एज डी एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डीले वन बाय फिफ्टीन इयर्स इक्वल टू वन डिवाइड बाय फिफ्टीन एंड दैट इज पॉइंट जीरो सिक्स सेवन वॉट दे हैव इंटरप्रिटेड इज के भाई एवरी ईयर ये जो ड्रग है इससे आपको कुछ ना कुछ से डिविडेंड मिलने वाला है क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने इसको एसओ SO, जो स्पॉट प्राइस है इन टू ए रेस टू माइनस डी एफ किया है जिसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं E रेस टू डी एफ अब D एंड F, F इज द ड्यूरेशन D इज के ये पॉइंट जो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन आया है वो तो इसको ये लोग ने इंटरप्रेट किया है कि भाई एवरी ईयर इनको डिविडेंड मिलने वाला है अब पंद्रह साल तक डिविडेंड मिलेगा कितना डिविडेंड वो नहीं पता है पर जो भी डिविडेंड मिला सब मिला के हो जाएगा वन मतलब परसेंटेज टर्म्स में सपोज अभी ट्वेंटी परसेंट मिला कभी फाइव परसेंट मिला कभी थ्री परसेंट कभी ट्वेंटी कभी तो नहीं पता है कि कौन से में कितना मिला है, so, किया है कि 15, सब मिला सब ईयर में मिला होगा सो दैट इज वेयर डी इज इंटरप्रिटेड एज जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सेवन अब आ जाओ सो so, ये एक जस्ट वेन नॉट वेरी कन्विंस विद आईसी अब अपने को यूज करना है यहां पर ब्लैक एंड स्कूल जिसमें अपन चैंपियन बन चुके हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा ब्लैक एंड स्कूल वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन विल बी राइट एस जीरो इन टू एन डी वन माइनस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन ई रेस टू आर टी इन टू एन डी टू करेक्ट करेक्ट सर बस यहाँ पे एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, so, है वो अपने को लिखना जरूरी है बस e e तो इसको ध्यान में रख के अब अपने को सबको सॉल्व करना है तो पहले सबसे पहले कभी भी ध्यान रखना ब्लैक एंड स्कोल्स में अपन लोग सोल्व करते हैं डी वन को राइट सो चलो लेट स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ डी वन सो डी वन इज वॉट इट इज नेचुरल लॉग ऑफ स्पॉट प्राइस अपॉन एक्सरसाइज प्राइस प्लस रिस्क फ्री रेट करेक्ट अब यहां पे देखो बिकॉज डिविडेंड है बिकॉज डिविडेंड है So, कुछ चीजें माइनस हो जाती है तो यहां पे आइडियली यहां से माइनस होना चाहिए था इन्होंने क्या किया है आर एफ से डी को माइनस किया है आर एफ को सॉरी दे हैव डन आर एफ माइनस डी कॉस्ट ऑफ डिले करके इन्होंने इंटरप्रेट किया है प्लस हाफ

So, D, 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 तो कि एसओ के ऊपर से तो एसओ के ऊपर से कोई भी चीज माइनस होती है वो डिविडेंट है वो अभी अपन ने देखा है वैसा करके ओके प्लस हाफ सिग्मा स्क्वेर तो ये भी अपने को दे दिया है सिग्मा स्क्वायर भी पॉइंट टू सिक्स एट करेक्ट एंड फिर मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन द होल अपॉन पॉइंट टू सिक्स एट तो से बेटा तो इसका रूट लेंगे और टी का रूट लेंगे अब इसको सॉल्व कर देखो ना ये तो वराएं से वराइंस चल अब क्विकली एलेन वन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स दिया है क्या यस yes, दिया है यूजली वो लोग देंगे डोन्ट वरी सो एलेन वन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स विच इजन टेंशन नहीं है प्लस अब ये सबसे क्रूशल वाला एडजस्टमेंट चलो करते हैं

अच्छा ये पॉइंट इसको भाई सिक्स सिक्स सेवन ले लो यार यस चल सो पॉइंट जीरो सेवन एट माइनस पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन प्लस पॉइंट वन थ्री फोर इन फिफ्टीन टू पॉइंट वन सेवन नाइन फाइव टू पॉइंट वन सेवन नाइन फाइव अपॉन अपॉन रूट ऑफ पॉइंट टू सिक्स एट इन टू फिफ्टीन पॉइंट टू सिक्स एट का रूट ये आता है आपका थ्री पॉइंट एट सेवन थ्री जस्ट एक क्रॉस चेक ओके, फिफ्टीन सॉरी फिफ्टीन का रूट इस थ्री पॉइंट एट सेवन थ्री पॉइंट टू सिक्स एट का रूट पॉइंट फाइव वन एट पॉइंट फाइव वन एट ठीक है अब एल एन वन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स भी क्वेश्चन में दे दिया है, तो उसको भी पॉइंट फाइव वन एट इन टू थ्री पॉइंट एट सेवन थ्री टू पॉइंट जीरो जीरो सिक्स 2.1795 पॉइंट वन सेवन नाइन फाइव प्लस पॉइंट टू एट नाइन सेवन डिवाइड बाय टू पॉइंट आ गया मेरा d1 इमीडिएटली इमीजिएटली मैं तो कैलकुलेट कर सकता हूं डी टू इज इक्वल टू डी वन माइनस सिग्मा रूट टी जो मैं इधर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं सो इट विल पॉइंट टू थ्री वन माइनस टू पॉइंट करेक्ट सो ये आ जाएगा नेगेटिव में सो डी टू आ जाता है नेगेटिव में एंड इट विल बी डी टू इज इक्वल टू पॉइंट माइनस पॉइंट जीरो सेवन सेवन फाइव माइनस जीरो पॉइंट सेवन सेवन फाइव समझे क्या कैलकुलेशन का ज्यादा गेम है ना कैलकुलेशन का पूरा ज्यादा गेम है यहां पे चलो अब D1 D2 फाइंड करना है देखते हैं यार क्वेश्चन में दे दिया हो तो अच्छी बात होगी D1 D2 तो दिया हुआ नहीं है तो अपने को ही फिर बाद में मेहनत करके कैलकुलेट करना पड़ेगा यार अब ये D1 D2 का कैलकुलेशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुका हूं जब आपने ब्लैक एंड स्कूल्स किया था सो ऑब्वियसली आई नॉट वेस्ट माई टाइम इन दैट हा बस एक इतना बोल सकता हूं कि भाई डी जो है वो नेगेटिव में है सो so जब आप यहां पे ओपन करेंगे ना सो so आपको डी नेगेटिव uh, में कैलकुलेट करके देखना है सो so, नेगेटिव वाला ओपन करना है उसमें है माइनस -0.775 सो -0.7 7 एंड 8 के बीच में और फिर यहां पे आप इंटरपोलेशन लगा सकते हो सो यू विल गेट एन आईडिया 2483 और 2514 के बीच में आएगा वी विल डायरेक्टली सी द आंसर फॉर ऑब्वियस रीजंस बिकॉज अभी उसपे अपने को ऑबवियसली टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते एट नाइन वन जीरो पॉइंट टू वन नाइन सिक्स सो एन डी वन एन डी टू भी मेरे को मिल गया है एंड दैट इज पॉइंट एट नाइन वन जीरो पॉइंट टू वन नाइन सिक्स पॉइंट एट नाइन वन जीरो पॉइंट टू वन नाइन सिक्स फ्रॉम द जेड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल राइट चलो अब आते हैं इसके लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर पास ND1, ND2 आ ही चुका है सो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन जो अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सो इन टू एन डी वन एस ओ है अपने पास बस ध्यान रखना ई अपॉन डी एफ करना है यहां पे माइनस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन ई रेस टू आर टी इन टू एन डी टू ठीक है चलो एसओ SO कितना है सिक्सटीन पॉइंट सेवन अपॉन ये देखो ई रेस टू डी एफ पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स सेवन इन टू फिफ्टीन आने वाला वन ही है आने वाला वही है वन ही है सो ई रेस टू वन पॉइंट जीरो 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 फाइव देखो क्वेश्चन में दिया होगा उसका वैल्यू एंड यस इट इज गिवन ई रेस टू वन पॉइंट ये देखो ये देखो ये ई टू वन पॉइंट पॉइंट जीरो जीरो फाइव थ्री सिक्स सेवन सेवन सो यहां पे अपन लिखेंगे पॉइंट थ्री सिक्स सेवन सेवन इन ट्वेंटी वन पॉइंट एट नाइन वन जीरो ये एक हो गया माइनस एक्सरसाइज प्राइस अपॉन

फोर्टी पॉइंट फोर सेवन आ रहा है यहां पर आई थिंक ये है ई रेस टू माइनस वन पॉइंट जीरो जीरो फाइव तब जाके इनका आंसर मैच होगा ये ये ऊपर जाएगा सपोज मैं इधर लिखता हूं ई रेस टू वन पॉइंट जीरो जीरो ठीक है ये लोग का गलती है वन पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव ठीक है ये इंस्टीट्यूट का टाइपिंग एरर है भाई बता दू मैं हम्मइंट जीरो जीरो ये आया अपना 15 करोगे तो करके आएगा सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट अब उन्होंने देना चाहिए बिकॉज़ e क्या होगा अब ये ऊपर चले जाएगा तो सिक्सटीन पॉइंट सेवन 1.005 जीरो जीरो वो लोग ने दिया हुआ है

ट फाइव इन टू पॉइंट थ्री वन जीरो फोर इन पॉइंट टू वन नाइन सिक्स चलो सॉल्व करो बेटा So sixteen point seven into point three six seven seven into point eight nine one so five point four seven one three minus twelve point five into point three one zero four into point two one nine six and it is point eight five two one. टू एंड फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास वैल्यू ऑफ पेटेंट फाइव पॉइंट फोर सेवन वन थ्री माइनस पॉइंट एट फाइव टू फोर पॉइंट फाइव सिक्स फाइव थ्री फोर पॉइंट सिक्स मिलियन डॉलर समझे ग्रोथ ऑप्शन करने का आपको बहुत एक्साइटमेंट था आई होप एक्साइटमेंट पूरा हो गया होगा एनीवेज <laughs> जो था वो है एक ही सम था वो अपन लोग ने कर लिया। इसके अलावा और कुछ आने का वैसे चांस है नहीं सो so, ठीक है नॉट अ बिग डील फिर बाद में आ जाते हैं अपन लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर विच इज अबेंडनमेंट विच इज अबेंडनमेंट ऑप्शन अब सुनो Option, क्या बोलता है आपको वो बोलता है कि बॉस अगर आपको चाहिए सो यू शुड है राइट टू सेल द प्रोडक्टेक्ट कभी भी आपका मन किया तो यू शुड है राइट टू सेल द प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है तो चलो उस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं अगेन आपके आईसीआई मोड्यूल का ही क्वेश्चन है सो लेट्स स्टार्ट विथ दु क्वेश्चन आई पी एल ऑलरेडी इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर is considering a proposal of building a new plant to produce pesticides suppose the present value of proposal is 100 crore without the abandonment option however if market conditions for pesticides turns out to be favorable present value shall increase by 30% and market remains sluggish it will be reduced by 40% because some other upside downside can i say a binomial use on a public

IPL क्वेश्चन का नाम है आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर चल सो अब सीन क्या है यहां पे देखते जाते हैं सबसे पहले वो लोग ने बोला है सबसे पहले उन्होंने बोला है कि भाई अगर करंट प्रपोजल देखते हो तो हंड्रेड है थर्टी परसेंट से बढ़ सकता है फोर्टी परसेंट से नीचे डाउन भी जा सकता है सो करंट पोजीशन है हंड्रेड ये है मेरा यू कैन से करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस भी यही है जो थर्टी परसेंट ऊपर जा सकता है तो ये हो जाएगा वन थर्टी अगेन थर्टी परसेंट अपसाइड पोटेंशियल हुआ तो वन थर्टी फोर्टी परसेंट डाउन साइड पोटेंशियल हुआ तो सिक्सटी राइट ओके और क्या इंफॉर्मेशन दिया है? देखो आर के बारे में कुछ इंफो दिया है क्या आर इज एट परसेंट इक्वल टू एट परसेंट अब मेरे को चाहिए प्रॉबिलिटी मेरे को चाहिए वन माइनस प्रॉबिलिटी बराबर है कि नहीं यस yes, सर तभी मैं आगे का प्लानिंग मेरा कर पाऊंगा सो so, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपने को पता है क्या है देखो दो तरीका होता है एक होता है यस आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी एक तो ये फॉर्मूला है सो so, देखो आपका आर क्या है आर 1.08 पॉइंट जीरो एट माइनस डी क्या है डी तो इधर देखो डी कैलकुलेट करो

सर पर अगर मेरे को इसको रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेथड से कैलकुलेट करना है तो करो ना किसने मना किया है करो सो so आओ वो भी कैलकुलेट कर ट्राई कर लो एस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड अपर प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड डाउन प्राइस इनटू वन माइनस प्रोबेबिलिटी अपॉन आर बराबर है तो यहाँ पे अपना स्ट्राइक है हंड्रेड स्पॉट प्राइस है 100 पे

So, ये इधर आ जाएगा सो इट विल बिकम फोर्टी एट इज इक्वल टू सेवेंटी करो इट इज वन एंड द सेम एंड इट इज पॉइंट सिक्स एट सिक्स जी आ गाइस पॉइंट सिक्स एट सिक्स अगर ये पॉइंट सिक्स एट सिक्स है तो वन माइनस पी 0.314 अब इंस्टीट्यूट को तो देखो एक और तीसरा मेथड से सॉल्व किया है जरूरत ही नहीं है ये आप ही का मेथड है इंस्टीट्यूट रिस्क प्रोबेबिलिटी न्यूट्रल न्यूज़ न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी एनीवेज अब ध्यान से समझना देखो सो मेरा सी यू इंटू पी प्लस सी डी इंटू वन माइनस पी अपॉन मेरे को उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है तो आर इज गोइंग टू बी माई वैल्यू सी यू इन टू पी सो ऊपर जाने का चांसेस क्या है देखो अपन लोग तो यहां पे सिक्सटी का, so, तो का चीज का वो लोग बोल रहे हैं, अपने को एट्टी देंगे तो कहना है So, यहां पे अपन लोग को लिखना पड़ेगा कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अबंडनमेंट इफ इन केस द कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट इट कैन बी डिस्पोज फॉर एटी एट्टी दिख रहा है सॉरी हा इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ फॉर रूपीज भैया इट कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर रूपीज एट्टी मतलब तो ये तो नॉट इंटरेस्टेड तो हमको तो बेचना है सो so, अगर ऐसा सिनेरियो है सो इन केस ऑफ अबंडनमेंट वी विल टेक सी डी क्योंकि अपने को बेचना है सो सी यू इंटू सी यू इंटू पी पी so, है पॉइंट सिक्स एट सिक्स ऊपर वाला अपन लोग एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे प्लस सी डी अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ट्वेंटी का बेनिफिट माइनस सिक्सटी पॉइंट थ्री वन फोर अपॉन वन पॉइंट जीरो एट कर लो इसको सॉल्व ट्वेंटी इंटू पॉइंट थ्री वन फोर डिवाइड बाय पॉइंट जीरो जी हाँ फाइव पॉइंट एट वन क्रॉड विल बी द वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन एंड अबेंडनमेंट है, so है यहां so पर आप लोग एवरीबॉडी राइट टू सेल द प्रोडक्ट प्रोजेक्ट तो ये होता है पुट एंड पुट केस में अपर नहीं डाउन वाला लेंगे सो सी यू नहीं आएगा सी डी आएगा

द टाइमिंग ऑप्शन बस अब खत्म होने को है सो टाइमिंग ऑप्शन बोलता है कि भाई अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है कि यू वॉन्ट टू कंटिन्यू और यू वॉन्ट टू डिसकंटिन्यू दैट इज वॉट यू कैन डू एज द टाइम मूव ऑन आओ क्वेश्चन करते हैं इसका भी एक सपोज एम आई एस इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग So, just to give you a perspective, याद रखना, यहाँ पे पुट था इसके लिए बाकी ये समझ नॉर्मल जैसे अपन लोग बाइनोमियल का करते हैं वही है यहाँ पे भी इसके पहले वाला ग्रोथ जो किया नॉर्मल ब्लैक स्कोल्स का जैसा सम है वैसे ही करते हैं बस एक ही इसमें चेंज है वो है एसओ अपन ई रेस टू डी एफ की है इट। बाकी सब सेम है सिर्फ पे I don't know, मैंने आपको बताया कि नहीं ये ये e है, जब ऊपर जाता है तो इट बिकम्स माइनस बाकी तो इट इज बैलेंस स्कोर कार्ड बस बैलेंस स्कोर कार्ड बोल रहा हूं ब्लैक एंड स्कोल मॉडल चल अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ द चैप्टर ऑफ आर से छोटा सा समय फटाफट हो जाएगा कम सपोज एम आई एस इज कंसिडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट फॉर लाइटिंग द स्टाफ क्वार्टर प्लांट कॉस्ट टू पॉइंट फाइव क्रोज एंड शा लीड टू सेविंग इन इलेक्ट्रिसिटी एट द करेंट टेरिफ बाय ट्वेंटी फाइव लैक पर ईयर फॉर एवर हाउ एर विद चेंज इन गवर्नमेंट the rate of electricity is subject to change accordingly. Saving in electricity can be 12 lakh or 35 lakh per year and forever. Weighted average cost of capital 10%. Risk free rate of return 8%. Whether we should accept the project or wait and see. देखो, आज ही अगर अप्प्स कर लिया, आज ही अप्प्स कर लिया तो क्या होगा? पहले वो निकालो. So if project एक्सेप्टेड टूडे तो देखो क्या होगा द प्लान शैल कॉस्ट टू पॉइंट फाइव प्रो एंड शालीड टू अविंग इन इलेक्ट्रिसिटी एट ट्वेंटी वन लैक पर ईयर फॉर एवर सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो अपन बोलेंगे भाई देखो ट्वेंटी वन लैख फॉर एवर सो जब भी कोई चीज फॉर एवर होती है तो सीधा उसको डिस्काउंट कर देते हैं एंड पे डिस्काउंटिंग फैक्टर टेन परसेंट इंटर का कॉन्सेप्ट है ये दिवी. अब वो आइडिया होगा आपको सो ट्वेंटी वन डिवाइड बाई टेन परसेंट करता हूं तो इट इज टू हंड्रेड एंड टेन लैक्स दैट इज टू पॉइंट वन क्रोर माइनस कैश आउटफ्लो टू पॉइंट फाइव क्रोर्स है ओ सो पॉइंट फोर क्रोर्स का नेट लॉस काइंड ऑफ बोलूंगा मैं नेगेटिव एनपीवी सो देर फॉर नेगेटिव एनपीवी रिजेक्ट प्रोजेक्ट नाउ ओके, okay. सो so, ये आज तो एक्सेप्ट नहीं करना है फ्यूचर में क्या हो रहा है देखो चेंज इन गवर्नमेंट की वजह से क्या होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्ट टू चेंज एंड इट कैन बी ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व लैख और थर्टी फाइव लैख पर ईयर ओके सो ये कुछ अच्छा हो गया दैट अभी टू पॉइंट फाइव का इन्वेस्टमेंट है एंड फ्यूचर में अगर थर्टी फाइव लैख होता है फॉर एवर तो डिवाइड बाई टेन परसेंट थ्री पॉइंट फाइव हो सकता है एंड अगर ट्वेल्व लाख होता है तो वन पॉइंट टू करोर्स हो सकता है राइट अगेन वी डू नॉट हैव वन थिंग करेक्ट एंड दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी करो रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच को जाने का चांसेस थ्री पॉइंट फाइव पी प्लस ट्वेल्व लाख डिवाइड बाय टेन परसेंट वन पॉइंट टू वन माइनस पी अपॉन रिस्क फ्री रेट क्वेश्चन में देखो एट परसेंट है सो वन पॉइंट ज़ीरो एट तो इतना हाथ बैठ गया है ना अपना कि फ्लो में ही होते जा रहेगा राइट चलो सो टू पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट जीरो एट इज़ इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव पी प्लस वन पॉइंट टू माइनस वन पॉइंट टू पी टू पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट जीरो एट टू पॉइंट सेवन

पॉइंट थ्री फोर ए समझे क्या राइट पॉइंट सिक्स फाइव टू एंड पॉइंट थ्री फोर एट बस अब कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट एनपीवी सो देखो 2.5 करोड़ का अगर मेरा कैश आउटफ्लो है 0.652 का प्रोबेबिलिटी है और ये 3.4 पॉइंट करोड़ तक गया सो so, ये हो जाएगा 1 करोड़ इंटू टू प्लस अगर ये आ, 1.2 करोड़ है एंड मेरा वन माइनस पी है पॉइंट थ्री फोर एट सो इट विल बी माइनस वन पॉइंट थ्री क्रोर इन टू पॉइंट थ्री फोर

पॉइंट वन डबल नाइन सिक्स नाइनटीन लैख नाइनटी सिक्स थाउजेंड जी हा समझे क्या क्या किया <laughs> अरे देखो इधर बेटा सुनो 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 इधर देखो थ्री पॉइंट फाइव क्रोर मेरे को इनफ्लो आ जाएगा थर्टी फाइव लैख अगर पर इनडेफिनेटली चला एट द रेट टेन परसेंट डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस सी टेन परसेंट है कहाँ पे लिखा है सो इट इज डिस्काउंटेड एट दैट फैक्टर एंड वो अपने को लाइफ टाइम उसका वैल्यू आ जाता है तो थ्री पॉइंट फाइव करोर यहाँ पे आया सो थ्री पॉइंट फाइव करोर माइनस टू पॉइंट फाइव करोर तो इसका एनपीवी आ जाएगा वन करोड़ एंड नीचे वाले का वन पॉइंट टू करोर माइनस टू पॉइंट फाइव करोर इसका एनपीवी आ जाएगा माइनस वन पॉइंट थ्री करोड़ समझे बस फिर क्या था इसको सॉल्व किया यहां पे यहां पे यहां पे इसको सॉल्व किया ये देखो तो ये वन कैसे आया थ्री पॉइंट फाइव माइनस टू पॉइंट फाइव ये माइनस वन पॉइंट थ्री कैसे आया वन पॉइंट टू माइनस टू पॉइंट फाइव लाख लैखी सिक्स थाउजेंड आ रहा है डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो एट परसेंट वैल्यू पे लाने के लिए डिवाइड बाय वन पॉइंट जीरो एट एंड इट इज एटीन लाख फोर्टी एट थाउजेंड वन फोर्टी एट एनपीवी पॉजिटिव सो आफ्टर वन ईयर वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट वही पूछ रहा था ना भाई ऑन द स्पॉट तो हम लोग ने रिजेक्ट कर दिया था देखो ना ऑन द स्पॉट वाला तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था एफ एक्सेप्टेड टूडे तो मैंने बोल दिया था रिजेक्ट क्योंकि अपने को नेगेटिव एनपीवी आ रहा है बट एटलीस्ट बाद में मेरा यहाँ पे बाद में मेरा यहां पे फ्यूचर में इट इज वर्किंग आउट वेन ओके आर्स प्लस एंड वी आर फाइनली टन एंड टस्टेड विथ दिस चैप्टर वाओ मजा आ गया प्लीज आप ध्यान से आप लोग अगर इधर तक पहुंचे हो पूरा देखते हुए और अपने भी नोट्स बनाते गए हो देन वेल डन यू आर ऑन कोर्स टू गेटिंग सम वेरी वेरी गुड मार्क्स एंड बस यही बोलना चाहूंगा दैट यार मजा आ गया करवाने में बाकी आप लोगों को और कुछ चाहिए काफी लोग करेंसी ऑप्शन के लिए वीडियोज मांग रहे थे आपको भी चाहिए तो डू लेट मी नो एंड एनीथिंग एल्स दैट यू आर लुकिंग फॉर आई विल बी मोर देन हैप्पी टू अगले से एंड टेलीग्राम चैनल और वो सब ज्वाइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे या कमेंट में सब दिया हुआ है बी हेल्पफुल टू यू कनेक्टेड एग्जाम्स तक बहुत सारी चीजें आएंगी